शताब्दी से पहले भारत में कोई जाति प्रथा नहीं थी, और जब जाति प्रथा तब हुई जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए, और उन विदेशी आक्रमणों में क्षत्रिय वर्ग ने अपनी जो भूमिका निभाई और आज तक निभाता आ रहा है, उसकी वजह से इस वर्ग का, इस वर्ग की पहचान हुई, इसका महत्व बढ़ा। और आजादी के बाद, आजादी के बाद जब ये संख्या बल की बात होने लगी तो व्यक्तित्व, व्यक्तिगत योग्यताओं को पीछे छोड़ दिया गया, और एक ऐसा नारा जो योग्यता की कदर नहीं करता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको इस भीड़ के नेतृत्व के कारण सामाजिक व्यक्तित्वों को और योग्यताओं को पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखिए, मैंने अपने जीवन में, ज्यादा बड़ा जीवन नहीं रहा मेरा अभी तक, लेकिन जो भी रहा, जितनी दूर भी मैं जा पाया, मैंने ये देखा है कि क्षत्रियत्व अब वापस अपने उसी रूप में आ रहा है। जिन लोगों को लोकतंत्र की कमानें दी गई थी, वो लोकतंत्र आज इतना ढीला, इतना कमजोर और इतना लचीला हो गया है कि उसके होने पर सवाल उठने लगे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब राजस्थान के हाईकोर्ट के उद्घाटन के लिए आए थे, और एक आंध्र प्रदेश में एक घटना घटी थी एक अपराध की, और उस घटना पर उन्होंने कहा था कि इससे तो राजाओं के राज भी अच्छे थे जहां लोगों को न्याय मिलता था। ये 60-70 साल का समय कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उस समय में हमारी भूमिका ही क्या है। ये माइक ना ठीक कर ले भाई, ये घंटों को बाजा बजाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी योग्यता ही कितनी है। आप ये देखिए कि जब राजस्थान में राठौड़ राजवंश आया तो राव सिया के साथ केवल कहते हैं कि 70 सैनिक थे, और उन 70 सैनिकों की कुर्बानी का आप सिलसिला देखिए कि विक्रम संवत 1273 से लेकर 1272 से लेकर 1373 तक उनकी 7 पीढ़ियां कुर्बान हो गई थी। उन 7 पीढ़ियों की, उनके बलिदान ने इतना मजबूत किया कि आज दुनिया की एंथ्रोपोलॉजी साइंस कहती है कि राठौड़ दुनिया की सबसे बड़ी ब्रदरहुड कौम है। इसलिए आप ये सोचें कि अधिकतर राजनेता भाषण देते हैं कि सिर कटाने का समय नहीं है, सिर गिनाने का समय, ये गिनतियां काम नहीं आएगी। ये गिनतियां जब विप्लव आएगा, आपने देखा होगा कोरोना के समय, कोरोना के समय सारी सरकारी मशीनरी, ये सारे राजनेता, सारे तंत्र सब छुप गए थे, और ऐसे लोग आगे उभर के आए थे समाज में से, विभिन्न समाजों में से, जिन्हें लोग नहीं पहचानते थे, जिनके चेहरा नहीं जानते थे, जिन्हें सोशल मीडिया और टीवी पे नहीं जाना जाता था, उन्होंने अपनी भूमिकाएं इतनी अच्छी तरीके से निभाई, उन्होंने लोगों के लिए इतना योगदान किया कि आज उन्हें बहुत बड़ा माना जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि जसवंतगढ़ के उद्योगपति बजरंगलाल तापड़िया, उन्होंने कोरोना के अंदर 100 करोड़ रुपए, उनकी जितनी पूंजी थी अपनी पूंजी का 70% दान दे दिया था। और आप उनकी तुलना करिए, जो 100 करोड़, जो आदमी 300 करोड़ का, 150 करोड़ का मालिक था और उसने 70 करोड़ दान दे दिया, और दूसरी तरफ आप याद करिए अंबानी को, जिसकी 1.5 लाख करोड़ की पूंजी थी और उसने कोरोना काल में पैसा दिया मात्र 5 करोड़ रुपए। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, मायने ये रखता है कि किस वक्त में सेवा का, दान का, त्याग का और बहादुरी का कोई नाप नहीं होता, कोई निश्चित परिमाण नहीं होता कि सेवा कैसे की जा सकती है, दान कैसे किया जा सकता है, त्याग कैसे किया जा सकता है। एक त्याग का मैं आपको उदाहरण दूं कि मराठों की सेना, मराठों के उस समय के, मैं कहूंगा कि बर्बर सेनापति अप्पाजी सिंधिया के नेतृत्व में नागौर पे आई थी, और नागौर पे ये स्थिति थी कि 30,000 की सेना के विरोध सामना करने के लिए नागौर किले के अंदर केवल 1500 सैनिक थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी केवल मौत निश्चित है, लेकिन एक बार हम बात करके देखते हैं। तो एक खोकर मुसलमान थे और एक चौहान राजपूत थे, दोनों उनसे बात करने गए, तो उस समय उनके खेमे में रात का समय था, और उन्होंने कहा कि या तो आप लौट जाओ नहीं हमें युद्ध करना पड़ेगा।
तो अप्पाजी सिंधिया को बहुत बड़ा घमंड था, तो उन्होंने मारवाड़ के बारे में अपशब्द कहे और उस खोकर ने और उस राजपूत ने उसी जगह अप्पाजी सिंधिया की गर्दन काट दी। आप सोचते हैं पता है उससे क्या हुआ? अप्पाजी सिंधिया की 30,000 की सेना बिना लड़े वापस महाराष्ट्र लौट गई। एक व्यक्ति इतिहास बदल सकता है, एक व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। इसलिए मेरा कहने का निवेदन है कि सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा चरित्र, हमारी योग्यताएं, उनको बनाए रखें। कुछ कुल काल का फर्क पड़ सकता है, कुछ समय का फर्क पड़ सकता है, लेकिन जब सही समय आएगा वापस वही लोग उस समय में अपने आप को भागीदार कर सकेंगे, अपने आप को महत्व दे सकेंगे और उन्हें ही सम्मान मिलेगा जो योग्य होंगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर आदरणीय विक्रम सिंह जी टापरवाड़ा ने बहुत ही सभ्य शब्दों में, सदैव शब्दों में हम सबको आह्वान किया कि अगर एक व्यक्ति भी सोच लेता है तो वो परिवर्तन ला सकता है। और आज का ये जो भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं आप, इसमें हमारे माननीय अतिथि थोड़ी देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं। उससे पहले मैं आग्रह करूं, हमारे बीच में भंवर सिंह जी पूर्व प्रधान मेड़ता सिटी उपस्थित है, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें और हम सबको उद्बोधित करें। आदरणीय भंवर सिंह जी पूर्व प्रधान। जो भी वेटर पानी की व्यवस्था में लगे हुए हैं, साथ ही कार्यकर्ता भी उनकी मॉनिटरिंग करें, कहीं भी पानी की कैन खाली हो तो उसको तुरंत भरा जाए। आज इस जयंती में पधारे हुए सभी का मैं आज जोरदार स्वागत करता हूं। ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कालजी साहब और हम चौपाटी स्कूल में साथ थे और मैं उनसे करीब 6-7 साल बड़ा था। वो उस टाइम में बड़े चंचल थे और आगे चल करके उन्होंने बहुत तरक्की की और हम लोग तो यहाँ मामूली प्रधान तक ही पहुँच सके। इसलिए मैं काल साहब के सिद्धांत की बात बताता हूँ। जब प्रधान का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव आया था तो काल साहब और नाथुराम जी मेरे पास आए थे कि आप 3 राजपूत वोट दे दो, जिला प्रमुख है वो। मैं कह नहीं, हमने एक दफे हाँ भर ली, राजपूत हाँ भरने के बाद नहीं देते, तो उस बैंक में ये हार गए थे। अभी उनके सिद्धांतों पर चलना बहुत बड़ी बात है। इतने उनके सिद्धांतों पर मैं चला, मैंने याद किया सबसे रखा और मैं तो एक मामूली पढ़ा हुआ आदमी हूँ, तो भी प्रधान तक, भेड़ता का प्रधान तक पहुँच गया। उनके यही जाटों से राजपूतों सबसे रखना था, तो सबके साथ में प्रेम रखा। उनकी बातों से आप चलते रहोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। और कालू साहब को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि आज स्वर्ग में विराजमान है और भगवान उनको अच्छी जन्मभूमि दे, जन्म दे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब आदरणीय का आशीर्वाद हमको मिला। और कहते हैं कि बूढ़ा अनुभव समद अपारा, ज्ञान गंग की धारा है, बूढ़ा मेड कड़ूम्बे की है, बूढ़ा इमरत झारा है, और बूढ़ा मूरत महादेवरी जोग मायारी ज्योति है, और बूढ़ा वीणा माँ सारद्री बूढ़ा उजड़ा मोती है। बूढ़ा की आशीष पड़े जद एक एक का लाख हुए, बूढ़ा थारी मारी शोभा बूढ़ा घररी साख हुए। आदरणीय का हमको आशीर्वाद मिला। इस क्रम में मेरा आग्रह रहेगा, हमारे बीच में उपस्थित है हाजी कयूम जी फिड़किया, हाजी कयूम जी फिड़किया से आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें और हम सबको उद्बोधित करें। आदरणीय हाजी कयूम जी फिड़किया।
प्रतिभाएं जिनको सम्मानित होना है उनके लिए आगे अलग से दीर्घा बनाई गई है बैठने की, उनसे आग्रह रहेगा कि आगे पधार जाएं। बीच में जो लोग खड़े हैं उन सबसे एक बार पुनः विनम्र आग्रह रहेगा कि आप जो कुर्सियां हैं आपके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है वहां पर बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेवे। जो भी लोग खड़े हैं बीच में उन सबसे आग्रह रहेगा कि आप लोग बैठकर आज इस कालवी जयंती में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मर्यादा और अनुशासन का परिचय देवे। हमारे बीच में हाजी कयूम साहब फिड़किया उपस्थित है, मैं आग्रह रहेगा कि आप भी हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए। मेरा सभी समाज बंधु से विनम्र आग्रह है हाथ जोड़ के कि जिस प्रकार से आप स्नेह से यहाँ पधारे आशीर्वाद देने के, उसी प्रकार से आप डिसिप्लिन में जहाँ सीटें खाली है वहाँ पे आप विराजे। कृपया खड़े नहीं रहें, एक अनुशासित समाज है, कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी मेहमान पधारे वो अपनी सीटें ग्रहण करें। और पानी वाले जो भी कार्यकर्ता है, वेटर्स है, वो पानी की कैन कोई खाली ना हो, बराबर ध्यान दें। जो भी तहसील लेवल से अतिथि पधारे हैं पूरे नागौर जिले से और राजस्थान से, पश्चिमी राजस्थान से भी पधारे हैं, क्षत्रिय सेवा समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है कि आपने हमारे एक निवेदन पे इतने बड़े पंडाल में पधार कर और आशीर्वाद दिया है। जो भी वीआईपी पधारे हैं, तहसील लेवल से जनप्रतिनिधि हैं, समाज के अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, वो पधारे और वीआईपी दीर्घा विराजे। प्रतिभाएँ आगे आके विराजे। माननीय दिया कुमारी जी सांसद और आदरणीय समताराम जी महाराज, सुल्तान सिंह जी, शेखावत मंत्री जी पधार गए, एक बार खड़ा होकर अभिवादन कराए। मैं सभी महानुभाव से जो है मैं आशीर्वाद का आदि हूँ। मेरी माताएं बहने, मेरे बुजुर्ग साथियों, मैं सबसे पहले कल्याण सिंह जी कालवी को श्रद्धांजलि नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ जिंदगी व्यतीत की थी। मैं उनके हर काम में आगे था और वो मुझे अग्रणी रखते थे। सीटों का बंटवारा में भी यह उन्होंने मुझे अग्रणी रखा, यहाँ तक के राजस्थान की सरजमीन के ऊपर उन्होंने मुझे जो है जितना अच्छे तरीके से जो है साथ दिया, उनमें कोई ही तरह का भेदभाव नहीं था। वो एक ऐसे इंसान थे जो सबके लिए, सब 36 कौमों को एक जोड़ने के लिए वो हमेशा ये कहा करते थे कि 36 कौमों से जो है आदमी आगे बढ़ता है। तो मेरे साथियों और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वक्त की बात है नहीं सलीका जिन्हें जाम उठाने का। वो कहते हैं कि मैं कदा हमारा है, जिन्हें जाम उठाने का भी सलीका नहीं है, वो आज कहते हैं कि मैं कदा हमारा है। हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जिस तरीके से इंसाफ था, जिस तरीके से इंसाफ में जो ये धरती अमर थी और कहते थे कि हिंदुस्तान में न्याय मिलता है, लेकिन इस धरती के ऊपर आज न्याय का जनाजा निकल चुका है। मेरे दोस्तों साथियों, राजपूतों ने हमेशा राज किया और न्याय के प्रति उन्होंने जो है हमेशा संघर्ष किया और न्याय जो है इन्होंने जो है सभी कौमों को न्याय दिलाया। यही जो है इस राजपूत कौम का सबसे बड़ा महान काम है कि जिसने हमेशा जो है न्याय के प्रति जो है कभी कोताही नहीं बरती। आप कई कहानियां, कई किस्से मेरे सामने मौजूद है। कल्याण सिंह जी कालवी जब मुझे अपने घर ले जाया करते थे तो वो हमेशा जो है मुझे अच्छे तरीके से जो है और साथ में बैठ करके भोजन कराते थे। तो मेरे साथियों, ये वक्त की बात है, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, वक्त गुजर चुका, वो तो चले गए,
लेकिन उनके जो है लोकेन्द्र सिंह कालवी जो आज जो है बीमार है, उनके लिए मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे लिए जो है दोबारा हमारे साथ आए। मैं यही जो है कामना करता हूँ आपसे, आप लोग भी जो है खुदा से दुआ करें कि दोबारा जो है उनकी सेहत अच्छी हो। मैं जब भी उनकी जो है सेहत के बारे में जो है मुझे टेलीफोन आया और मुझे जो है किसी दिन मुझे ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरीके से मुझे, मैं जो हमेशा उनकी सेहत के बारे के अंदर जयपुर में गया तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे जो है उनसे मिलने गए थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि जो है वो अभी पूरे सेहतयाब नहीं है, वो बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरे से जो है उन्होंने जो है एक वीडियोग्राफी करवाई। उस वीडियोग्राफी के अंदर लोकेन्द्र सिंह कालवी से मैंने खुदा से प्रार्थना की कि अल्लाह ताला तुम्हारी सेहत को वापस जो है वही तंदुरुस्ती वही हालत पैदा कर दे। तो मेरे साथियों, फिर उन्होंने जो वीडियोग्राफी में मुझे हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, तो मैं आज जो है मैं गमजदा हूँ। क्यों गमजदा? क्योंकि लोकेन्द्र सिंह कालवी के सब एक ही लाल थे, इसी यही लाल अगर आज हमारे बीच में होते तो हमें बहुत खुशी और अच्छा होता। ये मेरे साथियों, राजपूत कौम हमेशा संगठित रहे, सभी को जो है हमेशा संगठित रहना है और आप लोगों को संगठित होकर के सभी 36 कौम को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। मैंने गोवर्धन सोनी के इलेक्शन में कालवी साहब के हर गांव में, हर ढाणी में कालवी साहब भाषण देते थे, गोवर्धन सोनी जी भाषण देते थे, और कब मैं तीसरा नंबर पे मैं भाषण देता था। कोई ढाणी कोई गांव हमने जो है नहीं छोड़ा। यही मेरा यही जो आपसे आग्रह है कि सभी कौमों को, सभी जो है भाइयों को मिल करके साथ रहना है। अरे राठौड़ो, तुम्हारा तो इतिहास गवाह है। अमर और मैं महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ जिन्होंने जो है कभी सर नहीं झुकाया अकबर की सेना के सामने। मैं यही तो जो है बात जो है सही कहता हूँ, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमेशा किसी के सामने झुको मत, अपने सम्मान को जो है सम्मान से रखो रहो। यही हमारा आपसे विनती है। मैं एक बात और कहता हूँ कि इस गुलशन में सदा बहार नहीं आती, जो बहार आती है तो उस बहार के लिए सभी को हमें साथ रहना चाहिए। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन जब हमारा प्रतिनिधित्व सामने रहता है, हमारा कल्याण सिंह कालवी जब लोकसभा के इलेक्शन लड़े थे तो हमने जो है नाथूराम शाह ने कहा था कि इलेक्शन में मत खड़े हो। अरे भाई, खड़े तो होना ही है, लेकिन उन्होंने मेरी बात रखी और इलेक्शन में खड़े हुए। नाथूराम जी ने कहा आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन मैंने नाथूराम शाह से कहा था कि नाथूराम जी, वो वक्त नहीं है कि हमारी जमानत जब्त करने वाला अब कोई नहीं है। तो मेरे साथियों, आप लोग जो है कालवी साहब दूसरे नंबर पर रहे, तो यही जो है इलेक्शन का जमाना है। लोकेन्द्र सिंह कालवी भी जो है विद लोकसभा के इलेक्शन में खड़े थे, इनको भी जो है हमने अच्छे तरीके से जो है चुनाव लड़ाया और लड़ाते रहेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जय कल्याण सिंह लोकेन्द्र सिंह कालवी के लिए यह सभी दुआ करें, हाथ उठा करके दुआ करें कि वो हमारे बीच में दोबारा आए, और यही हमसे आपसे विनती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कयूम जी ने हमको महाराणा प्रताप की याद दिलाते हुए कहा कि हम लोग अपने वचन पर वचनबद्ध रहें, तब जाकर हमारा क्षत्रित्व और हमारा समाज और हमारी जो मर्यादा है उसको हम अक्षुण बनाए रखेंगे। जब पीथड़ और पाथड़ की रचना में कन्हैयालाल जी सिंधिया लिखते हैं, महाराणा प्रताप ने कहा कि हूँ भूख मरूं, हूँ प्यास भरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे,
हूँ घोर उजाड़ा माँ भटकू पर मन में मारी याद रहे हूँ रजपूत नरो जायो हूँ रजपूती करज चुकाऊ ला ओ शीश पड़े पण पाग नहीं मेवाड़ी मान बचाऊ ला। ऐसे महाराणा प्रताप थे और उनके पद चिन्हों पर हम चले। लीजिए हमारे कार्यक्रम में हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे वो पधार चुके हैं। मेरा आग्रह रहेगा आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी चांदरुन से कि वो सभी अतिथियों को मंच तक लिवा कर लाए हमारे बीच में। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको संबल प्रदान करने के लिए श्री गोपाल सिंह जी शेखावत इड़वा मंत्री वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से सब उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा आग्रह रहेगा उनसे कि मंच पर पधारें। हमारे साथ में आज के इस कार्यक्रम में श्रीमान भंवर सिंह जी पलाड़ा आप जिला प्रमुख प्रतिनिधि नागो अजमेर उपस्थित हैं। मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि मंच पर पधारें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको संबल प्रदान करने के लिए श्री सुरेश जी मिश्रा राजस्थान सर्व ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष उपस्थित हैं। उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें और श्री अजीत सिंह जी और उनकी पूरी टीम से आयोजक टीम से मेरा आग्रह रहेगा कि जो जो अतिथि पधार चुके हैं उनको मंच पर तक लिवा कर लाएं और सभी जो और हमारे बीच में जो बाकी अतिथि आने थे वो भी बस दो मिनट में पंडाल के बीच में उपस्थित होंगे और आज के इस कार्यक्रम की हम औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। इस बीच मेरा आग्रह रहेगा ये जो हुजूम इतना बड़ा बना है ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि कैसी भी बाधाएं आ जाएं हम पुनः एकत्र होकर इस पूरे के पूरे समाज का वही गौरव पुनः स्थापित करने का भरसक प्रयास करेंगे। कवि ने लिखा कि चले चलेंगे तूफानों में चरण अटपटी राहों पर, चले चलेंगे तूफानों में चरण अटपटी राहों पर, बढ़ा करेंगे कदम धधकते अंगारों की दाहों पर, आहा उठेगी वहा उठेगी इसकी कुछ परवाह नहीं, भला पथिक से छूट सकी है निज मंजिल की राह कहीं। हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे जो दूसरे माननीय अतिथि हमारे बीच में उपस्थित होने हैं दिया कुमारी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और बस थोड़ी देर में वो भी मंच को साझा करेंगे और हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर पाएंगे। इस बीच मेरा आग्रह रहेगा पुनः हमारे बीच में जितने भी लोग बाहर से पधारे हैं उन सबसे आग्रह रहेगा कि आपके लिए बैठक की व्यवस्था की गई है इसलिए आराम से विराज जाएं और जो टेंट वाले हैं विनय उनसे थोड़ी सी ऐसा कष्ट रहेगा कि पीछे चेयर्स कम पड़ रही हैं इसलिए आप पीछे चेयर्स लगा देवें। जो विनय टेंट वाले हैं उन सबसे उनसे आग्रह रहेगा कि पीछे की तरफ जो कुर्सियां कम पड़ रही हैं एक बार आप कुर्सियां लगा दें ताकि व्यवस्थाएं सारी बनी रहें। और मेरा आग्रह रहेगा जितने भी अतिथि लोग पधारे हैं उन सबसे कि आयोजक टीम से मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे बीच में हम जिनका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से राजसमंद से हमारे बीच में आदरणीय दिया कुमारी जी हुकुम पधार चुकी हैं। मैं चाहूंगा पूरे पंडाल में जितने लोग बैठे हैं एक बार खड़े होकर उनको सम्मान देंगे और आयोजक टीम से मेरा आग्रह रहेगा कि उनको मंच तक लिवा कर लाएं ताकि आज के इस कार्यक्रम में माँ सरस्वती माँ करणी और श्रद्धे कालवी जी की प्रतिमा के ऊपर माला अर्पित कर आज हम इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इस देगाना की धरती पर आदरणीय दिया कुमारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम को शोभामय और हम सबको संबल प्रदान करने के लिए। आपसे आग्रह रहेगा कि मंच तक पधारें। अन्य विशिष्ट अतिथि जिनका नाम ले रहा हूं मैं अगर पधार चुके हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर हमारे श्री राजऋषि संत श्री 1008 श्री समताराम जी महाराज अगर उपस्थित हैं उनसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको संबल प्रदान करने के लिए सुल्तान सिंह जी शेखावत कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार आप उपस्थित है तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें। मेघराज सिंह जी आप उद्यमी और व्यवसायी आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें। श्री हनुमान सिंह जी खांगटा अध्यक्ष श्री मारवाड़ राजपूत सभा जोधपुर आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको संबल प्रदान करने के लिए श्रीमान मोती सिंह जोधा युवा छात्र नेता जोधपुर यूनिवर्सिटी से हमारे बीच उपस्थित है आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के स्थानीय और आयोजक टीम के सदस्य श्रीमान जसवंत सिंह जी थाटा प्रधान पंचायत समिति भेरूंदा
व अध्यक्ष श्री चारभुजा छात्रावास मेड़ता सिटी आप उपस्थित हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर बधा रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमान दिलीप सिंह जी बछवारी, आप वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर बधा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ की आयोजक समिति के अध्यक्ष श्री क्षत्रिय सेवा समिति डेगाना के अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी चांदारण उपस्थित है, आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर बधा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में दो और नाम शेष हैं, दोनों ही बहुत विशेष हैं। जिस महापुरुष की जयंती के निमित्त हम एकत्र आए हैं उसके परिवार से हमारे बीच में भवानी सिंह जी कालवी उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और प्रताप सिंह जी कालवी उपस्थित है, भवानी सिंह जी कालवी और प्रताप सिंह जी कालवी से आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारे ताकि कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम सब कर सके। अतिथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे बीच जब तक समताराम जी महाराज उपस्थित हों आप सब लोग एक बार विराजित हो जाएं, उसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जितने भी अतिथि हैं मेरा आग्रह रहेगा कि एक बार आप विराजित हो जाएं थोड़ी देर में। एक थोड़ा सा निवेदन ये रहेगा कि मंच के आसपास जो लोग खड़े हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि सामने बैठने की व्यवस्था की गई है, कुर्सियां पीछे टेंट वाले और लगा रहे हैं। ये तो हम सब का सौभाग्य है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में आज एकत्र आए हैं, तो बड़ा विचार विमर्श हम कर पाएंगे, लेकिन हम अपने अनुशासन का परिचय देवे ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा और गुंजाइश रहेगी, ऐसी मेरा आपसे रहेगा। इस माइक को थोड़ा ठीक करना भैया। लीजिए, जिससे पहले कि हमारे बीच में महाराज श्री हम सबको मंगल सानिध्य प्रदान करने के लिए पधारे, मेरा आग्रह रहेगा आपके यहाँ की स्थानीय पार्षद आदरणीय अंजू जी से कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में थोड़े से अपने विचार रखें, समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसा सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा। अंजू जी नारी शक्ति के रूप में हम सब का और इन नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं। मैं चाहूंगा आगे से पीछे तक एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं। अंजू जी शेखावत, आप पार्षद हैं डेगाना से। एक बात पुनः मेरा निवेदन रहेगा, करबद्ध निवेदन रहेगा कि जो लोग खड़े हैं बैठने के लिए आपकी व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा अपनी पूरी मर्यादा गरिमा को परिचय देते हुए आप पीछे जो कुर्सियां हैं उन पर विराजित हो जाएं, क्योंकि हम उस कौम से आते हैं जहां कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग अनुशासन हमारी रगों में बसता है, उसी का परिचय देते हुए हम लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। अंजू कुमारी जी, सर्वप्रथम सद्गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे राजसमंद के लाडले सांसद दिया कुमारी साहिबा जी, मंत्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, समता राम जी महाराज और पूर्व सांसद गोपाल सिंह जी इडवा साहब, भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम में गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे इस अपार जन समूह सर्व समाज और समाज के बंधुओं को मैं नमन करना चाहूंगी जिन्होंने आज इस कालवी साहब की जयंती पर पधार कर हमें अनुग्रहित किया, अपना अमूल्य समय ऐसे महापुरुष के लिए निकाला। मैं सबसे पहले समाज के पधारे महानुभाव और मातृशक्ति, जो शक्ति के रूप में मातृशक्ति आज यहाँ पधारी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन कर
मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महापुरुष की जयंती कब मनाई जाती है? जब कोई महापुरुष अपने अमिट छाप छोड़ देते हैं। ऐसा ही श्रद्धेय कल्याण सिंह जी कालवी साहब ने किया था। उन्होंने सर्व समाज को एकत्रित करके एक जाजम पर लाने की कोशिश की, क्योंकि वो हर किसी के दुख सुख में साथ रहते थे, हमेशा साथ में तैयार खड़े रहते थे। वो कभी भी किसी के लिए ये नहीं देखते थे कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। अभी टाइम का अभाव है, इसलिए मैं दो शब्द और कहना चाहती हूँ कि एक समय था कि सामाजिक चिंतन के लिए, आज मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सामाजिक चिंतन के लिए यह इकट्ठे हुए हैं। सामाजिक चिंतन हम क्यों करना चाहते हैं? याद कीजिए वो समय जब एक आईएएस अधिकारी ने हमारे सिटी पैलेस पर बड़े षड्यंत्र पूर्वक ताला लगाने की हिम्मत की, और उस ताला लगाने की हिम्मत की, लेकिन उस परिवार को नहीं देखा जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा की और रक्षार्थ बलिदान हुआ था। ऐसा समय था, इसलिए सर्व समाज ने उस चीज में हमारा साथ दिया। वो साथ क्यों दिया? क्योंकि सर्व समाज साथ में खड़ा रहता है। राजपूत समाज में हमें राजपूत से ब्रजपूत बनना होगा, हमें वो जागरूकता लानी होगी। हमें इस बात का निश्चित विरोध नहीं करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना है, और हमें ये बताना है कि संगठन तख्त बदलता है, संगठन ताज बदलता है। संगठन जब आगे बढ़ता है तो इतिहास बदलता है, लेकिन ये कब होगा? जब हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हम नशा मुक्ति को छोड़े और नशे की जगह हम मेहनत को अपनाएं और उस मेहनत के सफलता की पूंजी बनाएं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं समाज के बंधु यहाँ बैठे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच है, और सच मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ की नगर पालिका में 6 पार्षद मनोनीत हुए, 6 पार्षद जिसमें से एक भी राजपूत जाति का नहीं था। ऐसा क्यों? इस बात पर भी हमें विचार करना है, मंथन करना है। दूसरी श्रद्धेय चेयरमैन साहब नगर पालिका ने अपनी जाति और विधायक जाति के साथ एक भवन और उस समाज के लिए प्रस्ताव रखा कि हम भवन बनाएंगे और आपके लिए जगह देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो अन्य समाज के लोग हैं, अन्य समाज जो है उसके लिए वो प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? मैं हालांकि बीजेपी में हूँ, बहुमत नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहे, और आपको इस बात का जवाब पूछना है, जवाब देना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहती हूँ कि खुले परिंदे से उड़ान भर के देखो, खुले पंख से उड़ान भर के देखो, आसमान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। आज ये कार्यक्रम जो क्षेत्रीय सेवा समिति द्वारा, हम लोगों के द्वारा ये किया गया है, मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने गांव गांव और ढाणी ढाणी जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की, और आप लोग यहाँ पधारे। जसवंत सिंह जी थाटा प्रधान को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने तन मन और धन से इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आप पधारे महानुभावों का और अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय छात्र धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ने हम सबको अपनी वाणी के माध्यम से अपने समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करने का आग्रह किया। लीजिए आज के इस कार्यक्रम की जिन पलों का हमें इंतजार था, हम अब हमारे बीच में महाराज श्री पधार चुके हैं और अविलंब उस कार्य को शुरू करें। मेरा आग्रह रहेगा आज इस क्षत्रिय सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय
अजीत सिंह जी चांदारुण और उनकी टीम से कि सभी अतिथियों से, जिससे पहले कि हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें, अभी समाचार मिले हैं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु हमारे बीच में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ पधार रहे हैं और वो थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे, जिससे पहले कि हम हमारे अध्यक्ष महोदय आज के इस कार्यक्रम में हमारे पांडाल में पहुंचे, मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री दिलीप सिंह जी बछवारी उपस्थित हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा दिलीप सिंह जी बछवारी से कि आप आए हुए सभी अतिथियों का एक बार अपने शब्दों से स्वागत कर सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं चाहूंगा दिलीप सिंह जी हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप दिलीप सिंह जी बछवारी। सर्वप्रथम मां भगवती के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, युग पुरुष और हमारे नेता समाज सभी सर्व समाज के नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। आज इस कालवी साहब की जयंती के अवसर पर मंचासीन संत शिरोमणि संत संताराम जी महाराज को प्रणाम करता हूं, अपने राजसमंद के सांसद महोदया दिया कुमारी जी जो आपके बीच मंच पर उपस्थित हैं, सांसद और स्थानीय नेता अपने गोपाल सिंह जी साहब ईडवा, सुल्तान सिंह जी शेखाव साहब जिनका मैं संक्षिप्त परिचय दूं, शेखाव साहब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, मंचासीन है बंवर सिंह जी पलड़ा साहब, सुरेश जी शर्मा जिनका आरक्षण का जो अभियान अपने लोकेंद्र सिंह साहब ने शुरू किया उनके प्रमुख सहयोगी रहे और आपने जो है उस अभियान को जो गति प्रदान की वो किसी से छिपी हुई नहीं, ऐसे महान मनीषी अपने इस मंचासीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं, मैं राजेंद्र सिंह साहब पधारे हैं आपके बीच में, आज इस समारोह के माननीय अध्यक्ष हैं जिनका भी बहुत हृदय से आपका स्वागत है, भंवर सिंह जी पलड़ा साहब जो युवा नेता हैं अपने और हर फंक्शन में डेगाना में चाहे कालवी जयंती हो या और कोई विशेष सामाजिक समारोह हो उसमें आप शरीक होते हैं, हमेशा पधारते हैं मार्गदर्शन करते हैं, अजीत सिंह जी अपने अध्यक्ष सेवा समिति विराजमान हैं, भंवर सिंह जी जसवंत सिंह जी थाटा साहब जो प्रधान वृंदा हैं इनका भी इस आयोजन के अंदर जो है विशेष सक्रिय सहयोग रहा और आपने तन मन और धन से सहयोग प्रदान किया, इसलिए आप समाज के एक प्रतिभा के रूप में आप जाने जा रहे हैं। प्रताप सिंह जी कालवी साहब अपने लोकेंद्र सिंह साहब के कंवर साहब हैं, प्रताप सिंह जी लोकेंद्र सिंह साहब के कंवर साहब हैं जिनका परिचय अधिकांश लोगों को नहीं है, मंच पर विराजमान है और आज इस समारोह में क्योंकि लोकेंद्र सिंह साहब का स्वास्थ्य प्रतिकूल है वैसे सुधार है लेकिन मंच पर पधार कर यहाँ आपके सामने उपस्थित होने में डॉक्टर सलाह नहीं दी डॉक्टरों ने, इस वजह से वो नहीं पधार सके हैं, हालांकि उनका इस मंच पर स्थान जो है आज हर आदमी को उनका उनकी अनुपस्थिति खलक रही है लेकिन वो बीमारी की वजह से आज नहीं पधार पाए, कंवर साहब आपके सामने उपस्थित हैं। हनुमान सिंह जी खांगटा पधार चुके हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारे। मोती सिंह जी साहब जोधा भी पधार चुके हैं मंच पर पधारे, तो आप सम्मान्य मंच हाँ
सम्मानित मंच और मैं केवल विधानसभा डेगाना क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं, इनके साथ साथ संपूर्ण जिले से और जयपुर, जोधपुर, अजमेर और अन्य स्थानों से सभी गणमान्य लोग जो पधारे हैं, समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं, मातृशक्ति भी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं इन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ इस समारोह में पधार कर शोभा बढ़ाई और समाज की एक नई दिशा के अंदर आपने जो अपनी भागीदारी कायम की। कल्याण सिंह जी कालवी साहब का मैं क्या परिचय दूँ, कहाँ से शुरू करूँ, ये मेरे लिए जो है बहुत बड़ा एक अध्याय होगा। कल्याण सिंह साहब हर व्यक्ति के चहेते थे, हर व्यक्ति उनका चहेता था, चाहे किसी कौम का हो, किसी वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो या चाहे उच्च कुल का हो, किसी जाति धर्म का हो, वो उनका स्नेह प्राप्त करते थे और हर जगह जहाँ भी पधारते थे उनसे मिलना जुलना उनका बिल्कुल जो निरंतर रहा। और यही है कि उनका अगाध प्रेम होने की वजह से आज उनके बारे में उनकी जयंती अन्य महापुरुषों के साथ मनाई जा रही है और हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये भी एक शुभ संकेत। मैं इसमें बाकी श्रीमान यहाँ विराजमान है, मंचासीन अतिथि, वो बताएंगे। मैं केवल सेगीत की दो पंक्तियाँ, दो सेगीतों की दो पंक्तियाँ आपके सामने रखूंगा और मेरा स्थान ग्रहण करूंगा, जिसमें वो कौम न मिटने पाएगी ठोकर लगने पर हर बार उठती जाएगी, युग युग से है लगे यहाँ पर देवों के दरबार, इस आंगन में राम थे खेले खेले कृष्ण कुमार, झूम उठे अवतार, ओ कौम न मिटने पाएगी। ये एक चेतावनी, ये एक संघर्ष के लिए और बीते काल की याद दिलाते हुए आपको उस मार्ग का प्रशस्त उस मार्ग के आपको चलने की एक दिशा निर्देश देती है। इसके साथ भी एक चुनौती भी है, मन हार ही ओ मत हार, मन हार ही ओ मत हार, थारी अब पार रख हो सिरे, रख आँख्या में थोड़ो खार, रख आँख्या में थोड़ो खार, थारी अब पारख हो सिरे, मन हार ही ओ मत हार, थारी अब पारख हो सिरे। ये संगीत बहुत लंबे हैं लेकिन इनका सार आपके सामने मैंने रखा है और इसी में सारा क्षत्रिय का क्या कार्यक्रम होना चाहिए समाज के अंदर, इस प्रजातंत्र के अंदर उसका क्या, किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए, वो इसमें समाहित है और मैं समझूंगा इन सब को धारण करके अपन आगे बढ़े इस प्रजातंत्र में। तो कालवी साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनका यही मार्गदर्शन था, उन्होंने हर बार हर जगह संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जहां स्थापित हुए वो आज अपने लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं पुनः आज इस समारोह में पधारे हुए सभी अतिथिगण, मातृशक्ति और समाज के विशिष्ट जन जो पधारे हैं उनका हृदय से आभार करता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जो थे उन्होंने आप सबके स्वागत में उद्बोधित कर लीजिए। आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम अपने अतिथियों के माध्यम से कराएं। मेरा आग्रह रहेगा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों से कि माँ करणी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धे कालवी साहब के चित्र के ऊपर माला और पुष्पार्पित कर आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें ताकि हम लोग आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह और जयंती समारोह में
हम सब कृतार्थ हो पाए। जितने भी अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि दीप प्रज्वलित करवाकर आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। हमारे बीच में संत श्री का मंगल सानिध्य हमें मिल रहा है, समताराम जी महाराज, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, श्रीमती दिया कुमारी जी सांसद, गोपाल सिंह जी शेखावत ईडुआ, श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत कैबिनेट मंत्री, श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजमेर, हनुमान सिंह जी खांगता मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष, मेघराज सिंह जी, इसके साथ ही मोती सिंह जी छात्र नेता, कर्नल केसरी सिंह जी मकराना और डीडवाना से श्याम प्रताप सिंह जी रुआ, आप सब अतिथि लोग हैं और चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। माँ का आशीर्वाद लेने के पश्चात सारी की सारी समस्याएं जो होती है वो हल हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं, और कार्यक्रम ऊंचाइयों तक जाता है। किसी कवि ने लिखा डिंगल के ने कि नमामि मैह नंदिनी, नमामि विश्व वंदिनी, विशाल भुज्य धारणी, दयाल दास तारणी, कौन है माँ? कृपा निधि कृपालकम, दयाल बाल पालकम, विशाल बिंद भालकम, नयन नह नालकम, न जान भेद नारदम, सदा जपंत शारदम, नमामि भक्त वत्सलम, अनाद वीरद उज्ज्वलम, नमामि सिंह वाहिनी, सदा सुमत दायिनी, नमो हिये निवासिनी, अज्ञान दोष नाशिनी, अचिंत रूप ईश्वरी, नमो अधीश विश्वरी, नमामि सुख सागरम, नमामि नह आगरम, नमामि मात हिंगला, स्वरूप सर्व मंगला, विरद वेद वंदितम, सदा ही सर्व पूज्यतम, नमामि मात आवड़ा, सुता स्वरूप मामड़ा, स्वरूप सात धारणी, नमामि ब्रह्मचारिणी, विशाल शूल धारणी, भवादिताप हारणी, प्रणत आस पूरणी, चरित चित्त चूरणी, और कौन है माँ? समंद नीर सोखणी, जब जरूरत पड़ी तो सातों महासागरों को अपने एक चुल्लू पानी में भर लिया, जब जरूरत पड़ी तो ग्रह और नक्षत्रों की गति को रोक दिया। उस महासामर्थ्यशाली माँ को याद करके आज के हम इस कार्यक्रम की औपचारिक शुभारंभ और शुरुआत करते हैं। आज के अतिथि, कवि ने लिखा कि समंद नीर सोखणी, रवि उगंत रोकणी, थिरा गतिज थामणी, महासमर्थ मावड़ी, महासमर्थ मावड़ी। उस महासामर्थ्यशाली माँ को याद करके श्रद्धे कल्याण सिंह जी कालवी साहब को याद करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत और शुभारंभ हम सब लोग कर रहे हैं। हमारे सारे अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं, जैसा कि परंपरा रही है राजस्थान की और डेगाना की और अपने क्षत्रित्व की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भवे, जो अतिथि लोग होते हैं हमारे लिए देव तुल्य होते हैं। उसी कड़ी में हम हमारे आए हुए पधारे हुए सारे अतिथियों का सम्मान करके उनका स्वागत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अध्यक्ष और जितने भी आयोजक समिति के लोग हैं उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब लोग व्यवस्थाओं में लगेंगे और हम हमारे आए हुए अतिथियों का सम्मान करके आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में हम सबको मंगल सानिध्य प्रदान करने के लिए, जैसा भी कहा है कि संतों का आशीर्वाद जहां मिलता है वो कार्यक्रम हमेशा ऊंचाइयों तक जाता है, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए श्री समताराम जी महाराज उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा आयोजक टीम से कि महाराज श्री को दुपट्टा शॉल ओढ़ाकर और तलवार भेंट कर आज के इस कार्यक्रम में स्वागत समारोह की शुरुआत करें। संतों का सम्मान सबसे सर्वप्रथम हो, मेरा आग्रह रहेगा श्री शिव प्रताप सिंह जी ईडुआ आपसे कि महाराज श्री को दुपट्टा ओढ़ाकर, श्री दिलीप सिंह जी बछवारी आपसे आग्रह रहेगा कि महाराज श्री को शॉल ओढ़ाकर, और श्री जसवंत सिंह जी आपसे आग्रह रहेगा कि महाराज श्री को तलवार भेंट कर आज के इस कार्यक्रम की स्वागत समारोह की शुरुआत करें। मेरा आग्रह रहेगा शिव प्रताप सिंह जी ईडवा, दिलीप सिंह जी बछवारी और जसवंत सिंह जी आपसे कि महाराज श्री का स्वागत और अभिनंदन, उनको शॉल ओढ़ाकर, उनको दुपट्टा भेंट कर और उनको तलवार भेंट कर आज के इस कार्यक्रम के स्वागत समारोह की शुरुआत करें। महाराज श्री वो शख्सियत हैं जिसने इस समाज में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में, बल्कि मानवीयता को उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए अपने आप को कटिबद्ध कर रखा है। इनकी जीवनी को पढ़ने से पता चलता है कि महाराज श्री कितने कटिबद्ध हैं इस समाज को सुधारने के लिए। इस बीच आज के इस कार्यक्रम में हम सबको सम्मान देने के लिए और कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए एक ऐसी शख्सियत
जो जब विधानसभा में गूंजती है जिनकी आवाज तो पूरे राजस्थान के कोने कोने में पहुंचती है, ऐसे हमारे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। मैं आग्रह करूंगा श्री शिंभू सिंह जी, श्री अजीत सिंह जी और श्री प्रेम सिंह जी सांझू, शिंभू सिंह जी वकील साहब, अजीत सिंह जी और प्रेम सिंह जी सांझू साहब से कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब का दुपट्टा, शाफा और तलवार के माध्यम से उनको स्वागत और अभिनंदन करवाएं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ वो शख्सियत है जो नीचे से उठकर, अर्श से उठकर, फर्श से उठकर अर्श तक ऊंचाइयां छूने वाली शख्सियत का नाम है। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं मैं मगर आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। और लचीले थे पेड़ वो सह गए आंधियों को मैं, मगर मगरूर दरख्तों के हश्र जानता हूं। अपने लचीलेपन से हर बार जीतकर हम सबका नाम रोशन करने वाले राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का एक बार जोरदार तालियों से ढेगाना की धरती पर स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में राजसमंद सांसद श्रीमती दिया कुमारी जी उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा श्री प्रताप सिंह जी कालवी से कि दिया कुमारी जी को तलवार भेंट कर श्री अंजू जी शेखावत आपसे आग्रह रहेगा कि दुपट्टा और शॉल ओढ़ाकर, और श्री मनोहर सिंह जी थावड़ा से आग्रह रहेगा कि आपको स्मृति चिन्ह भेंट कर श्रीमती दिया कुमारी जी का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। नारी शक्ति के रूप में हम सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम सब का प्रतिनिधित्व करने वाली दिया कुमारी जी जो सरल और सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती हैं और जहां जहां सामाजिक कार्यक्रमों में याद किया जाता है वहां वहां अपनी उपस्थिति देती है ऐसी। इस बीच में एक सूचना आपको देना चाहूंगा कि ये मेघराज सिंह जी से आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर बता रहे हैं। ये कार्यक्रम YouTube चैनल रॉयल राजपूताना हाईलाइट सॉन्ग और जोधा मूवीज जालसू, इन दोनों चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है आप लोग शेयर करके उन तक भी इतने बड़े कार्यक्रम को पहुंचाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि की भूमिका निभाने के लिए गोपाल सिंह जी शेखावत ईडवा से उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा आयोजक टीम के सदस्यों से श्री राजेंद्र सिंह जी जाखेड़ा, श्री छोटू सिंह जी जगड़वास और श्री किशोर सिंह जी गोरेड़ी से कि गोपाल सिंह जी शेखावत ईडवा का दुपट्टे, स्मृति चिन्ह और तलवार भेंट कर उनका भी अभिनंदन और स्वागत करवाएं। श्री गोपाल सिंह जी शेखावत ईडवा, माननीय मंत्री का स्वागत और अभिनंदन। मंच पर जो अनावश्यक लोग हैं, जो व्यवस्थाओं में है, उनसे आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा मंच खाली कर दें ताकि पूरे कार्यक्रम को जो सामने विराजित लोग हैं वो सारे देख पाए। हमारे बीच में श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं। श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और राजस्थान की इस धरती पर आए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत और अभिनंदन कराएं। इतनी दूर से चलकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। छोटू सिंह जी जगड़वास, किशोर सिंह, अच्छा श्री प्रेम सिंह जी गोरेड़ी, सुमेर सिंह जी और करण सिंह जी, आपसे आग्रह रहेगा सुल्तान सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। प्रेम सिंह जी गोरेड़ी, सुमेर सिंह जी भाटी और करण सिंह जी, करण सिंह जी मिर्गानेनी, आपसे आग्रह रहेगा। इस बीच सुल्तान सिंह जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए हम बुला रहे हैं प्रेम सिंह जी गोरेड़ी, सुमेर सिंह जी भाटी और करण सिंह जी मृगामेणी। करण सिंह जी मृगानेनी, सुमेर सिंह जी भाटी और प्रेम सिंह जी गोरेड़ी। हमारे बीच में
श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजमेर उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा पलाड़ा साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हनुमान सिंह जी सूर्यास, उमेद सिंह जी पालियास और हनुमान सिंह जी जाखेड़ा से। श्री हनुमान सिंह जी सूर्यास, उमेद सिंह जी और हनुमान सिंह जी जाखेड़ा से आग्रह रहेगा कि भंवर सिंह जी पलाड़ा का स्वागत और अभिनंदन, प्रतीक चिन्ह, सॉल और मोमेंटो के माध्यम से करवाएं। श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजमेर। आग्रह रहेगा मेरा आयोजक टीम के हनुमान सिंह जी सूर्यास, उमेद सिंह जी पालियास और हनुमान सिंह जी जाखेड़ा से कि उनका अभिनंदन और स्वागत। गोपाल सिंह जी से आग्रह रहेगा हनुमान सिंह जी की जगह आप आ जाएं। हनुमान सिंह जी उपस्थित नहीं है, गोपाल सिंह जी से आग्रह रहेगा कि आप पधारें। गोपाल सिंह जी सूर्यास, हमारे भंवर सिंह जी पलाड़ा का अभिनंदन और स्वागत करवा रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित है हनुमान सिंह जी खांगटा, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष आप हैं। हनुमान सिंह जी खांगटा सामाजिक सरोकारों से संबंध रखने वाले व्यक्तित्व हैं और हर सामाजिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है। मेरा आग्रह रहेगा गंगा सिंह जी चुई, भंवर सिंह जी कवाल, जय सिंह जी जालसू आपसे आग्रह रहेगा श्री हनुमान सिंह जी खांगटा का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। हनुमान सिंह जी खांगटा के स्वागत और अभिनंदन के लिए गंगा सिंह जी चुई, भंवर सिंह जी और जय सिंह जी जालसू आपसे आग्रह रहेगा कि स्वागत और अभिनंदन। आए हुए अतिथि गंगा सिंह जी उपस्थित नहीं है तो महिपाल सिंह जी से आग्रह रहेगा कि आप पधार जाएं। महिपाल सिंह जी चुई आपसे आग्रह रहेगा, गंगा सिंह जी उपस्थित नहीं है तो आप पधार जाएं। हनुमान सिंह जी से आग्रह रहेगा कि आप पधार जाएं। हनुमान जी आप पधार। अगले क्रम में हमारे बीच में मेघराज सिंह जी आप भामाशाह है, व्यवसायी है। मेरा आग्रह रहेगा मूल सिंह जी लंगोर, रविंद्र सिंह जी सरपंच निम्बोला और महेंद्र सिंह जी चौसली आपसे आग्रह रहेगा कि आप पधार जाएं। मूल सिंह जी लंगोर, रविंद्र सिंह जी सरपंच निम्बोला और महेंद्र सिंह जी चौसली आपसे आग्रह रहेगा मेघराज सिंह जी भामाशाह का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। आयोजकों में जिनका नाम लिया जा रहा है वो तुरंत वहां पर पधारें ताकि कार्यक्रम जो है लंबा नहीं चले। हमारे बीच में मोती सिंह जी युवा छात्र नेता उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर भंवर सिंह जी से, महेंद्र सिंह जी चौसली से और गिरवर सिंह जी सिरसू आपसे आग्रह रहेगा मोती सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। मोती सिंह जी आपके स्वागत के लिए अर्जुन सिंह जी डोटोलाई आपसे आग्रह रहेगा कि आप करा दें मैं मोती सिंह जी का, भंवर सिंह जी, अर्जुन सिंह जी और गिरवर सिंह जी सिरसू। हमारे बीच में व्यवसायी और उद्यमी मेघराज सिंह जी हैं। मेरा आग्रह रहेगा मूल सिंह जी, रविंद्र सिंह जी सरपंच निम्बोला और महेंद्र सिंह जी चौसली से
टेंट वाले से आग्रह है कि कुर्सियां थोड़ी सी और लगा दें, साइड में आगे की तरफ लगा दें, आगे मंच की तरफ जिधर लोग खड़े हैं वहां थोड़ी कुर्सियां लगा दें, ऐसा आग्रह रहेगा टेंट वाले से। हमारे बीच में सुरेश जी मिश्रा उपस्थित हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के। मेरा आग्रह रहेगा, डॉक्टर साहब भंवर सिंह जी से आग्रह रहेगा, प्रेम सिंह जी सांझू से आग्रह रहेगा कि सुरेश जी मिश्रा का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। राम सिंह जी रेवंत आपसे आग्रह रहेगा कि श्री सुरेश जी मिश्रा का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। आज कालवी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी यादों को पुनः ताजा याद करने के लिए, उनकी स्मृतियों को हम सब लोग, सारे समाज के लोग मिलकर आज उनको याद कर रहे हैं। लीजिए हमारे बीच में ये स्वागत और सत्कार की बेला के बाद कुछ लोग और हैं, उनका पुनः स्वागत और अभिनंदन हम लोग कराएंगे। इस बीच मैं आग्रह करूंगा श्री शक्ति सिंह जी बांदीकुई से कि वो आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं शक्ति सिंह जी बांदीकुई। लेफ्टिनेंट जनरल आशू सिंह जी आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारे, आशू सिंह जी से आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारे। कुलदेवी माँ जमवाय जी के चरणों में शीश रखकर, अधिष्ठात्री देवी माँ करणी जी के साक्षात दंडवत करते हुए, युग पुरुष श्रद्धे कल्याण सिंह जी कालवी साहब को नमन करते हुए, मंच पर विराजमान गुरुदेव समताराम जी महाराज के चरणों में दंडवत होते हुए, आदरणीय पिछले 3 दशकों से राजस्थान विधानसभा में इस राजपूत समाज की आन बान शान को जिंदा रखने वाले आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में इस राजपूती को जिंदा रखने वाली हमारी राजसमंद की महनीय सांसद महोदया आदरणीय दिया कुमारी जी, सामाजिक और राजनीतिक, या यूं कहूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद में, लगभग 850 साल बाद में अजमेर की धरती पर पुनः राजपूती का झंडा स्थापित करने वाले आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, पूर्व सांसद आदरणीय गोपाल सिंह जी इडवा साहब, पंडित सुरेश मिश्रा जी सहित आदरणीय मंच, और मेरे सामने आकार लेते हुए हमें जन्म देने वाली, हमें शिक्षित करने वाली, हमें संस्कारित करने वाली मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए सभी राजपूत सरदारों को जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। आज आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवे साहब की जयंती, और यहाँ यूं कहूँ तो ये जयंती मनाने की आवश्यकताएं क्यों हुई इस नागौर की धरती पर, हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में राष्ट्र के लिए 3-3 पीढ़ियां एक साथ खपा देने वाले राष्ट्र पुरुषों को फिल्मों के माध्यम से अपमानित किया जाता हो, जिस हिंदुस्तान में संत सती सूरमाओं का, झुंझारों का, पितृ पुरुषों का बार बार अपमानित किया जाता हो, जिस हिंदुस्तान में जगदम्बा माता की जगह कुर्सी को ही माता मान लिया जाता हो, मैं समझता हूं ऐसे देश में इतने सारे राष्ट्र पुरुषों का और वीर पुरुषों का एक साथ इकट्ठा होना भी कोई कम खतरे से खाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे आयोजन क्यों किए जाते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले 70 वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, या यूं कहूं पिछले 30-40 सालों में,
टेलीविजन के माध्यम से जो अश्लीलता परोसी जाती है, जो फूहड़ता परोसी जाती है, जो नग्नता परोसी जाती है, और जिस कौम ने पांच पांच पीढ़ियां एक साथ खपा दी हो इस हिंदुस्तान के लिए, इस महान धरती के लिए, उन्हें बार बार अपमानित किया जाता हो, बार बार टेलीविजन के माध्यम से अश्लीलता परोसी जाती हो इस हमारी पीढ़ियों के अंदर, तो मैं समझता हूं ऐसे वीर पुरुषों की जयंतियां मनाकर हमें हमारे कौम को, इस हिंदुस्तान के लिए इस तरह की जयंतियां हमें मनानी पड़ेंगी, और न सिर्फ तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, बल्कि गांव ढाणियों में भी जाकर मनानी पड़ेगी। अपने वीर पुरुषों को, राष्ट्र पुरुषों को याद किया जाना होगा। और कल्याण सिंह जी कालवे साहब को क्यों याद ना किया जाए? पिछले चार वर्ष से नई दिल्ली में रहने के दौरान ये पाया कि आज भी कल्याण सिंह जी कालवी को इस दुनिया से गए हुए 30 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी विरासत को जिस सहजता के साथ में और जिस आत्मीयता के साथ में उन्हें याद किया जाता हो देश की राजनीतिक पटल के अंदर, देश के राजनीतिक गलियारों के अंदर, वो कल्याण सिंह जी कालवी साहब आज कहा करते हैं कि सामाजिक नेता तो राजनीति नहीं कर सकते और राजनीति के साथ में समाज सेवा नहीं हो सकती। उस अवधारणा को बदल के ही रख दिया आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवे साहब ने। और इस नागौर की धरती पर जहां दो जातियों के बीच में विद्वेष फैलाया जाता था, उसमें आपने वो प्रयोग करके दिखाया कि उन जातियों में इस तरह का सामंजस्य बना के बताया कि फौजदारी के मुकदमे ही बंद हो गए और सब प्यार से, सब बड़े प्रेम से आपस में रहने लग गए। मात्र 4.5 महीने केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान आपने जो विरासत पेश की, आपने जिस तरह से सामाजिक सौहार्द, आपसी सामंजस्य बना के रखा, वो आज भी काबिले तारीफ है, आज भी याद किया जाता है। और उनकी विरासत को आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवे साहब संपूर्ण देश में और देश के बाहर भी जिन ऊंचाइयों पर लेकर गए, सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा लोकेंद्र सिंह जी कालवे साहब की, जोधा अकबर का वो समय था जब जोधा अकबर एक सीरियल आया था, एकता कपूर माफी मांग के गई थी, इनोवा कार के अंदर कालवी साहब के साथ में जाने का सौभाग्य हुआ, एक फोन बजा और फोन से आवाज आई, कालवी साहब को चूंकि झपकी आ गई थी नींद की हल्की सी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को, और जब फोन बजा तो पीछे फोन उठाया तो मराठी लैंग्वेज में आवाज आई कि कलवी जी से बात कराइए। पूछा कि कौन बोल रहे हैं, तो बोले कलवी जी को मैसेज दीजिए, मुंबई से बाला साहब ठाकरे बात करेंगे। साहब को मैसेज फोन दिया गया उठाकर, और उधर से बाला साहब ठाकरे का यह कहना था कि कलवी जी, पहला शब्द यह था कि कलवी जी आई सल्यूट यू, आपने किस तरह की सेना बना दी है, करनी सेना हमारे महाराष्ट्र में फिल्में लगती हैं लेकिन 5 दिन 7 दिन विरोध हो जाए और फिल्में टॉकीज के अंदर लग जाती है, लेकिन आपने किस तरह की करनी सेना बना दी, किस तरह का एक संगठन खड़ा कर दिया। आज 3 महीने हो गए जोधा अकबर आपने लगने नहीं दी, कहीं चलने नहीं दी। वो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ऐसा कहते हैं कि वो धागा एक उनके व्यक्तित्व के लिए सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि वो धागा ही था जिसने छुपकर मोतियों को अपना सारा जीवन दे दिया, तभी तो यह है कि मोती आज अपनी तारीफ पर इतरा रहे हैं। उन उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज इस कल्याण सिंह जी कालवी साहब की जयंती के अवसर पर इस नागौर की धरती में तीसरी पीढ़ी के रूप में युवराज लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब के छोटे बना प्रताप बना कालवी आपके बीच में उपस्थित है। हम चाहेंगे कि उनकी जो विरासत थी पिछले 15 सालों से, तो मुझे याद है, मैं देखता आ रहा हूं कि सामाजिक न्याय मंच के चाहे मंच हो, चाहे करनी सेना के मंच हो, मंच सजते थे, लाखों की भीड़ होती थी, मेरे जैसे नए नए बच्चे मंचों पर होते थे, लेकिन वो बात है कि सजदे में जिनके सर झुके रहते हैं, जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं, लेकिन कभी मंचों पर नहीं आए, भीड़ के बीच में, आम जन के बीच में उस विरासत को संभालते हुए हमेशा आगे बढ़े। हम चाहेंगे कि आप नेतृत्व करें, आप इस समाज को पुनः रोशनी दिखाने के लिए आप आगे आए, मेरा यही अनुरोध रहेगा। चूंकि समय का अभाव है और हमारे महनीय नेताओं को आप सभी को सुनना है, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय रघुनाथ जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पूरे संदेश के माध्यम से इन्होंने समाज को जो संदेश दिया कि हम वो लोग हैं जिन्होंने जब जब जरूरत पड़ी है तब तब अपने को तैयार किया है, हमने ऐसे ऐसे लोगों को और ऐसे ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया है, महाराणा सांगा जैसे लोग हमारे में से निकल कर आए हैं। कवि ने लिखा कि जब भी सरहद से दुश्मन ने पौरुष को ललकार दी,
तब इस जाति ने सोई तलवारों को झनकार दी, इसने सांगा को जन्म दिया जिसने दिल्ली तक हिला दी, और जिस दिन बाबर ने ललकारा धरती को सोनित से नहला दी, 80 गांवों पर भी सांगा तूने तलवार नहीं छोड़ी, और इस वीर प्रसूता धरती के गौरव की आन नहीं तोड़ी, कट गया पैर कट गई भुजा, घावों से रक्त बह रहा था, पर वो राजस्थानी नाहर घावों पर घाव सह रहा था। ऐसे वंश से हम लोग आते हैं, ऐसा आह्वान आदरणीय ने किया। लीजिए, इस कार्यक्रम में व्यस्तता की वजह से आदरणीय दिया कुमारी जी को निकलना होगा, इसलिए सबका ऐसा मन है कि हम उनको पहले सुने। नारी शक्ति के रूप में हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय का मैं चाहूंगा कि आगे से पीछे लेकर एक बार जोरदार तालियों के हुजूम से आप बुलाएं दिया कुमारी जी, सांसद राजसमंद। माँ भगवती के चरणों में नमन। आदरणीय श्री कल्याण सिंह कालवी साहब की जयंती व प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच हमको सभी को आशीर्वाद देने पधारे श्री 1008 श्री समताराम जी महाराज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हम सभी के मार्गदर्शक और विशेषकर मुझे, जब से मैं राजनीति में आई तब से लेके अभी तक, समय समय पर मुझे गाइड करने वाले, जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले मैं उनके पास ही जाती हूँ। तो आज आप मेरी लोकसभा क्षेत्र में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब, मध्य प्रदेश से पधारे वहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री सुल्तान सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे पूर्व सांसद गोपाल सिंह जी इडवा साहब, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। अजमेर से पधारे श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। श्री मेघराज सिंह जी, श्री अजीत सिंह जी, जो जिन्होंने ये पूरे समारोह का पूरा अध्यक्षता भी की है, और बहुत अच्छा इतनी संख्या में आप सब पधारे हैं, तो इनका श्रेय भी, पूरे कार्यक्रम का श्रेय भी मैं आपको भी दूंगी। दिलीप सिंह जी बछवारी साहब, हमारे प्रधान भैरुंदा जसवंत सिंह जी थाटा साहब, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब के दोनों ही सुपुत्र भवानी सिंह जी कालवी साहब, प्रताप सिंह जी कालवी साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपको मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने श्री कल्याण सिंह जी कालवी साहब की, हम सभी को बहुत, मुझे लगता है कि एक आदर्श है हम सभी के लिए, पूरे समाज के लिए और सर्व समाज के लिए, और आज आपने इतनी भव्य कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हमारे पंडित सुरेश जी मिश्रा साहब, आपका भी स्वागत, आप जयपुर से पधारे हैं। श्री हनुमान सिंह जी खंगारोद साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ मंच पे विराजमान सभी पदाधिकारी गण व सभी क्षत्रिय सेवा समिति के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ आज भव्य कार्यक्रम में पधारे हुए मातृशक्ति, सभी हमारे समाज के सरदार गण, और सभी यहाँ पधारे हुए नागौर से भी आप पधारे हैं। मैं तो मानती हूँ कि सिर्फ केवल नागौर से नहीं, पूरे हमारे राजस्थान से यहाँ पधारे हुए सभी माताएं बहनें और सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये कार्यक्रम मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, और हम लोग सभी लोग आज हमारे कल्याण सिंह जी कालवी साहब को याद भी कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमारे सामने, मैं मुझे लगता है इतना कुछ उन्होंने कार्य किया, ना केवल हमारे समाज के लिए किया, समाज के लिए राजनीतिक जीवन के माध्यम से तो उन्होंने काम किया ही किया, लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो इतना कुछ किया, विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे समाज में जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं नशा मुक्ति के लिए, समाज में आपस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को
ध्यान में रखते हुए उन्होंने समाज के लिए, हम सभी के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए समय समय पर, मेरा तो उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन मेरी जो दादी सा थी गायत्री देवी जी, उनके साथ उनका बहुत ही संपर्क भी था, साथ में काम भी किया उन्होंने, और उसी नाते मेरा एक पारिवारिक संबंध है कालवी परिवार से। और मुझे भी जब भी आवश्यकता हुई, मुझे या मेरे परिवार को, तब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का और कालवी परिवार का कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया। कोई भी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आपके परिवार ने और समाज ने भी, आज एक ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम है और ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, तो आज मैं समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने जब भी हमको आवश्यकता हुई आपने हमारा साथ दिया। और आज मैं आप लोगों के लिए, कभी भी कोई भी मेरी आवश्यकता होगी, मेरे परिवार की आवश्यकता होगी, राजनीति में हूँ, आपकी सांसद भी हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मेरी जो जिम्मेदारी है, एक सांसद के अलावा एक समाज के एक व्यक्ति, समाज की मैं भी एक सदस्य हूँ, तो उस नाते भी कभी भी मेरी कोई भी आवश्यकता हो तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगी, आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपकी समस्या के समय कोई भी ऐसी बात हो जो मेरे लायक आपको लगे, कोई काम हो, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे समाज में हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवा भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे IAS की बात करें, हम बात करें कोई भी राजनीति, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बात करें, कोई भी नौकरियों में भी हम लोग अच्छे, हमारे नंबर भी आ रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, अवसर मिलता है, कई बार अवसर नहीं मिलता है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको हम एक समान अवसर देने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे बेटों को तो हम अवसर देते हैं, उनको पढ़ाई के लिए आगे भेजते हैं, उनको हम प्रयास करते हैं कि वो पूरा हायर एजुकेशन उनको मिले, वो घर में बैठे नहीं रहे, लेकिन हमारी बच्चियाँ जो हैं उनकी पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अभी करने की आवश्यकता है। मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बेटी, ये समझा जाए कि बेटी सिर्फ घर के लिए है, वो तो शादी, वो तो पराया धन है, उसकी तो एक दिन शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी, ऐसा नहीं। हम अगर हमारी बेटी को अवसर दें, चाहे पढ़ाई लिखाई में दे या कोई भी उसकी कहीं भी रुचि हो, उसको अवसर देने की आवश्यकता है, तो हमारी बेटी को भी, जितना बेटों को हम लोग पढ़ाई लिखाई में आगे भेजने के लिए हर प्रकार से हम उसको बहुत कुछ करते हैं बेटों के लिए, लेकिन बेटियों को अभी भी हम लोग इतना ज़्यादा एक सम्मानता, एक अवसर नहीं प्रदान करते, तो उसमें एक समाज को भी थोड़ा सा इसमें और करने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत कुछ बदल रहा है समाज में भी, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी बेटियों को बढ़ा रहे हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में महिला बहनें, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, तो ये भी एक बहुत अच्छे संकेत है कि हमारी बहन बेटियां भी अब घर से बाहर जा रही हैं, थोड़ा सा घूंघट से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। अब तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे सभी जगह पार्षद बहनें भी, हमारी बहुत सारी समाज की बहनें हैं जो आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारी हमारी सरपंच बहनें भी महिलाएं हैं, हर प्रकार से हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और हम लोग करें तो हमारी बहनें और आगे बढ़ सकती हैं, हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी जो राजपूत समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा प्रयास करें, थोड़े और कुछ भी हो। मैं भी यहाँ से एक सांसद हूँ, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है, परिवार ने दिया है, इसलिए मैं आज सांसद बनी हूँ, तो आप भी अपनी बेटियों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि वो भी आगे बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये एक मुझे बात रखनी थी कि ये थोड़ा सा हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे थोड़ा सा ध्यान दे कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे अवसर दिया जाए। आज इस समाज, इस कार्यक्रम में मैं थोड़ा सा आगे, एक दो कार्यक्रम और हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के भी एक दो कार्यक्रम हैं जो जिसमें मुझे जाना है, तो इसलिए मैं आप सभी से थोड़ा सा इजाज़त चाहूँगी कि मुझे थोड़ा जल्दी मैं जा सकूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने, हम सभी की मेरी बात सुनी और यहाँ इस कार्यक्रम में इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा आग्रह करेंगे, थोड़ी देर अगर आप और रुकेंगे तो हमारे जो भामाशाह है उनका सम्मान हम आपके माध्यम से करवाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक वक्ता को हम और सुनेंगे, एक ऐसी शख्सियत जो धरातल पर बड़ा संघर्ष कर रही है। कवि ने लिखा भी है कि पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, वही बनेंगे आजादी के एक दिन संघ। बुलाइए युवा और समाज सेवी उद्यमी भाई श्याम प्रताप सिंह रुआ को,
कि वो आए और अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में रखें, उसके पश्चात हम लोग भामा साहू का सम्मान दिया कुमारी जी और राजेंद्र सिंह जी के हाथों से करवाना चाहेंगे। श्याम प्रताप सिंह जी राठौड़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उपनेता परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, राजसमंद की सांसद दिव्या कुमारी जी, समताराम जी महाराज, पूर्व सांसद गोपाल सिंह जी इडवा साहब, भंवर सिंह जी पलाड़ा, बड़े भाई मेघराज सिंह जी, हनुमान सिंह जी खांगटा, भाई सुरेश जी मिश्रा, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ा रहे मातृशक्ति और डेगाना और नागौर के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए समाज के सभी बुजुर्गवार और युवा साथियों, आज हम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब की जयंती के इस शुभ अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं। आज से पूर्व भी हर वर्ष डेगाना की इस पावन धरा के ऊपर हम कल्याण सिंह जी कालवी साहब को हमेशा याद करते हैं। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा हर बार की तरह कि जब भी हम हमारे समाज के किसी भी महापुरुष को याद करते हैं पुण्यतिथि के रूप में या जयंती के रूप में, हमें मन से यह प्रेरणा लेकर जानी चाहिए कि जिन महान पुरुष के स्मृति के अंदर हम लोग एकत्रित हुए हैं, उनके द्वारा किए हुए उन कार्यों के कारण आज राजपूती समाज नहीं 36 कौम के लोग उनको याद करते हैं। यह प्रेरणा लेकर हमें यहां से जाना चाहिए कि हम अपने गांव के अंदर जाकर के हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए 36 कौम के लोगों की सेवा करते हुए क्षत्रिय समाज को बुलंद करें, मजबूत करें। कल्याण सिंह जी कालवी वो शख्सियत जिन्होंने पूरे देश के अंदर इस नागौर की पहचान करवाई, एक छोटे से कालवी ठिकाने से होते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कालवी नाम का एक ब्रांड पैदा किया, ऐसी महान शख्सियत को मैं पुनः नमन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि यहां से जाने के बाद में उनके बताए हुए मार्ग पर उनके किए हुए कार्यों को हमें गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचा करके माननीय गोपाल सिंह जी इडवा साहब, आपको याद होगा एक बार जब कल्याण सिंह जी कालवी किसी जयंती के अंदर रिशपाल जी मृदा भी उपस्थित थे और मैंने इस मंच के माध्यम से यह कहा था कि जो कल्याण सिंह जी कालवी ने जो किया था, जो 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर उन्होंने जो कार्य किया था, उनकी उस बताई हुई मार्ग पे हमें चलना है और शायद वो बात उस समय हमारे समझ में आई थी। पूरे नागौर के अंदर उस समय इतने ज्यादा पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और सरपंच बनकर के आए थे, तो पुनः यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के समय के अंदर 36 कौम के लोगों की सेवा करते हुए हमें हमारे भाई बहनों को मजबूत करना है। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छात्र धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्याम प्रताप जी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में हम सबको लाभान्वित किया। इस क्रम में मैं अब आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राठौड़ साहब, दिया कुमारी जी और समताराम जी महाराज से कि हमारी जो सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं हैं उनमें से एक नाम विशेष है और हम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं और कहा भी गया है कि शहादत देने का काम ही हम लोगों ने किया है, ऐसा ही एक परिवार हमारे यहाँ पर उपस्थित है। अमर शहीद मनोहर सिंह सिसोदिया निवासी अलवास, आपके परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारे, हम लोग आज आपको सम्मानित करके खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस पूरे मंच से आग्रह रहेगा कि टेंट वाले से आग्रह रहेगा थोड़ी कुर्सियां और लगा दें क्योंकि लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं, साइड में आगे की तरफ कुर्सियां लगा दें। इस क्रम में मेरा आग्रह रहेगा, ये जितना भी बड़ा आप कार्यक्रम देख पा रहे हैं इसमें
ऐसे तो एक एक व्यक्ति की ऊर्जा और क्षमता लगी है। शहीद परिवार का सम्मान हम लोग करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यही परिवार होते हैं जो, मेरा आग्रह रहेगा सामाजिक कार्यों में सहयोग करने वाले जो भामाशाह है उनका भी हम मान और सम्मान करेंगे। आप ये जो पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं इसमें 51,000 रुपए का योगदान, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, बेज और शक्ति रूपी तलवारें जो भेंट करी हैं, वो एक ही शख्सियत ने करी है और कार्यक्रम में भी पूरी ऊर्जा लगाई है और उस शख्सियत का नाम है श्री अजीत सिंह जी चांदारुण। मेरा आग्रह रहेगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं और मेरा आग्रह रहेगा अतिथियों से कि श्री अजीत सिंह जी चांदारुण को भी सम्मानित कर, मोबाइल से जो फोटो खींच रहे हैं उनसे आग्रह रहेगा कि हमारे बीच में एक और शख्सियत है जिन्होंने 51,000 रुपए का नगद योगदान दिया है। आप प्रतिनिधि है और करणी सेना के संरक्षक हैं, हम सबके बुजुर्ग और मार्गदर्शक श्री प्रेम सिंह जी सांजू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 51,000 रुपए का योगदान आपने दिया है, आपका भी हम मान और सम्मान इस मंच के माध्यम से करना चाहेंगे। प्रेम सिंह जी सांजू से आग्रह रहेगा कि मंच पर पधारे, क्योंकि पैसा पद मद सब चले जाते हैं लेकिन इस बीच हमारे बीच राम सिंह जी रोहिणा उपस्थित है, आपने भी 51,000 रुपए का योगदान दिया है। मेरा आग्रह रहेगा राम सिंह जी रोहिणा से कि आप भी मंच पर पधारे। श्री डॉक्टर जगदम्बे सिंह भूणी निवासी हाल डेगाना, आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी पधारे, आपने भी 51,000 रुपए का योगदान और इसके लिए बस की सेवाओं का योगदान किया है, एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में श्री रघुवीर सिंह जी चुई निवासी, आपने 51,000 रुपए का योगदान दिया है, आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी पधारे। श्री प्रेम सिंह जी डेगाना, आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी पधारे। अतिथियों के लिए स्नेह भोज की व्यवस्था की है डेगाना गांव, श्री प्रेम सिंह जी डेगाना। श्री नारायण सिंह जी आप रोहिणा से हैं, आपने इस कार्यक्रम हेतु 1,00,000 रुपए का योगदान दिया है, जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब भंवर सिंह जी आपने 31,000 रुपए का योगदान दिया है, आपका भी अभिनंदन स्वागत। मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें। श्री नरपत सिंह जी गोरेड़ी आपने 31,000 रुपए का योगदान दिया है, आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें। नरपाल सिंह जी ईडुआ आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें, आपने 31,000 रुपए का योगदान दिया है। जसवंत सिंह जी थाटा प्रधान पंचायत समिति बेरुंदा, आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए 25 बसों की व्यवस्था आपने निजी खर्च से लगाई है, जोरदार तालियां। श्री जसवंत सिंह जी थाटा, अतिथियों से आग्रह रहेगा कि आप विराजें। ये हमारे भामाशाह थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। इस क्रम में मेरा अब आग्रह रहेगा आज के इस कार्यक्रम में अतिथि की भूमिका निभा रहे कर्नल श्री केसरी सिंह जी से, मकराना से आप है, आप पधारें और हम सबको उद्बोधित करें। श्री केसरी सिंह जी, मेरा आग्रह रहेगा जो जितने भी लोग बैठे हैं हमारे मंचस्थ जो अतिथि बैठे हैं उनका एक बार जोरदार तालियों से उत्साह वर्धित करें और मैं आग्रह करूंगा कर्नल श्री केसरी सिंह जी की पधारें और उद्बोधित करें। जचार भुजागी साहब, गुरु के आदरणीय चरणों में प्रणाम। हमारे सोने के सूरज राजेंद्र सिंह जी, जो आज के वर्तमान राजनीतिक परिपेक्ष में हमारे जोश के, कर्मठता के,
इन सभी चीजों के जो समादेशक साहब हैं, हमारे भंवर सिंह जी फलाड़ा साहब, गोपाल सिंह जी और सम्मानीय मंच, मातृशक्ति और ये सारे कमध्वज जो यहां विराजे हैं, आज कोशिश करूंगा कि मारवाड़ की इस धरा से, इस कालजे की कोर से आपके सामने दो या तीन ऐसी बातें बताऊं ताकि ये जो हमारे संरक्षक हैं, ये जो हमारे अग्रणी हैं, ये जो हमारा नेतृत्व है, इन भावनाओं को, हमारी बातों को समझ सके। शुरुआत करते हैं कल्याण सिंह जी कालवी साहब से। 1934 आज के 88 साल पहले 4 दिसंबर को उनका जन्म हुआ। चौपासनी से उनकी शिक्षा हुई। इतनी दृढ़ता थी, इतनी निष्ठा थी उस व्यक्ति में कि जब चौपासनी पर खतरा आया सरकार का, सरकार में समावेश का, तो वो युवा वहां लड़ पड़ा, पूरी लड़ाई लड़ी और अपनी स्कूल को बचाया। आयुवान सिंह जी के सानिध्य में, तन सिंह जी के सानिध्य में वो बड़े हुए। और आप तो इतने सौभाग्यशाली हैं राजेंद्र सिंह जी और गोपाल सिंह जी के, आपने उनके साथ में वो समय बताया है। आपकी उनकी, उनको देख देख के आपने इतना कुछ सीखा और आज जहां भी उनकी आत्मा होगी आपको इस बुलंदी पर देखकर बहुत प्रसन्न होती होगी। अब बात करते हैं साहब अपने उन बडेरों की, उन पूर्वजों की जो आयुवान सिंह जी के साथ में, तन सिंह जी के साथ में और कल्याण सिंह जी के साथ में ढाणी ढाणी भटके, उन तपते हुए टीबों में, उन ढाणियों में, उन टूटे हुए गढ़ों में, उन हवेलियों में और उन छोटे छोटे कच्चे मकानों में हमने एक विचारधारा की नींव रखी। जब हमारे वो पूर्वज लाठियां खा रहे थे और इस कमल के फूल वाली पार्टी का बीज बो रहे थे उस तपती रेत में, तब उन्हें नहीं पता था कि आज एक दिन आकर वो इतना बड़ा आकार ले लेगा। मगर जब इसने ये आकार लिया है तो अब समय बदल सा गया है। आप देखें, माने या मत माने, जिन्होंने उसे खून पसीने से पाला और बड़ा किया, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, जिन्होंने अपनी, अपने बच्चों को, अपने स्थान को छोड़ के शहरीकरण कर लिया, आज उन्हीं लोगों का धीरे धीरे, ये सामाजिक कार्यक्रम है इसलिए अपना दर्द प्रकट करना चाहूंगा कि आज धीरे धीरे उसी कौम का प्रतिनिधित्व उसी पार्टी में कम होता चला गया। ये निवेदन रहेगा हमारा आपको कि एक बार उसकी तरफ जरूर ध्यान देना साहब। दूसरी बात करूंगा मैं, हुआ यूं कि जाने अनजाने में जिन लोगों ने गौचर की भूमियां छोड़ी, भगवान बनाए, मंदिर बनाए, लोगों की सेवा की, सेवा की प्याऊ बनाई, वो धीरे 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 इस सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रकोप में कहीं ना कहीं एक जानबूझ के उनके ऊपर एक सामंत का ठप्पा लगा दिया गया। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा साहब, जब मैं आया और पिछले 19 महीनों में इस क्षेत्र में घुमा हूं, गांव गांव इन युवाओं के पास गया हूं, तो नागौर के कुछ समीकरण बताना चाहता हूं आपको। 2003 से 2008 के बीच में यहां के जो मतदाता थे वो करीब 2.5% के आसपास बढ़े। सुनिएगा आप एक साजिश जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 2003 से 2008 के बीच में सिर्फ 2.5%, 8 से लेकर 13 के बीच में सिर्फ 9%। और मैं तो पास ही, मेरा गांव है मकराना से आता हूं, जहां 25% राजपूत सरपंच है अभी भी, वहां पर 2013 से 2018 के बीच में 15.5% यानी 32,000 मतदाता जोड़ दिए गए, जोड़ के जाने अनजाने में समीकरण बदल दिए गए और कांच में धन दिखाया गया, जिसके कारण ऊपर वाली पार्टियां प्रभावित हुई। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे आधार कार्ड से ये सारे मतदान पत्र जुड़ने लगे और आप देखिएगा पिछले 4 साल के अंदर सिर्फ 6% या 6.5% की ग्रोथ आई है, क्योंकि नकली नाम कटने लग गए। हमसे एक छोटी सी भूल हुई, क्योंकि हम लोकतंत्र के समीकरण नहीं समझ सकते थे, हम यहां से शहर की तरफ पलायन कर गए। आज राजस्थान की जो सबसे बड़ी विधानसभाएं हैं, चाहे वो झोटवाड़ा हो, विद्याधर नगर हो, जोधपुर में हो, हम ये देखते हैं चाहे वो पाली हो, अजमेर में हो, वहां सबसे ज्यादा आज की तारीख में मूल ओबीसी और राजपूत बसता है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में यहां से वहां जाकर अपने वोटर आई कार्ड के नाम भी कटवा लिए। ये सब बातें कल्याण सिंह जी कालवी के लिए श्रद्धांजलि वाली बातें नहीं है। मैं संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूंगा, आज अगर हम अगली जो इनकी जयंती आएगी तब तक हर मूल ओबीसी का और एक राजपूत और आप जो यहां विराजे हैं, अगर 5-5 अपने लोगों को बोल सकें कि आओ अब लौट चलें अपनी उस जन्मभूमि पे जहां पिछली 25-25 पीढ़ियों ने गायों के लिए और मंदिरों के लिए और लोगों की रक्षा के लिए और मातृशक्ति की रक्षा के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं, उनसे निवेदन करें जो हमारे वाले बाहर बैठे कि साहब आपको जहां का पासपोर्ट रखना है पासपोर्ट रखें, आपको जहां का, आपको अपना आधार कार्ड रखना है आधार कार्ड रखें, मगर एक बार अपना वोटर आई कार्ड लेकर वापस चले। समय आ गया है उन समीकरणों को बदलने का, ताकि ये जो आयोजन हम कर रहे हैं और जो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उसका कोई मतलब निकल सके।
ताकि आज हम उनको वो श्रद्धांजलि दे सकें कि जब वो घूमा करते थे गांव गांव जंगल जंगल ढाणी ढाणी और उन टीबों में, और वो जो स्थापित करना चाहते थे एक हाथ में सामाजिक सामंजस्य स्थापित किया नाथूराम जी के साथ में, और एक हाथ से वो समाज की मदद करते थे और राजनीति करते थे। कभी पक्षपात नहीं किया, राजपूत कभी पक्षपात नहीं करता, बिना पक्षपात की राजनीति और सर्व समाज के कल्याण के लिए। आज आप लोगों को वापस राजनीति में उस लेवल पर आना बहुत जरूरी है, और सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आप अपने गांवों में कम से कम 30-35 नाम वापस जुड़वा पाएंगे। और मैं सम्मानीय मंच से भी निवेदन करूंगा कि साहब आपकी तरफ से श्रद्धांजलि, हम युवा, हम यहां मेहनत कर, हम संघर्षरत ये जो युवा हैं वो तब मानेंगे जब आप हमारी इस बात को, उस आवाज को वहां तक पहुंचा पाए कि साहब उन झूठे समीकरणों पर मत जाना, उन झूठे वोटों पे मत जाना, एक बार उन वोट लिस्टों को उठा के देख लेना जिनमें 13 से 18 के बीच में इतने बदलाव किए गए हैं कि अगर 1% भी सच्चाई बाहर आ गई तो इस बार भचीट बोलेगा, इस बार भचीट बोलेगा, और वो ही होगी हमारे कल्याण सिंह जी कालवी साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। तो मेरे साथ एक बार आप सारे बोलेंगे, बोलो करणी मात की, या करणी मात की जय करो तो कोनी काम चाले साहब, या तो भचीट कौन बोले या श्रद्धांजलि भी कौन दी जा सके, बोलो जगदम्बे माता की जय। चार बजे साहब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रेम सिंह जी सांजू से कि वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे आदरणीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष का, क्योंकि उनको निकलना है और वो भी थोड़ा दो शब्द उद्बोधित करना चाह रहे हैं उनके बारे में। पंडित सुरेश मिश्रा सवर्ण आरक्षण आरक्षण मंच की वो मशाल है जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के लोकेंद्र सिंह जी कालवी का और आदरणीय देवी सिंह जी भाटी का साथ दिया, और प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में उन्होंने इस बात की अलग जगाई कि राजपूत ब्राह्मण और बनिया इस देश के द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं है। राजपूतों ने हिंदू धर्म और देश की रक्षा के लिए सर कटाए हैं, तो ब्राह्मणों ने उनको शिक्षित और दीक्षित किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, एक बार जोरदार तालियों से पंडित सुरेश मिश्रा का आप स्वागत कीजिए। पंडित सुरेश मिश्रा बोल सकते मैं मात भवानी की, मजा नहीं आया, इधर से आवाज आई इधर से आवाज आई नहीं बिल्कुल। बोल सकते मैं मात भवानी की। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के उपनेता मेरे बड़े भाई सम्मान्य रायन सिंह जी राठौड़ साहब, राजसमंद के पूर्व सांसद वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री गोपाल सिंह जी शेखावत साहब, महाराज श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, मेघराज सिंह जी और उपस्थित सभी राजपूत सरदार माताएं बहनें, सबसे पहले मैं कल्याण सिंह जी कालवी को नमन करना चाहूँगा कि जिन्होंने न केवल राजपूत की बात करी, 36 कौम की बात करके आज पूरे देश में 30 वर्षों के बाद भी आज उनका नाम उसी सम्मान से लिया जाता है जिस सम्मान से जब केंद्रीय मंत्री थे तब लिया जाता था। ऐसे युग पुरुष समाज में कभी कभी पैदा होते हैं, उन्होंने एक ज्योत जलाई और वो ज्योत आज पूरे विश्व भर में राजपूत समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। कल्याण सिंह जी कालवी के बारे में अधिकतर लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उनके सुपुत्र श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी के साथ मुझे रहने का अवसर मिला। वर्ष 1999 में से लेकर आज वर्ष 2022 आ चुका है, मैंने उनके साथ 30 देशों की यात्रा करी और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में कई राज्यों के अंदर मुझे उनके साथ जाने का अवसर मिला। निश्चित रूप से आज वो बीमार हैं और हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। जब मैं उनके साथ राजस्थान में अलग अलग गांवों में जाता था और सामाजिक न्याय मंच के ज्योत को जला करके लोगों को एकत्रित करते थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ राजपूत समाज के लोग थे वहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका साथ दिया, जहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों को राजपूत समाज के साथ की अवस्था पड़ी तो सब ने हमारा साथ दिया। और ब्राह्मण राजपूत का गठजोड़ सदैव बना रहा है, ब्राह्मण वरदान देना भी जानता है तो ब्राह्मण श्राप देना भी जानता है। हमने सबने मिलकर उस समय लंबी लड़ाई लड़ी और एक लंबा संघर्ष किया
नतीजा चाहे कुछ निकला नहीं निकला, लेकिन जो बात हम लोग उस समय कहते थे वो बात आज चरितार्थ हो रही है। हम सबको वापस एकत्रित होने की आवश्यकता है, सब जन को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और राजपूत समाज तो हमेशा आगे रह करके क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, सबका नेतृत्व करता है। मैं तो आप लोगों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि राजस्थान की धरा को मजबूत करने के लिए आप लोग फिर एकत्रित हों, समाज का भला करें, छत्तीस कौम का भला करें, क्योंकि राजपूत ब्राह्मण खुद के भले की बात नहीं करता कभी, वो सबको साथ लेके चलने की बात चलता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है। तो आपको हमको सबको संगठित होकर के कल्याण सिंह जी कालवी के बताए मार्ग पर आगे चलना चाहिए। मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए प्रेम सिंह जी सांझू जी को, अजय सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। कुलकर्णी माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर ने हम सबको। मैं अब आग्रह करूंगा कि जितनी भी प्रतिभाएं जो इस समाज की बेटी है पीछे, दसवीं और बारहवीं कक्षा में जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और जिनका 85% से अधिक अंक अर्जित करने वाली जो प्रतिभाएं हैं, उन सब से आग्रह रहेगा कि आप आगे पधार जाएं। जैसे जैसे मैं नाम कॉल कर रहा हूं आपका, आप सीधे मंच पर जाएंगे, क्योंकि हम गोपाल सिंह जी के और हमारा जो सम्मानित मंच है उनके हाथों से सबका सम्मान करवाना चाहेंगे। मेरा आग्रह रहेगा सुश्री चंचल कंवर, डॉटर ऑफ श्री मूल सिंह जी राठौड़ सुदवाड़ से, आपने 10वीं कक्षा में 96% प्राप्त किए हैं, जोरदार तालियां इस बेटी के लिए, हमारे समाज का गौरव है। सुश्री खुशी राठौड़ रेवत तहसील डेगाना नागौर, आपने ऊपर 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 जाना बेटा, इनकी मोमेंटो। सुश्री खुशी राठौड़ डॉटर ऑफ धीर सिंह जी राठौड़ रेवत तहसील डेगाना कक्षा 10वीं में 95% केंद्रीय बोर्ड से, जोरदार तालियां। सुश्री यशस्विनी राठौड़ डॉटर ऑफ देवेंद्र सिंह राठौड़, आप इटावड़ा से हैं, आपने 10वीं कक्षा में 93.40% अंक अर्जित किए हैं, जोरदार तालियां। श्री ऋषिराज सिंह राठौड़ सन ऑफ श्री किशोर सिंह तिलानेश तहसील डेगाना से हैं, आपने 10वीं में 93% अंक प्राप्त किए हैं, जोरदार तालियां। श्री अजयपाल सिंह सन ऑफ श्री प्रताप सिंह शेखावत चरड़ा तहसील सांझू, आपने 10वीं कक्षा में 93.17% अंक अर्जित किए हैं। इसी तरह श्री करण सिंह सन ऑफ श्री प्रताप सिंह जोधा, आपने डेगाना जंक्शन तहसील डेगाना नागौर से 10वीं में 93% अंक प्राप्त किए हैं। जिन जिन का नाम पुकारा जा रहा है तुरंत आए, राज्यवर्धन सिंह सन ऑफ श्री शैलेंद्र सिंह, आप ईडवा से हैं, आपने 10वीं कक्षा में 93% अंक अर्जित किए हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। श्री मानवेंद्र सिंह सनोप श्री श्याम सिंह गुढ़ा तहसील रिया, आपने 10वीं कक्षा में 92.67% अंक अर्जित किए हैं। श्री भूपेंद्र सिंह सनोप श्री गणपत सिंह, आपने 10वीं कक्षा में 92% अंक अर्जित किए हैं, सिरासना से श्री भूपेंद्र सिंह सनोप श्री गणपत सिंह। हमारे बीच में सुश्री अलका राठौड़ डॉटर ऑफ श्री मांगू सिंह राठौड़ दूधड़ा तहसील डेगाना से हैं, आपने 10वीं कक्षा में 91% बेटों से भी बेटियां आगे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। हमारे बीच में श्री परीक्षित सिंह राठौड़ सनोप श्री महेंद्र सिंह मंडल जोधा तहसील डेगाना कक्षा 10वीं में 89.20% अंक प्राप्त किए हैं। सुश्री बसु राठौड़ डॉक्टर ऑफ श्री महावीर सिंह राठौड़ गांव बछुआरी, आपने 10वीं कक्षा में 88.67% अंक प्राप्त किए हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है तुरंत आए। श्री विश्वजीत सिंह सनोप श्री दशरथ सिंह गुड़ा जोधा तहसील रिया बड़ी कक्षा 10वीं में 86.33 अंक प्राप्त किए हैं। श्री सौर्य प्रताप सिंह गौड़ श्री गोवर्धन सिंह गौड़ डेगाना गांव 10वीं में 85.67% अंक प्राप्त किए हैं। सुश्री अक्षिता राठौड़ केला सिंह राठौड़ गांव पुनास तहसील सांझू 10वीं में 85.33%। सुश्री प्रतिभा राठौड़ श्री जगदीश सिंह राठौड़ खातोलाई तहसील रिया बड़ी कक्षा 10वीं में 85.00%। सुश्री हिमांशी राठौड़
डॉक्टर ऑफ श्री किशन सिंह राठौड़ सुदवार तहसील रियाबड़ी कक्षा दसवीं में 89.33%। यशवर्धन सिंह सन ऑफ करण सिंह पालियास दसवीं में 90%। हर्षिता राठौड़ डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र सिंह खिंदास से दसवीं में 86%। शेर सिंह सन ऑफ जितेंद्र सिंह नीमड़ी कोठारिया से आप हैं 87। तो ये दसवीं कक्षा में प्रतिभावान छात्र थे जिन्होंने अपने समाज का अपने कुल का नाम किया। बारहवीं कक्षा में जिन्होंने 85% से अंक अर्जित किए अधिक अर्जित किए सुश्री तनुश्री राठौड़ डॉटर ऑफ कुलदीप सिंह राठौड़ ग्राम चुई तहसील सांजू आपने बारहवीं कक्षा में 97.40%। एक बार जोरदार तालियां। सुश्री मंजू कंवर डॉटर ऑफ श्री भंवर सिंह राजोद तहसील सांजू कक्षा बारहवीं में 95.60%। श्री निखिल सिंह राठौड़ श्री श्याम सिंह राठौड़ गुढ़ा जगमालोता तहसील रियाबड़ी कक्षा बारहवीं में 93.60%। सुश्री महक राठौड़ डॉटर ऑफ श्री गजेंद्र सिंह थावला तहसील रियाबड़ी कक्षा बारहवीं में 93.20%। श्री मिट्टू कंवर डॉटर ऑफ श्री मान सिंह राजोद तहसील सांजू कक्षा बारहवीं में 90.60%। सुश्री निकिता राठौड़ डॉटर ऑफ श्री गिरधारी सिंह हिम्मतनगर तहसील डेगाना कक्षा बारहवीं में 88.80%। श्री अरविंद सिंह राठौड़ श्री चैन सिंह राठौड़ डोडियाना तहसील डेगाना कक्षा बारहवीं में 88.40%। सुश्री नीलम कंवर श्री विक्रम सिंह कीतल सर तहसील डेगाना कक्षा बारहवीं में 87.60%। श्री संदीप सिंह चौहान श्री कैलाश सिंह चौहान मांडल देवा तहसील डेगाना कक्षा बारहवीं में 87.20%। सुश्री मनीषा कंवर डॉटर ऑफ श्री तंवर सिंह राजोद तहसील सांजू कक्षा बारहवीं में 86.60%। श्री भवानी सिंह सन ऑफ श्री पर्वत सिंह चुआ तहसील सांजू कक्षा बारहवीं में 86.00%। सुश्री मनीषा कंवर श्री रणजीत सिंह जी कीतल सर तहसील डेगाना कक्षा बारहवीं में 85.20%। सुश्री सुमन कंवर श्री महेंद्र सिंह राजलोता तहसील डेगाना कक्षा बारहवीं में 89.40%। जिनका भी नाम पुकारा जा रहा है उन सबसे आग्रह रहेगा कि तुरंत मंच पर पहुंचे ताकि अपना कार्यक्रम जो है वो उसमें विलंब ना हो। मेरा आग्रह रहेगा इस क्रम में आगे श्री गजराज सिंह सनोप श्री रणवीर सिंह आंत्रोली कला तहसील डेगाना कक्षा दसवीं में 91.20%। सुश्री सीमा कंवर डॉटर ऑफ श्री कुशाल सिंह गांव भारली तहसील सांजू कक्षा बारहवीं में 91%। सुश्री हर्षिता राठौड़ डॉटर ऑफ श्री गोपाल सिंह रेमत तहसील डेगाना कक्षा बारहवीं में 85%। और अंत में अनुष्का राठौड़ डॉटर ऑफ श्री जयमल सिंह बरना आपने बारहवीं कक्षा में 90% प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सब प्रतिभाओं के लिए आप बजाएं क्योंकि हमारा जो समाज है आने वाला जो भविष्य है उसका आईना हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से मेहनत करके इन्होंने हासिल किए हैं ये अंक अर्जित किए हैं। लीजिए इस प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद एक बार पुनः हम उद्बोधन के रूप में हमारे माननीय जो अतिथि लोग हैं उनको सुने। हमारे बीच में श्री गोपाल सिंह जी शेखावत ईडवा मंत्री वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार में हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप बुलाएं श्री गोपाल सिंह जी शेखावत।
परम आदरणीय संताराम जी महाराज साहब, राजस्थान का वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, अजमेर का क्यों, नागौर का क्यों, मोहन सिंह जी पदाड़ा साहब, दो बार जिला प्रमुख रिया, करामात तो देखो थे, नागौर उजार अजमेर जानो और प्रमुख लुगाई ने बना देना, मोटियार तो घना ही बनावे मंदिर में, मेघराज सिंह रायल साहब, पंडित जी महाराज मिश्रा जी, दिलीप सिंह बसारी साहब, जसन सिंह ठाटा साहब, मारवाड़ का लोकप्रिय राजपूत नेता हनुमान सिंह खांगटा साहब, नौजवान बच्चा भवानी सिंह कालवी और प्रताप सिंह कालवी, भवानी सिंह आया क्या, आप प्रताप सिंह जी कालवी लोकेंद्र सिंह जी का पुत्र है, अच्छा नौजवान वक्ता श्री मोती सिंह जोधा साहब, और अब सबको नाम लूं, सिमू सिंह जी को नहीं लूं, दिलीप सिंह जी को नहीं लूं, अजीत सिंह जी को नहीं लूं, कौन कौन का नाम, अगला का नाम, सब सिगरी सिसुरा और सब भाई और बहनों, काली साहब की जयंती आज बहुत बड़ा स्तर पर मनाई, कटे नावा, कटे कुचामन, कटे लाडनू, कटे डीडवाणा, कटे जायल, कटे नागौर, सब जगह अखबार में सुबह एक फोटो आती है कि पोस्टर जारी किया इन इन लोगों ने, बहुत मेहनत करी एडेगाना का नौजवान बच्चा, और बहुत बहुत बधाई है कि ऐसा कार्यक्रम की कोशिश करी, मन तो नहीं लगा हो कि इतना कार्यक्रम सफल हो ही। राठौड़ साहब कालवी साहब एक बात कहता कि जिस दिन राजपूत समाज माथा गिना वो सीख जाए, बिदन राजपूत समाज उन्नति की प्राप्त हो जाएगी, माथा तो थोड़ा दिन पहले जयपुर में 10 लाख राजपूतों का गिनाया गया, यूं बता माथा आज तक कोई गिनाया को नहीं, बीमा तो जागृति पूरी आ गई कर्नल साहब, उसमें जागृति पूरी आ गई, माथे गिनाने के मास्टर राजस्थान में किसी भी संगठन ने इतने माथे नहीं गिनाए, लेकिन एक बात जो मैं रोज आपने कहूं कि अगली समस्या को समाधान राजनीति है, कर्नल साहब कर्नल बन गया, पेंशन 1.5 लाख मिले, अजीत सिंह जी चांदारण रोजेना ब्यावर कमाए ने कई फैक्ट्रिया चलावे, रुपया 15-20 लाख रुपया महीना का कमावे, लेकिन पुलिस को एक सिपाही अड्डो फिर जावे, कर्नल साहब थाने बैठा लेवे, रजीत सिंह थाने बैठा लेवे, राजनीति में नहीं हो तो थाने कोई को नहीं माने, रुपया ने पीसा ने टक्का ने ओदा ने, अरे एक छोड़ो पजामो पेरेड़ो गोपाल सिंह मिल जा, और डिप्टी साहब मुंडा का आ जा, एसपी साहब आ जा, 3 बार सोचे को चालान करा को नहीं करा, अरे वो चालान करे तो फोन कर दू, चालान करो कहीं को नहीं करा, वो छोड़ो खत्म कोई बात, तो राजनीति सब समस्या को समाधान है, अब सर ठीक है, राम जी महाराज टाबर पाड़बान अच्छो काम है, राजनीति अगर आप करो, सरपंच आप बनो, सरपंच बनो तो आपके गांव के मायने जितनी भी अनुष्या वे ठाकर साहब सुबह पहली और सरपंच साहब के चूंतरी पर जा बैठे, सरपंच ने माई कहे डबो ठाकरा याद घंटो हो हाल तो मैं नारिया है बेटी का बाबो था राम निकलो सुबह पहली यार बैठ जाओ घर, सरपंच के यहाँ सब एनओसी, सरपंच के अटे सब प्रकार की कार्रवाई, सरपंच के अटे सब प्रकार की सुविधा, सरपंच के अटे पेंशन, हगड़ो काम गांव में सरपंच हूं देव किशन जी हुए सब काम, अब ठाकर छिद्दावेर सरपंच अगर बड़ में नहीं है तो बैठे रहो राजनीति कर्मो करो, कर्नल साहब की कौन सा दे राजनीति, सरपंच जीतना चाहिए, और सरपंच जीत गया तो फिर सरपंच की तान मान की छोटी है तो प्रधान बनाओ, ए बनगा ठाटाला की सामान को नहीं अबार फिरता मारलाल लाल, प्रधान बनते ही साहब मैं रोजिना फोन करूं भाई प्रधान साहब कटे बिराजो आज शाम का आपको नाश्तो है भोजन है खानो है ठुकानी रोज के बेगा टेम पर आ जाता आलावे को सरपंच प्रधान बनेगा,
और राठौड़ साहब का, राजेंद्र सिंह जी का, भंवर सिंह जी का तो कहना ही कहीं भाई साहब ठेठ चूरू चाले था, ठेठ तक एक गाड़ी दूजी दूजी तीजी तीजी चौथी चौथी पांचवी, डॉक्टर की बदली, कलेक्टर की बदली, एसपी की बदली, थानेदार की बदली, छोरा की नौकरी, छोरा ने लोन पास करना, छोरा ने एमएलए को टिकट दिलाना, थुकराणी ने प्रधान बनानी, प्रमुख बनना, अगली समस्या को समाधान राजेंद्र सिंह जी को माई कर निकले। माँ की दुकान इधर मऊ निकलती, मैं तो जरा एम पी आडे गाड़ा मेड़ता का जरा मैं कहता थानेदारियां कर दीजिए, थानेदार ने करना पड़ता, तहसीलदार ने करना पड़ता, तक टिकट मेचाता जी ने देता, लेकिन कोई पार्टी में जाओ लेकिन हैसियत तो पकड़ो। और हैसियत ठीक बताओ आप, मकराना का मैंने कितना सरपंच बताओ आप, और डेगाड़ा में कितना और कितना होगा, ईडो तो परमानेंट है राठौड़ साहब, ईडो परमानेंट, और आगे आते हो जाते हो क्यों आवे जावे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति की चाबी और कुंची जी आपने गवां का मायने लिखोड़ा है भिंता पर, हर पे हर रोग की जड़ कब्जी, और कब्जी को हरण करे कायम चूर्ण, कायम चूर्ण खाओ और कब्जी हटाओ, कायम चूर्ण खाओ और कब्जी हटाओ, निरोगा पाओ, राजनीति में आओ, आरपीएसए का मेंबर बनो, राजेंद्र सिंह जी मंत्री बनो, माली जी मैं बार एक मंत्री मिल रहा हूं झूठो साचो, हाँ मार के नहीं है, दुकान छोटी मोटी है, दुकान पास मगर है तो आपका काम का शौर्यता। अबे लोकतंत्र है भाई साहब, मैं से कहो तो चेप चाप कर लिया मामे आड़ी गणी राठौड़ी आठौड़ी को नहीं, मैं तो हिसाब लगा लिया, पर थाके करडावन हाल है, इस डेमोक्रेसी में करडावन को आपको छोड़ना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। 36 कौम का श्याम प्रताप सिंह ठीक कर रहा था, 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ेगा, मेघवाल को ठीक है, कल्याण सिंह जी कालवी नाथुराम जी समझो तो करो आप ठीक ही हो, शायद मैं कर्नल साहब भी क्योंकि गांव में कत्ती रड़ा जाट राजपूत की सब खत्म होगी, और कल्याण सिंह कालवी तो बे नेता एक बार समझो तो हो कांग्रेस के और कालवी साहब वाली पार्टी के। तो राजेंद्र सिंह जी मैं फोन करो हमारे काम हो कालवी साहब ने, लेकिन वो पिए क्यों सो रहे हैं कालवी साहब, तो मैं थोड़ा अलबताई कर मैं फोन लगाई, मैं 23546 दिल्ली कल्याण सिंह कालवी के फोन से बोल रहे हैं क्या, बोल रहा हूँ बात कराइए, मैं कालवी से बोल रहा हूँ कोई गंभीर बात करनी है, उठाइयो ठाकरे ठाकरे हो कहीं गंभीर बात है, ये दुखी बात है, हमने कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया और आप नींद ले रहे हो, ये राज कैसे चलेगा, ओ काम है मारो, तो मतलब है कि कल्याण सिंह जी जैसा सरल और विनम्र आदमी जयंतिया मना वो शुरू सबो पहली कोई करबड़ा तो कल्याण सिंह जी कालवी ओ भाईओ मारके ने काल पूछा आयो मैं कह रहा टाबरिया टोपो तो मत लगा, टोपो लगाए नेता कौन बने लो, इसलिए कल्याण सिंह कालवी के पेच लोकेंद्र सिंह कालवी ने अपने जीवन में जितनी मेहनत की है किसी नेता ने नहीं, धौलपुर भरतपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़ हर दुख में सुख में समाज में हर जगह आगे, लेकिन राजनीति वाली कूची मांग हाथ को नहीं आई, तो टावरिया ने कहूं राजनीति वाली कूची अबार राजेंद्र सिंह जी की दुकान मोटी है अबारी नेड़ो हाथ गाल ले, दिलीप सिंह जी ने गाल ले बेटी का बाप, की इनकी दुकान जमाए ले जमजे जन जमजे चाल जे गाड़ी चाली चाली चाली, कल्याण सिंह कालवी सरपंच है भाई, कल्याण सिंह कालवी सरपंच था और बहुत दौरा जीतता, दिलीप सिंह जी बचवारी रहा, सिमू सिंह जी घना फिरता फिर अंठा है बरूटा का मायने, मैं ही घना फिर कालवी साहब के साथ, लेकिन दुकान कौन जमीर कौन जमीर जमर लागबा लागी तो एमएलए एमपी मिनिस्टर आगे जमा दर मान तो मिलबा को फुर्सत को एक बार राजेंद्र सिंह जी उन्होंने चंद्रशेखर को खाना दिया, मैं पहुंच गया उन दोनों में नाराज थे वो सिंबू सिंह जी से इनसे दिलीप सिंह जी से सबसे, मैंने क्यों ठाकरा पे चेला कटा है क्यों नाराज है बुलाओ मैंने नाराज कहाँ का थे बुलाया और राजी या करो फोन रे, तो उनपे बहुत महानता थी उस आदमी और इतना मान था राजेंद्र सिंह जी बाकी क्रिएशन है भाई वो पौध रोप गए थे आज बड़ा वाले जहां खड़ो है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको समाज में राजनीति कर वो सीखो, प्रधान बनो सरपंच बनो प्रमुख बनो,
अब थाने की ठाई को आरपीएससी को मेंबर बन जावे नहीं, आरपीएससी को लोक सेवा आयोग को वो काई कर सके थाने ठाई, वो मजिस्ट्रेट बना दे, वो एसडीओ बना दे, वो डिप्टी बना दे, वो एडीएम बना दे, वो थानेदार बना दे, वो पटवारी, अगला काम वो कर दे, गुजर साहब पत्रकार जी सब काम आरपीएससी को मेंबर, पण थे राज में आओ को नहीं बेटी को मान तो आबा ही को तो मान तो थे वोट दो ही को नहीं, हगड़ा वोट टेके बेटा बीजेपी करे कदे कदे मान ही देवरे बेटी को बाबा मैं ही थाको छोटो मोटो हगड़ा अंडा एक टोकरी में मिल यार साइकिल पड़े टोकरी पड़गी नहीं सब अंडा फूट जा रहा की माकी टोकरी में मिलो अबार एक दो मैं जीते रहा होता भाई मैं अब माने अबार हगड़ा ने छापा बनवा मोटा मोटा मारो सब हगड़ो मोड़ो क्यों अंडा है भाई अब राज में थे को नहीं कहीं आगे मैं लाई भला है मध्य प्रदेश में जीत रहा है कि थे नाम नाम जो मैं क्या बोला अंठा को नहीं आती बाकी दुकान तो बंद है तो क्यों क्या था दुकान चालू करने वाले आप राजेंद्र राठौड़ की आज इज्जत क्यों है हगला था कि राजस्थान में राजेंद्र सिंह राठौड़ आएगो राजपूत का वोट अन्न बंद कर दिया और थे को नहीं मैं तो वोट वोट बंद करा मैं तो बीजेपी का बंदे रहा राजेंद्र सिंह आओ तो और नहीं आओ तो मैं तो बंदे बंदे या खूंटा कहा बैठा रहो खूंटा का ढंडो बंदे रहे आपके आदमी को इज्जत बढ़ाने का काम आपके पास कांग्रेस में वोट देना रहे गोपाल सिंह ने नहीं यार दीपेंद्र सिंह ने पकड़ लिया दीपेंद्र सिंह ने तो भंवर सिंह ने पकड़ लिया किसी आदमी को पकड़ के उसको महिमा मंडित करो अटी ने बीजेपी में जाओ तो राजेंद्र सिंह ने पकड़ो राजेंद्र सिंह ने तो आप भाई नहीं प्रधान बनियो इन्हें पकड़ो कोई कोई का माली पन्ना आपा तो माता राजपूत हा बाटा का माली पन्ना चेपा ने आपा नोरतंग मारे आए जरा ए लियो बाटो चेपा माली पन्ना चार पांच ए माता जी गिरवर सिंह जी ए दो करो पन्ना माली पन्ना चेपो थके आते माली पन्ना चेपो तो राजेंद्र सिंह राठौड़ बन जी माली पन्ना चेपो तो गोपाल सिंह शेखावत बन जी ये आपके हाथ इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है इस अवसर पर हर आदमी तो काली बन नहीं सकता लेकिन एक काम तो काली साहब को आप कर दियो माथा गिना दो माथा तो थी गिना दिया 10 लाख माथा आज तक बत्ता कोई मेरे जयपुर की धरती पर कोई नहीं बनिया लेकिन अब राजनीति की कुंची संभाल वो सीखो सासू को कण की थी कुंची बंदे ड्राइवर जरा बुआ चौर में लोट पलोट करती पर क्योंकि चाबी तो भाभी शाह करने है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आने वाले डेमोक्रेसी को समझो और कोरो चुनाव लड़ो राजेंद्र सिंह मार्केट एक फैशन चली है थोड़ा दाम दुमड़ा होया बा गाड़ी मोटोड़ी फॉर्च्यूनर आई एमएलए को कहते अरे बेटी का बाप तू सोच टिकट ले बो हगड़ों दोरो काम तो राजनीति में टिकट ले बो राजेंद्र सिंह जी का सीनियर नेता आने में कहीं फोड़ा पड़ जाए नहीं चूरू नहीं इनको सरदार सेट देंगे माने काट दिया पहल के मैं जेता हूं एमएलए को मांगियो माने बेटा टेक दियो चित्तौड़ में वहां लड़ो जाकर के तो मैं आपने क्यों हाँ कि राजनीति में आपने पारंगतता सीखनी पड़ी मैं चुनाव लड़ रही हूं कत्ता लड़िया थे गांव में आंतर दियो छे जीत्या कौन है वो भाई भी जीते बचे अरे मानो अरे भाई एक ही बात है नाम क्यों लो तो मैं आपको कहना चाहता हूं जब तक राजनीति की सारी कला कूची सीखो राजेंद्र सिंह चूरू लड़े बट थान था राजपूता के तब वोट है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई जाति की बात नहीं कौम की बात नहीं 36 कौम को साथ लेकर मुसलमान का वोट मिले चूरू को मैंने मैं तो आने टिका भाई कोई करा आई साल राजी ने एक ना तो पटको यार किए के कौन पड़े कोई जो कोई मांगे मैं तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप लोग आने वाले समय में राजनीति को समझो राजनीति की बात करो राजनीति का जो निर्णय बांध देखो कोरा और टिकट लेबा की कला सीखो एमएलए एमपी बिना टिकट कौन बनेला मारा भाईड़ा टिकट लो कि मारे चिप जाओ कांग्रेस को लेने में थाके जीव लगे तो थाको जीव नहीं लगे थाकी मर्जी है राजेंद्र सिंह जी चिप जाओ ए दिराय इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजनीति में कल्याण सिंह जी कालवी यार मैं तो शेखावत बेटी का बापू है मेड़ का शो घर है राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब है हगड़ा है दादा बेटा है उबा आठ दशे भीड़ वाला पूछते करो शेख लो कहीं मांगे हटे बोठी गिरवा कमाए तो मैं चेपा चापू हाथा जोड़ी बापू वीरो काडा कूडी करी जने अटों भी आप लोग डेगाणो 21,000 वोटो मन जिताई इसलिए मेरा आपसे निवेदन है राजनीति की चाबी सीखो बड़े नेता का नेतृत्व मानो आने वाले समय में बड़े नेता को आप बढ़ाओ बड़ा नेता आपको बढ़ावे आपको वो मदद करे आप उसकी मदद करो लोकेंद्र सिंह कालवी की तबीयत भगवान जल्दी ठीक करे मैं भी उनसे मिलके आया था देख के लगा बुरे आत्मा में बड़ी चिंता हुई लेकिन ईश्वर ठीक करी पण टावरिया ठीक हो रही है भगवान की दया हूं पण थाने टावरिया में और कह दू थे लोकेंद्र सिंह जी मेहनत वालों काम मत कर दू हो रो काम करो थाला दाता करो जी आप
ये आशा अपेक्षा के साथ फिर एक बार सारी डेगाना की टीम ने बहुत बहुत आभार कि तालुका ने बड़ा किया, धन्यवाद, जय। बहुत बहुत आभार, बहुत ही सदावा और बहुत ही काम की बात आदरणीय गोपाल सिंह जी शेखावत साहब ने करी। इस बीच जैसा कि हम लोग यहाँ श्रद्धेय कालवी जी को याद करने के लिए उस निमित्त यहाँ पर एकत्र आए हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि स्वर्गीय कालवी जी तो हमारे बीच नहीं है, लोकेंद्र सिंह साहब की भी तबीयत खराब है, लेकिन एक सितारा है जिससे हम और भी उम्मीद लगा सकते हैं। तो कालवी साहब की उन जड़ों को कवि ने लिखा भी कि मैं इस धरा पे सिरफरा हो जाऊंगा, मरकर में मकबरा हो जाऊंगा, और मेरी सूखी टहनियों पर हंसने वालों अगर जड़ें जिंदा रही तो फिर से हरा हो जाऊंगा। बुलाइए एक बार जोरदार तालियों से कि लोकेंद्र सिंह कालवी आए और अपना उद्बोधन रखें। लोकेंद्र सिंह कालवी, प्रताप सिंह कालवी, माफ चाहेंगे, प्रताप सिंह जी कालवी से आग्रह रहेगा। मां कहे तो लोकेंद्र सिंह जो नाम मुंडे पर अतो पड़ेड़ो है, जड़ जड़ सामाजिक कामा माता ने तो मुंडा पर जमगो, दूसरा देवा के भी जवान है तो नाम वहां कोई निकले, ऐसा काम किया उन्होंने। एक बार जोरदार तालियां लोकेंद्र सिंह जी के लिए भी बजाएं कि उनका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ हो घर पर। आमंत्रित थे प्रताप सिंह। मां करणी को नमन और पितरों को नमन, दादो साहब नमन। यहाँ विराजमान 1008 संताराम जी महाराज को चरणों में प्रणाम। और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हुकुम पिता तुल्य, हमारे दो पीढ़ी से साथ हैं हुकुम, उनको प्रणाम हुकुम। मेघराज सिंह जी बाबू साहब, परिवार से संबंध भी है, रिश्ता भी है, बाबू साहब लागे मांगे तो प्रणाम उनको। अजीत सिंह जी समिति के अध्यक्ष, दिलीप सिंह जी बछवारी साहब हुकुम, भवन सिंह जी पलाड़ा साहब, हनुमान सिंह जी खांडा साहब, मोती सिंह जी युवा नेता प्रणाम, और करणी सिंह जी भाई, और विराजमान मंच पे मुख्य अतिथि, और आप सब लोग पधारे हुए यहाँ से दूर दूर नागौर और राजस्थान के क्षेत्र में, सबको मेरा नमन है। मात्र शक्ति को नमन, और यहाँ पे मेरा गौरव है कि आज साहब बीमार हैं, उनके अनुपस्थिति में यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तीसरी पीढ़ी के तौर पे दादो साहब की जयंती पे, और साहब पधार नहीं पाए तो उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। भवानी दादा हैं बड़े वाले, वो भी दिल्ली विराज रहे हैं, कुछ कारणवश वो भी नहीं पधार पाए। तो जो अभी इन दिनों कुछ दिनों में अभी हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूमे, 4-5 दिन 10 दिन मेरे को जो टाइम मिला, उसमें ये देखने को मिला कि अभी भी दादोसा के जान पहचान के मेरी उम्र के लोग भी मौजूद हैं। वो ये बताते हैं कि मैं 10 साल का हा, 15 साल का हा, जद अट मिलया माँ को, यहाँ काम ही और यहाँ आया और भी आया। तो 70 साल 80 साल 90 साल का भी मिला, और 15 साल का वह हा जो भी अब 40 साल का होगा, मतलब तीन तीन दो दो पीढ़ी ने वह हाल भी जाने। तो बहुत ही गौरव की बात है हमारे, और 4-5 दिन 10 दिन जितना भी मन टाइम मिला, साहब हॉस्पिटल आ तो घना टाइम मैं दे कौन पाया, और समिति खूब मेहनत करी, और जो गांव में घूमया भी हूँ, निष्कर्ष हो निकलियो कि राजपूत कौम के अलावा भी दूसरी पीढ़ी भी कालवी परिवार के साथ और दादोसा के साथ जुड़ी हुई थी, चाहे वो जाट हो, मेघवाल हो, नाइक हो, कोई भी जाति का हो, और वो आज मौजूद भी हैं। तो आप सब लोग भी मेहरबानी यहाँ पधारे। तो इसमें एक भगवत गीता का एक लाइन है जो कृष्ण भगवान ने खुद ने बोली है, चतुर्वर्णम माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश। तो इसका मतलब यह है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैंने 4 वर्णों में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के मैंने खुद ने इनको बांटा है, और वो बांटा है उनके कर्म और गुण के हिसाब से, ना कि जात के हिसाब से। जात भले राजपूत हो,
लेकिन क्षत्रिय वही कहलाएगा जो कर्म और गुण के हिसाब से क्षत्रिय होगा, चाहे वो कोई भी जाति का हो। और शूद्र वही कहलाएगा चाहे वो राजपूत हो, लेकिन काम वो शूद्र वाला, कर्म उसके शूद्र वाले हैं, तो वो शूद्र ही कहलाएगा। तो ये जो जाति का जो सिस्टम था, ये जो जाति शब्द है, ये जो जाति शब्द है, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था जो अपने पुराने टाइम में थी। इसको नया अब दे दिया गया है, ये पोर्चुगल आए, बाहर से जो लोग आए उन्होंने कास्टिज्म वर्ड निकाला, ये उस कास्टिज्म को जातिवाद से जोड़ दिया। बाकी जाति का मतलब ये नहीं है कि भाई कि एक छोटी जाति का है तो वो फलाना, उसको वो कर्म के हिसाब से था। तो आप सबसे यही निवेदन है मेरा कि जो राजपूत है वो कर्म के हिसाब से अपना काम करे, क्षत्रिय कौम में वो आए, और दूसरी जाति भी वो क्षत्रिय कौम का काम करे और साथ मिलके समाज को इसको आगे लेके बढ़े। चाहे वो राजनीतिक पे भी हो, लेकिन वो राजनेता अगर समाज को तोड़ रहा है, 36 कौम का साथ नहीं लेके नहीं चल रहा है, एक का ही समाज के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे राजपूतों के पीछे हर नेता पड़ा हुआ है, जाटों को वो भी राजपूत की हाय तौबा कर रहा है कि हमको लूट लिया, बर्बाद कर दिया, रेगर भी, मेघवाल भी, कोई भी जाति का आप नेता उठा के देख लो, उनका एक ही काम है कि राजपूतों ने हमारा शोषण किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर राजपूतों ने शोषण किया है तो भारत सोने की चिड़िया कैसे कहलाती थी भाई? 1500 साल तक सोने की चिड़िया वो कहलाती थी, तो वो राजपूत काल में ही तो कहलाती थी। और आज भारत का नंबर कोई 10वां है, अब जाके कोई 5वां 4थे नंबर पे आई है, लेकिन भारत आजाद होते होते तो भूखे मर रहे थे सारे। तो राजपूतों ने अगर शोषण किया होता तो सोने की चिड़िया कैसे कहलाता वो? और आज का जो डॉक्टर है वो कहलाता है भगवान, क्योंकि वो बचाता है जान। भगवान सबकी डॉक्टर है, जो सबकी जान बचाने पे अगर भगवान कहलाता है, तो राजपूत ने अगर माथे कटाए तो उसको क्या बोलना चाहिए? भगवान से तो ऊपर ही दर्जा मिलना चाहिए उसको, जो बडेरों ने अपने माथे कटाए समाज के लिए। राजपूत ने राजपूत के लिए माथे थोड़ी कटाए, देश के लिए माथे कटाए। आज आपके गांव में है, देश होता था मारवाड़ मेवाड़, आपका गांव हो गया, आपका क्षेत्र हो गया, लाडनू हो गया, वो उतना ही देश होता था। तो देश के लिए अगर राजपूत ने आदमी के लिए नहीं, गाय के लिए भी माथे कटाए, आज कटा के देख लो कोई, आज अंगुली कटा लो, लाठी भले लाठी नहीं खा सकते आप गाय के लिए। तो उस राजपूत ने, उस क्षत्रिय ने, राजपूत भी नहीं, क्षत्रिय कहूंगा क्योंकि राजपूत कर्म से क्षत्रिय में जाता था वो, तो क्षत्रिय ने, उस राजपूत ने अगर सर कटाए हैं, और भगवान कृष्ण को अगर ठाकुर जी बोला जाता था, तो राजपूत को ठाकुर बोलने में कहां इतराज है सबको? तो ठाकुर जी वो कर्म से कहलाते थे, ना कि ऐंठ से। उनके कर्म भगवान से भी ऊपर होते थे, क्योंकि डॉक्टर तो बचाने वाला है और राजपूत सर कटाने वाला होता था, तो वो ठाकुर कहलाता था। आज की आर्मी की तुलना कर लो आप, अगर वो भी ये चीज भी समझ में नहीं आए, तो आज की जो आर्मी है, जो पहले जो क्षत्रिय और राजपूत होते थे, वो पुराने जमाने की आर्मी होती थी। आज की आर्मी अगर कारगिल युद्ध से रोड से निकल रही, सब गाड़ी ठोक के सलूट ठोकते थे, तो वही काम पहले के लोग करते थे। आर्मी के पास सबसे ज्यादा बजट है देश का, सबसे ज्यादा संपत्ति है, लैंड अक्वायर सबसे ज्यादा आर्मी के पास है। सर कटाने के लिए वो लोग तैयार है, उनके टेस्ट होते हैं, वो रिटन टेस्ट होता है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर वो आर्मी में जाता है। तो उस जमाने में भी राजपूतों का, क्षत्रियों का टेस्ट होता था, तो वो क्षत्रिय कौम में भर्ती होता था और वो सर कटाने जाता था। तो उस कौम, आज आर्मी को इज्जत मिल रही है, तो उस जमाने में क्षत्रियों को इज्जत मिलती थी, राजपूतों को इज्जत मिलती, क्योंकि सर कटाता था वो। आज कारगिल युद्ध की एक छोटी सी मंगरी अगर जीती है, छोटा सा पहाड़ अगर आर्मी ने जीता है, उगता वहां कुछ भी नहीं है, कोरे भाटे हैं, वहां ठंड पड़ती है, कुकड़ी जाम हो जाए। कारगिल युद्ध में वो जीती हुई राज बोल दो, कोई चाइना को या पाकिस्तान को दे दो, हाय तौबा हो जाए, सरकार गिर जाए एक छोटी सी मंगरी के पीछे, क्योंकि उसमें बलिदान है, उसमें सर कटाया, छाती में गोली खाई है क्षत्रियों ने। आज की आर्मी क्षत्रिय तो है, चाहे वो जाट हो, चाहे गुरखा हो, चाहे राजपूत हो, कुछ भी हो, कर्म से वो क्षत्रिय है, कर्म से वो क्षत्रिय है।
तो उन्होंने अगर छाती में गोली खाई है और वो कारगिल में युद्ध पे जो जीती हुई पहाड़ी है वो अगर चाइना और पाकिस्तान को दे दी जाए तो आज की सरकार गिर जाए, हाय तौबा हो जाए। तो हमारी तो पूरी संपत्ति हमने राष्ट्र को सौंप दी आजादी के बाद, इतना बड़ा बलिदान हमने दिया, सर कटाए हमारे देश के लिए, छोटे छोटे ठिकानों के लिए, लेकिन देश को आजादी के बाद जब जरूरत पड़ी तो हर क्षत्रिय कौम ने अपनी संपत्ति, सीलिंग में गई हो कैसे भी गई हो, प्रॉपर्टी उनकी देश के लिए गई है, देश की एकता के लिए गई है। और ये योगदान है क्षत्रियों का। तो इसके लिए आप सब लोगों को एक बार, जो भी दूसरी जात के हैं या चाहे राजपूत भी हो, अगर कर्म से आप क्षत्रिय नहीं हो तो एक बार सोचनी चाहिए कि क्षत्रियों का योगदान क्या रहा है। अगर वो ठाकुर जी कहलाता है तो इसलिए कहलाता है क्योंकि सर कटाए, सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि राजपूतों के काल में ही जब राजपूतों का राज था तो सोने की चिड़िया कहलाता था। दो बात ये। तीसरी बात, जो आज का टाइम है, आप सबसे निवेदन है, जो छोटे भी हैं बड़े भी हैं, घर में जो मन मुटाव होते हैं उसका कारण है आप प्रॉपर्टी डिवीजन नहीं करते टाइम पे। जो टाइम पे आप अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करके दो बच्चे की शादी होने से पहले, क्योंकि आने वाली बहू को ही पता हो कि भाई बेटे के पास क्या है, दो बेटे हैं चार बेटे हैं तो सबके पास क्या संपत्ति है, आने के बाद दिक्कत नहीं हो। तो वो उस संपत्ति के विवाद से ही, क्योंकि अभी गांव गांव जाते हैं तो एक कोई कोई कोल्डी के लिए लड़ रहा है, कोई पार्किंग के लिए लड़ रहा है, कोई खिड़की के लिए लड़ रहा है कि मेरे को तो खेत इतना कम दे दिया, 50 बीघा दिया, 100 बीघा दिया, आपके परदादों संग दिया, तो वो लड़ाई चार चार पीढ़ी चलती है। तो वो लड़ाई आगे नहीं चले, तो आपकी जिम्मेवारी है कि शादी होने से पहले आप अपने बेटों का डिवीजन होके उसको बता दें, सौंपो मत, हाथ में मत सौंपो, लेकिन मुख जवानी उसको आप बता दो कि भाई आपको ये दिए ये दिए ये दिए, हमारे जाने के बाद आपको ऐसे विभाग होगा, ताकि दिमाग से आपका बेटा भी फ्री, आने वाली बहू भी फ्री, वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहे। नहीं तो वो लड़ाई चलेगी कि वो तीन तीन पीढ़ी तक लड़ाई चलती है उनकी, वो आप देखोगे लड़ाई तीन तीन पीढ़ी चलते, तो एकता वहीं से बननी चाहिए, एकता वहीं नहीं से बननी चाहिए। तो ज़्यादा वक्त मैं भी नहीं लूँगा, और यहाँ पधारे हुए सब सम्मान्य, उनसे एक गुजारिश है कि कालवी प्याऊ बनी हुई है जोधपुर में, तो वहाँ पे उसका नवीनीकरण भी हो रहा है, थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन भी होना है, रिनोवेशन भी होना है उसका, और पिछली सरकार में कुछ काम भी हुआ था, 2-4 करोड़ का बजट भी मिला था कालवी प्याऊ के लिए, तो वहाँ एक मूर्ति का अनावरण होना है और थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन होके पीछे जाना है वो, तो वहाँ पे कुछ सरकार से और आर्मी से कुछ तालमेल बिठा के उसमें कोई बाद में चर्चा कर लेंगे, तो वो एक पूरे मारवाड़ क्षेत्र का वो एक एक पॉइंट है कालवी प्याऊ, वहाँ बस स्टैंड भी है, ऑटो स्टैंड भी है, रुकने की वहाँ व्यवस्था भी है लोगों के। तो आप सबसे यहाँ गुजारिश है, भामाशाह भी हैं सब, आप लोग सरकार तक बात पहुँच जाए, तो कालवी प्याऊ का मारवाड़ अनुभव, हनुमान सिंह जी पधारे हुए हैं तो, और समिति गोविंद सिंह जी भी समिति के अध्यक्ष हैं वहाँ जोधपुर में, तो प्याऊ का वो थोड़ा सा बजट क्लियर हो जाए, वहाँ नवीनीकरण हो जाए, रिनोवेशन हो जाए, तो थोड़ा सा उस पर कहीं डिस्कशन होके कहीं बात पहुँच जाए सरकार तक। तो यही मेरे सा अनुरोध है, आप सब लोग पधारे और दो पीढ़ी को आपने कल्याण सिंह जी दादो साहब और लोकेंद्र सिंह जी साहब को आप लोगों ने साथ दिया है, और आप लोगों का मार्गदर्शन होगा और आप सबका आशीर्वाद होगा, तो तीसरी पीढ़ी भी ये तैयार है, इसमें घी और दिया बत्ती लगी हुई है, इसको जोना आप लोगों का काम है, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये दिया जुपेगा। जय माँ करणी, जय माँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय का, लीजिए, समय की अपनी पाबंदी है, कार्यक्रम लंबा चाहे, मैं जिनका नाम कॉल करूँ वो तुरंत मंच पर आएंगे, और अतिथियों से आग्रह रहेगा कि उनको सम्मानित करें, उच्च शिक्षा में आपका चयनित हुआ है, सुश्री स्वाति राठौड़ जालसू कला, स्नातक में इंस्पायर अवार्ड प्राप्त किया है आपने, स्वाति राठौड़ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री सिंबू सिंह शेखावत चरडास तहसील सांझू MBBS में चयनित हुए हैं, श्री अजय सिंह राठौड़, श्री धीर सिंह राठौड़ रेवत तहसील डेगाना NDA में चयनित हुए हैं, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, श्री साहिर सिंह राठौड़ सुद्री तहसील डेगाना मकराना TT महाविद्यालय में आप टॉपर रहे हैं, सुश्री अनुष्का राठौड़, श्री आनंद सिंह राठौड़ बामणा कला तहसील सांझू MBBS में चयनित हुआ है,
श्री क्षितिज राठौड़, श्री रेवंत सिंह राठौड़ सुद्री से हैं, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। सुश्री भावना राठौड़, श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ बरना तहसील सांजू, एनएमएमएस में आपका सिलेक्शन हुआ है। श्री यशोवर्धन सिंह, श्री रेवंत सिंह राठौड़ सुद्री तहसील डेगाना, आपने एमबीबीएस पूरी कर ली, एक बार जोरदार तालियों से आपको बधाई दें। इसी क्रम में कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने खेल कूद में भी अपना नाम किया है, उनमें श्री दिलीप सिंह राठौड़, सनोप श्री किशोर सिंह राठौड़ गांव नैनास, आपने 17 वर्ष आयु वर्ग श्रेणी में कुश्ती में राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। सुश्री काजोल कंवर, डॉटर ऑफ श्री पन्ने सिंह दूधड़ास तहसील डेगाना, आपने मार्शल आर्ट में 17 वर्षीय में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सुश्री भावना कंवर, श्री पन्ने सिंह आप दूधराज से हैं, स्काई मार्शल आर्ट 17 वर्षीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में आपने भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। श्री विशाल सिंह राठौड़, श्री भंवर सिंह राठौड़ आप झगड़वास से हैं, आपने अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस तरह से ये कुछ नाम थे जिन्होंने खेल के क्षेत्रों में अपना नाम किया, और अब उनकी बारी है। जो लोग हमारे समाज को नई दिशा और दशा देते हैं उनका मैं नाम कॉल कर रहा हूं, जिन्होंने राजकीय सेवा में चयनित होकर इस समाज का नाम उज्ज्वल किया है, उनसे भी आग्रह रहेगा कि तुरंत आप पधारेंगे। श्री अजय सिंह राठौड़, पिता श्री बलवीर सिंह राठौड़ बनवाड़ा तहसील रियाबड़ी नागौर से हैं, आपने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर खेल कोटे से सितंबर 2022 में ज्वाइनिंग की, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इंस्पेक्टर साहब के लिए। सुश्री सुमन कंवर, बन्ने सिंह डोडियाना तहसील डेगाना, आपने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अपना चयन करवाया। श्रीमती रमेश कंवर, मानवेंद्र सिंह खंगारोत भेरूंदा, आपने भी थर्ड ग्रेड भर्ती में अपना सिलेक्शन करवाया। श्री पवन सिंह, श्री सज्जन सिंह कीतलसर तहसील डेगाना, आप पटवारी पद पर चयनित हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। श्री भंवर सिंह प्रताप, भंवर प्रताप सिंह राठौड़, श्री रतन सिंह राठौड़ जालसू कला से आप हैं, आप एयरफोर्स में चयनित हुए हैं। सुश्री पिंकी कंवर, श्री मदन सिंह शेखावत चरडास तहसील सांजू, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में आपने अंतिम रूप में अपना सिलेक्शन करवाया है। सुश्री मनीषा राठौड़, श्री ओम सिंह राठौड़ किरोदा तहसील डेगाना, कृषि विभाग में आपने सुपरवाइजर पद पर ज्वाइनिंग करी है। श्री नारायण सिंह राठौड़, श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़ खिंदास तहसील डेगाना, सहकारिता विभाग में कार्य निरीक्षक के पद पर आप चयनित हुए हैं, जिनका नाम पुकारा जा रहा है तुरंत पधारें। श्री विजय सिंह राठौड़, श्री बलवीर सिंह राठौड़ आप बिखरणिया से हैं, आपने कंप्यूटर शिक्षक के पद पर आपका चयन हुआ है। श्री सरजीत सिंह, श्री गुलाब सिंह चुहा से आप हैं तहसील सांजू, आप ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयनित हुए हैं, और उससे पहले आप जल सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक भी हैं, एक बार जोरदार तालियां। दूसरी नौकरी हमारे बीच में श्री रघुवीर सिंह राठौड़, श्री मनोहर सिंह राठौड़ खातोलाई तहसील डेगाना, आप भारतीय सेना में चयनित हुए हैं। श्री दीपेंद्र सिंह, श्री लादू सिंह खातोलाई तहसील डेगाना शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़, श्री ओम प्रकाश सिंह गुड्डा जोधा तहसील रियाबड़ी तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर आप चयनित हुए हैं। श्री विष्णु सिंह, श्री सुरेंद्र सिंह ग्राम लंगोर तहसील डेगाना, आप कंप्यूटर शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। श्री भगवान सिंह जोधा, श्री भवानी सिंह जोधा जालसू कला, आप शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। सुश्री कृष्णा कंवर, श्री सुरेंद्र सिंह थावला तहसील रियाबड़ी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आप चयनित हुए हैं। श्री प्रताप सिंह राठौड़, श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ तिलानेश तहसील डेगाना सब इंस्पेक्टर के पद पर बीएसएफ में आपका चयन हुआ है। श्री कान सिंह, श्री जब्बर सिंह तहसील सांजू, आप कंप्यूटर शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। सुश्री निकिता, श्री उमेद सिंह गुढ़ा जगमालोता ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। श्री विक्रम सिंह, श्री करण सिंह राठौड़ हिम्मतनगर आप सीएचओ बने हैं। श्री कृपाल सिंह, श्री विजय सिंह जालसू नानक तहसील डेगाना आप यूएई में नर्सिंग ऑफिसर बने हैं। श्री शक्ति सिंह, श्री रघुवीर सिंह बनवाड़ा तहसील रियाबड़ी आप तृतीय श्रेणी शिक्षक बने हैं। अरविंद सिंह, श्री रतन सिंह पालियास राजस्थान पुलिस में आपका 2022 में चयन हुआ है। महावीर सिंह राठौड़ कवाल
और आपका चयन एसडीएम के रूप में हुआ है। आप, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार महावीर सिंह जी राठौड़ को बधाइयां दे। हमारे बीच में राजवेंद्र सिंह जी मांझी, आपका भी नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ, एक बार जोरदार तालियों से उनको भी बधाई दें। जो प्रतिभाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उनके घर से कोई प्रतिनिधि आए हैं तो वो भी जाकर सम्मानित होवें, और नीचे जो आपको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है वो प्रशस्ति पत्र भी आप अपने, और अब हम लोग, हम जब खुद मेहनत करेंगे और खुद, इस प्रतिभा सम्मान के पश्चात मैं आग्रह करूंगा भंवर सिंह जी पलाड़ा से, जो जिला प्रमुख प्रतिनिधि है अजमेर से, एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं कि वो आए और हम सबको उद्बोधित करें। भंवर सिंह जी पलाड़ा, सबसे पहले मैं मां भगवती के चरणों में नमन करता हूं। कालवी साहब की इस जयंती और सम्मान समारोह में, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय समताराम जी महाराज साहब, हमारे राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, एमपी से पधारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा आदरणीय सुल्तान सिंह साहब, मेघराज सिंह जी, आदरणीय दलीप सिंह जी बछवारी, जसवंत सिंह जी प्रधान साहब, हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, प्रताप सिंह जी, मोती सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम को जो आयोजक और सारी मेहनत करने वाले आदरणीय अजीत सिंह जी, श्याम सिंह जी रुआ, शक्ति सिंह जी, केसरी सिंह जी कर्नल साहब, और मंच पे पधारे हुए सभी नेतागण, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातर शक्ति, सभी मेरे युवा साथी पत्रकार बंधु, सभी को मेरी ओर से प्रणाम धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन किया, और आपने लगातार एक महीने से आप मेहनत करके इतने समाज के सभी लोगों को, सभी स्थानों से आज पूरे नागौर जिले के लोग यहाँ एकत्रित हुए, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज जिस महापुरुष की आज हम जयंती के रूप में मना रहे हैं, कालवी साहब, जिन्होंने इस समाज के लिए कितना संघर्ष किया, इस समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया, आज इस छोटे से नागौर जिले के कालवी गांव में पैदा होकर के पूरे राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत में पहचान बनाई, हमारे समाज का गौरव बढ़ाया, ऐसे कालवी साहब को मैं नमन करता हूं। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी कोई संघर्ष अगर राजस्थान में होता है तो सबसे पहले कोई ताकत के साथ कोई अगर राजस्थान में राजपूत खड़ा होता है तो हमारे नागौर जिला का सबसे ऊपर राजपूत खड़ा रहता है, चाहे वो कहीं भी संघर्ष करना पड़े, कहीं भी गाड़ियां इकट्ठी करनी पड़े, कहीं भी जयपुर की रैलियां इकट्ठी में जाना पड़े, तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कोई ताकत के साथ खड़ा रहता है तो राजपूत नागौर जिले का रहता है। नागौर जिले की पहचान ही अलग ही है, नागौर जिले का व्यक्ति मजबूत होता है, हरदम किसी भी क्षेत्र में जब खड़ा होता है तो वो अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। लेकिन मैं आप सबको इस वर्तमान में, जो मेरे से पहले गोपाल सिंह जी ने किस प्रकार से एक एक विषय पे आप लोगों को बताया कि हमारे को इस लोकतंत्र में हमें अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है, हम पुराने बातें गाएंगे, हमारे महाराणा प्रताप ने वो किया, महाराणा सांगा ने वो किया, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने वो किया, हमारे बुजुर्गों ने वो किया, कालवी साहब ने वो किया। मैं वर्तमान में कालवी साहब जैसा व्यक्ति चाहता हूँ इस नागौर जिले में, पूरे राजस्थान में राजपूत जो आने वाली पीढ़ी में खड़ा हो, महाराणा प्रताप जैसा व्यक्ति मैं यहाँ पे राजपूत का युवा आने वाला युवा राजपूत आने वाला युवा महाराणा प्रताप की तरह बने। मैं नहीं चाहता कि पुराने महाराणा प्रताप की बात करें या महाराणा सांगा की बात करें, हमारा इतिहास बहुत बड़ा अच्छा इतिहास रहा है, हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है,
लेकिन हमारा इतिहास को अगर देखें तो आपसरी में लड़ाई का भी इतिहास रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने का भी इतिहास रहा है, एक दूसरे को नीचे झुकाने का भी इतिहास रहा है। मैं वो इतिहास के तरफ नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान के इतिहास में कहना चाहता हूं कि एकजुटता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, 3600 कौम को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर आप एक जाति के पीछे राज नहीं कर सकते, हम 3600 कौम को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस लोकतंत्र में आगे आएंगे। आज का युग है, हम भविष्य की बात करने, भूत की बात करने की आवश्यकता नहीं है, भूत के भूत बन गए और भूत चले गए, उनके बारे में गीत गाते रहेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य नहीं है। मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूं आप सबसे, मैं भविष्य की बात करना चाहता हूं, जो आने वाली 20 साल बाद में हमारी पीढ़ी का क्या भविष्य होगा। मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में धीरे धीरे हमारा जो सम्मान घटता जा रहा है, मैं उस सम्मान को बढ़ाने की बात करना चाहता हूं कि वर्तमान में किस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़े और हमारा समाज का मान सम्मान कैसे बढ़े, हम 3600 कौम को साथ लेके आगे चल करके कैसे ही समाज का गौरव बढ़ाए, उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारे जयंतियां मनती रहती है, रैलियां होती रहती है, लेकिन लाखों लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन जहां जाते हैं वहीं वापस रह जाते हैं। हमने कभी बढ़ने की बात नहीं करी, हमारे समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं करी, जरूर भाषणों में हो जाती है लेकिन पीछे जाके सब लोग शांत हो जाते हैं, जाते जोश से वापस आके जैसे वॉलीबॉल बड़ा मजबूत हवा में खेलता है लेकिन वो वापस आते ही कोई पिंचर होता है वैसे हवा से निकल जाती है, तो हमारी हवा निकालने की आवश्यकता नहीं, हमें ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है। आज का युग है, इसकी बात करने की आवश्यकता है। आज का युग शिक्षा का युग है और शिक्षा में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी अगर शिक्षित होगी, हमारी बालिकाएं शिक्षित होगी तो वो अच्छे आगे बढ़ेंगे। आज का युग तलवार का युग नहीं है, आज का युग कलम का युग है। अगर आपका व्यक्ति अगर कलम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छे अंक प्राप्त करेगा तो वो अच्छा एक अधिकारी बनेगा। आज का युग अधिकारी का है, आप लोगों को अच्छे शिक्षा प्राप्त करके आप लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले टाइम में 99% हमारे लोगों के अंक आए और अच्छी बालिकाएं आगे बढ़े, हमारे बालक आगे बढ़े और आने वाले टाइम में हमारा व्यक्ति कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आरएएस बने, आरपीएस बने, इसकी सोच रखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हम पहले सोच रखते थे हम फौज में जाएंगे, फौज के सिपाही बन जाएंगे, आज फौज के सिपाही बनने की आवश्यकता नहीं है, आज हमारे को कमांडर बनने की आवश्यकता है। अगर हमारा समाज कमांडर बनेगा तो ऑटोमेटिक सेनाएं हमारे पीछे चलेगी। हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है, कल हम कोई बैठे थे आर्मी के कर्नल को 10-15 प्रोग्राम था कि जब बात चलती थी तो युद्ध लड़ना है तो राजपूतों को लड़ना है, मरना है तो राजपूतों को मरना है, धीरे धीरे हमारी संख्या कम होती गई, हम लोगों ने संघर्ष किया लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है। हमने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, हमने इस हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हमने काम किया, हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, तो आज अगर यह देश सुरक्षित है तो हम 3600 कौम को साथ लेकर के हमारे राजपूत ने संघर्ष किया था, इस वजह से आज यह हिंदुत्व जिंदा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। नहीं लोग धीरे धीरे किस प्रकार से हमारे जाति पे आक्रमण हुए थे, तो मैं आज के युग की बात करना चाहता हूं कि हमारे लोग अच्छे अधिकारी बनेंगे। आज आपका कलेक्टर बनेगा, आपका अधिकारी बनेगा तो वो 10 लोगों को काम करेगा, आपका एसपी बनेगा वो 10 लोगों के काम करेगा, तो हमें आवश्यकता है आज कलेक्टर और आईएएस और आईपीएस बने, आरपीएस बने। आज का युग है पैसे का युग है, वर्तमान में अगर आपके पास पैसा है, पहले हम चला लेते थे घर में गाय हुई, दूध हो गया, लून मिर्च से खाना खा लेते और हम टाइम पास कर लेते, आज का इतना बड़ा खर्चा है, आज का आर्थिक युग है। इस आर्थिक युग को समझते हुए हमारे समाज को व्यापार की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, अगर हम लोग व्यापार की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, हम 3600 कौम को भी आगे बढ़ा पाएंगे, उनको भी साथ लेके हम नौकरियों में सबको लगा पाएंगे। आज मान लो कोई भी हमारे जो व्यापारी है, जितने राजपूत व्यापारी बने तो उनके पास हजारों लोग आज काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। अगर आज हम खुद ही वहां पे बैठे रहते नौकरी के लिए तो हम क्या करते, हमें आरक्षण की आवश्यकता है लेकिन हमें यह भी नहीं है उनके निर्भर रहने की आवश्यकता है, हमें खुद के बलबूते पे काम करने की आवश्यकता है, हमें व्यापार की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। ये व्यापार है 200 बाकी दुनिया में 1900 में, आप सबने बताऊं पैसे कमाने की तरफ अब बढ़ने की सोचो, हमारा समाज की पैसे कमाए, हमारे व्यापारी बने। कोई भी व्यापार हो, अगर आज आप 1000 रुपए छोटे से छोटा भी व्यापार करोगे तो आप 2000-5000 रुपए लेके घर में आओगे। आज मान लो अजीत सिंह जी सक्षम थे, व्यापार किया तो उन्होंने आके आज डेगाना में इतने बड़े समाज को भी इकट्ठा कर लिया और भी जो लोग थे उन्होंने खड़ा कर लिया, क्यों पैसे से ही सब राजनीतिक आती है। आपके पास पैसा होगा तो आप
राजनीतिक कर पाओगे, आप पैसे से होगा तो आपका घर का पूरा संचालन कर पाओगे। तो इसलिए हमें व्यापार की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, इसका चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम व्यापार की चिंतन नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये तीनों चारों विषय हमारे लिए बहुत आवश्यकता है जीवन में। और आवश्यकता है, सबसे बड़ी ताकत गोपाल सिंह जी बता के गया आपको, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो वो राजनीतिक है, और राजनीतिक में अपने जीतने की और अपनी प्रतिभा दिखाने की आवश्यकता है। आज अपना सरपंच बनेगा तो किस प्रकार से हमारा काम होगा, हमारे नागौर जिले में बहुत सबसे ज्यादा सरपंच होते थे, आज धीरे धीरे सरपंच कम होने लग गए। तो मैं चाहता हूं कि हमारा सरपंच बने, हमारा प्रधान बने, हमारा जिला प्रमुख बने, हमारा एमएलए बने, हमारा सांसद बने, और ये आप लोगों के ताकत के पीछे बनोगे। आप कोई किसी की पार्टियों की चमचागिरी करते रहोगे ना तो आपको कभी पार्टी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, पार्टियां आपको कभी कोई गुलाम बनाने की सोचेगी लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचेगी। किसी पार्टी का पीछे लोगों बनने की आवश्यकता नहीं है, हमारा राजपूत समाज का या हमारा व्यक्ति जो हमारा विचारधारा का व्यक्ति किसी भी 3600 कौम का होता है उसको आप समर्थन दे करके जिताइए। पहले तो आप जीतने की क्षमता कर लो, अगर आप में जीतने की क्षमता है तो आप सब कुछ कर पाओगे, अगर आपको जीतने की क्षमता नहीं है तो आप, अगर लोग जीतने वालों से सब लोग पीछे पीछे घूमते हैं, और सबसे ज्यादा कोई ताकत है जीतने की भी, अगर आप में समाज में ताकत नहीं है तो आप हराने की क्षमता दो, आप लोगों को जो हराने की और पछाड़ देने की ताकत आप में स्थापित कर लो, अपने आप ही लोग आपके पास आ जाएंगे, आपकी पहचान बन जाएगी। जीता सकते हो तो जीता, और जीत नहीं सकते तो अपने विचारधारा के हराने की भी ताकत इकट्ठी कर लो, या तो आप में है कि नहीं हराने की ताकत, तो या ऐसे ही अपन बैठे रहेंगे, अपन जीत नहीं सकते तो हराने की ताकत ले लो, जो हमारी हमारी बात नहीं सुनता है उसको पछाड़ देना सीख जाओ आप। तो आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने वालों को दुनिया डराती है और डराने वालों से दुनिया डरती है। भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इसलिए आप सब ताकतवर बन जाइए, डरना कभी सीखने की आवश्यकता नहीं है, हम डरते रहेंगे तो डरते ही रहना कभी। आप अगर ताकतवर हो गए तो आपके दुनिया साथ लग जाएगी। मैं तो आज नागौर जिले का था, मैं तो निवासी नागौर का हूँ, नागौर पैदा हुआ हूँ, नागौर हूँ, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से बाहर जाकर के भी मैंने संघर्ष किया है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे नागौर जिले का, मेरे सभी समाज के 3600 कौमों के लोग साथ लग करके अच्छे काम के लिए, अच्छे जो ये अपन ने जो मुद्दे रखे इस मुद्दे पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, हमें मजबूत बनने की आवश्यकता है। अगर इन चारों चीज पे अपन हम मंथन कर लेंगे, इस जयंती से हम प्रण लेकर के जाएंगे कि हम इन चारों विषयों पे अगर हम ताकतवर बन जाएंगे तो अपने आप आपके समाज को सब लोग पूछेंगे, और ये युग 3600 कौमों का है, इनको सबको साथ रखिए और अपनी पहचान बनाइए और आगे बढ़िए। जिस प्रकार से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे जिस भी पार्टी में रहो, बीजेपी को तो बीजेपी के साथ रहो लेकिन मजबूती से साथ रहो, अपनी बात रखो, अपनी बात मनाने की भी क्षमता रखो, और या कांग्रेस में हो तो कांग्रेस का भी उसका भी मनाने की क्षमता रखो, और राजपूत भाई कोई भी हो आप लोग मजबूती से खड़े हो जाओ, और अगर नहीं खड़े होगे तो आपकी पहचान समाप्त हो जाएगी। मैं तो कभी किसी से दब के राजनीति करी नहीं आज तक, लोग सोचते होंगे ना तो मैंने पीछे लोगों रहा, ना किसी चमचागिरी करी, ना किसी से डरता हूँ, ना किसी से घबराता हूँ, मैं तो आज भी संघर्ष करता हूँ, मेरा जीवन संघर्ष का है, नागौर से निकला और संघर्ष करता रहा, बिजनेस में भी संघर्ष किया और राजनीतिक में भी संघर्ष किया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमान जी को, जो उन्होंने अपनी RLP बना करके अपनी आज पहचान बना दी पूरे राजस्थान में, जरूरत पड़ी तो ये भंवर सिंह पलाड़ा भी एक नई पार्टी खड़ी कर करके राजपूतों की पहचान बनाएगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं किसी से दबके नहीं रहूंगा, लड़ता रहूंगा। लोग राजपाट तो लोगों ने बहुत किया, लेकिन आज युग जो संघर्ष महाराणा प्रताप ने किया है, इतिहास महाराणा प्रताप का लिखा जाता है, इतिहास उन लोगों का लिखा जाता है जो संघर्ष करने वाले, जीत या और पदों वालों के कभी, जीत या सीट वालों के कभी इतिहास नहीं होते हैं, इतिहास तो जो लड़ते और संघर्ष करते हैं उसी उन्हीं का इतिहास बनता है। मैं चाहता हूं कि इस नागौर की धरती से आने वाले समय में अलग जगह और हमारा राजस्थान में राजपूत और 3600 कौम को साथ लेके हमारे समाज का इतिहास बने, यही कहना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पलाड़ा साहब को। लीजिए, मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करूं हमारे बाहर से पधारे हुए, MP से पधारे हुए, MP सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुल्तान सिंह जी को, कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। सुल्तान सिंह जी से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें और अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय मंच पर विराजमान
108 श्री समता महाराज जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस प्रदेश के नहीं देश के यशस्वी नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में से हमारे यहाँ की सांसद जिया कुमारी जी वो चली गई। इस संपूर्ण हिंदुस्तान के आधे प्रांतों में जिनका साम्राज्य चलता है जिनको अभी यहाँ भामाशाह के नाम से बोला गया ऐसे मेघराज सिंह जी अभी जिनका ओजस्वी भाषण सुना आपने भंवर सिंह जी मंच पर विराजमान अन्य सभी अधिकारीगण विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण यहाँ सामने बैठे हुए राजपूत सरदार छत्राणी बहनें भाइयों नौजवान मित्रों मीडिया के भाइयों मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ सीकर जिले के लोसल के पास जसुपुरा का रहने वाला हूँ चार पीढ़ी से मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में रहता हूँ और इस नागौर जिले में मेरी 17 रिश्तेदारियाँ हैं आज भी लड़की देते भी इधर से हैं ले जाते भी इधर से हैं इसलिए मेरा राजस्थान से बहुत अटूट संबंध है और ये आयोजकों में भी 2-3 लोग मेरे रिश्तेदार हैं अजीत सिंह जी करण सिंह जी ये सब। मैं आज के अवसर पर जिस निमित्त हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उस स्वर्गीय प्रतिभा के बारे में 4 दिसंबर 1933 को एक छोटे से गांव कालवी में कल्याण सिंह नाम के व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के बाद अल्प समय में संपूर्ण भारतवर्ष में राजपूत समाज नहीं संपूर्ण समाज का नेतृत्व समय समय पर उन्होंने किया। आदरणीय भैरू सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे आदरणीय चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे और दोनों जगह मंत्री रहते हुए भी उन्होंने समाज के साथ साथ स्वजाति सभी जातियों का भला करने का काम किया। निश्चित रूप से जिन वक्ताओं ने जिन बातों को कहा मैं दोहराना नहीं चाहूंगा मगर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हम सब हुक्मरान है हुकूमत करने का हमारा अपना अधिकार जन्म से रहा है राजपूतों का राजपूत माँ की पेट से हुकूमत करने का अधिकार रखता था हमारे पूर्वज इस बात को सारे जानते हैं मगर अब लोकतंत्र है अब बटन दबाने से राजा बनता है बटन दबाने से जनप्रतिनिधि बनता है और इस लोकतंत्र में संपूर्ण समाज की सारे लोगों की आवश्यकता होती है। पहले एक गांव में अगर एक राजपूत का घर होता था तो संपूर्ण गांव सुरक्षित रहता था आज भी ऐसे बहुत से गांव मिलेंगे जहां पर एक मोहल्ले में एक गांव में एक राजपूत का परिवार है सब अपने आप को सुरक्षित समझते हैं क्योंकि हमें हुकूमत करने का हमको न्याय करने का हमको साथ में सबको साथ में लेकर चलने का ये मादा हमारे अंदर था आज भी है। मैं आज के अवसर पर आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जितने भाई यहाँ बैठे हैं हजारों की संख्या में यहाँ होंगे संपूर्ण देश प्रदेश में भी हजारों लाखों की संख्या में राजपूतों की संख्या 16% हिंदुस्तान में है 16% हमारी संख्या है और 16% होने के बाद आज किस परिस्थिति में है चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो राजनीति का क्षेत्र हो आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। भाई भाई का साथ दे भाई भाई को पकड़ करके न खींचे बस इतना अगर हम कर लेते हैं चाहे किसी भी पार्टी में रहो अगर भाई ने भाई का साथ दिया चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे राजनीति में काम करने वाला हो अगर भाई ने भाई का साथ दिया है तो हम सब समस्या का समाधान सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के अवसर पर अभी प्रताप सिंह जी का उद्बोधन भी हमने सुना बड़ी व्यथा थी। आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी के साथ में पिछले 30-32 साल से जुड़ा हुआ हूं मैं मध्य प्रदेश के अंदर उनका जब भी दौरा संपर्क हुआ है मैं बराबर कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ में रहा हूं
भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी उनको स्वस्थ करे। और आज के अवसर पर, इस जयंती के अवसर पर आदरणीय कालवी साहब को, कल्याण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर हम चलने का प्रयास करें। आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को समझकर संपूर्ण समाज को एक करके और आज के प्रजातंत्र में अपने महत्व को समझते हुए हम सब लोग निश्चित रूप से काम करेंगे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, जिन्होंने अपनी रिश्तेदारी जोड़कर हम लोगों को अपने आप से जोड़ने का काम किया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से उनका पुनः अभिनंदन करें। हमारे छोटे से आग्रह पर एमपी से पधारे। लीजिए, मैं अब उस शख्सियत को बुलाता हूं जो युवाओं में चहेते हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पर जिन्हें बहुत सुना जाता है, हम सबके चहेते और आदरणीय मोती सिंह जी जोधा से आग्रह रहेगा कि वो भी आए और हमें उद्बोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं मोती सिंह जोधा। बोलिए करणी माते की। इतनी कमजोर आवाज के अंदर ये जोधा कैसे बोलेगा? उठा दीजिए दोनों हाथ, बोलिए करणी माते की, बोलिए जमवाय माते की, बोलिए नागणेची माते की। अमर सिंह राठौड़ की नागौर की इस धरती को नमन करता हूं, नमन करता हूं इस डेगाना की धरती को। जगत जननी मां करणी के चरणों में नमन करता हूं। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी कालवी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान परम पवित्र भगवा के प्रतीक राज ऋषि श्रद्धेय गुरुदेव समताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके आदर्श, राजस्थान की राजनीति के अंदर एक धुरी उपनेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, मेघराज सिंह जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी और समस्त क्षत्रिय सेवा समिति नागौर डेगाना, समस्त सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं समस्त युवा साथियों, आप सभी को विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस डेगाना की धरती पर इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजित करवाया। इसके लिए विशेष तौर पर समस्त आयोजन कमेटी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मंच पर बहुत सारे वक्ता है, मैं आज एक वक्ता बनकर नहीं, एक श्रोता बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात आपके सामने रखता हूं। एक ऐसी महान हस्ति जिन्होंने समाज और राजनीति को, दोनों को साथ में रखते हुए समाज को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज ही के दिन 4 दिसंबर 1934 को ठाकुर जसवंत सिंह के घर में जन्मे एक ऐसे सपूत जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक क्षत्रियों की नींव रखी। कहते हैं कि उदयपुर के अंदर महाराजा उदय सिंह के पुत्र महाराजा शक्ति सिंह के सत्तावत परिवार की वो शाखा जो पहले चित्तौड़ में बसा करती थी, 400 वर्ष पूर्व यहां पर ठाकुर दिलीप सिंह जी जो मारवाड़ की सेना में भर्ती हुए थे और कालवी ठिकाना जो उन्हें दिया गया था वो आपके सामने उपस्थित है। मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी जिन्होंने चौपाशनी से शिक्षा प्राप्त की, महाराजा कुमार कैंपस से स्नातक किया और वहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, यानी शून्य से शिखर तक, सरपंच से सांसद तक का शिखर आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवी ने कैसे तय किया। चौपाशनी के अंदर, चौपाशनी जब आंदोलन हुआ उस आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर आदरणीय रहे। जब उनकी नजर, परम पूज्य आईवान सिंह जी हुडिल और तन सिंह जी की नजर उनके ऊपर पड़ी, क्या ये व्यक्ति आगे जाकर इस समाज का नाम रोशन कर सकता है, इस देश का नाम रोशन कर सकता है, उन शख्सियत को पहचानने का कार्य उन्होंने किया और उस भूस्वामी आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय कल्याण सिंह कालवी ने निभाई थी। उसके बाद में चाहे स्वतंत्र पार्टी हो, गायत्री देवी जी स्वतंत्र पार्टी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर रहे, जनता दल जनता पार्टी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर रहते हुए इस समाज को जब भी जरूरत पड़ी, समाज की एकता और आन बान शान की जब भी जरूरत पड़ी, आदरणीय कल्याण सिंह कालवी ने हमेशा एक समाज को साथ लेकर चलने का कार्य किया है। एक ऐसी परंपरा, वंश परंपरा, क्षत्रिय परंपरा जिन्होंने आदिकाल से इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं, मन अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं,
क्षत्रिय इतिहास जो हमारा रहा है, सूरज चांद सितारे सभी अंबर में चमकते हैं, माटी के वीर विश्व के कण कण में दमकते हैं, रक्त रंजित इतिहास कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि सब देशों के ताज नीचे चमकते हैं। वो हमारा रक्त रंजित इतिहास रहा है। तो लंबी गाथा आपके सामने गाथा नहीं गाना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर हम क्या कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया लगातार 700 सालों से इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए लड़े, वो इतिहास आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर हम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, लेकिन जब समाज को जरूरत पड़े, समाज के एकता की जरूरत हो, समाज के अखंडता की जरूरत हो, इसी तरह से एक जाजम पर आके खड़े हो जाइएगा तो दुनिया के अंदर आपके नाम लिखा जाएगा, क्योंकि इतिहास संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को सशक्त बनाइए, हर क्षेत्र के अंदर जाइए, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, मजबूती के साथ में 36 कौम के लोग आपके सामने देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप सबको मजबूत होना पड़ेगा, आप सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया जाता है, लेकिन विभिन्न लकड़ियों को जोड़कर गट्ठर बना दिया जाता है, उस गट्ठर को तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर संगठन होता है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का, वो काम सब किए चलो, फूट का भरा घड़ा है फोड़ के बढ़े चलो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, क्योंकि कदम निरंतर चलते जिनके, सम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। आप सब मजबूत बनिए, और नागौर की धरती पर विशेष तौर पर आपको मजबूत होने की आवश्यकता है, आपको सशक्त होने की आवश्यकता है, इसके लिए आप सबको मजबूत होकर एक साथ जब भी आवश्यकता पड़े, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सब मजबूती के साथ में आगे आइएगा, समाज की जब भी जरूरत पड़े समाज के साथ में बिना कोई भूमिका के साथ में खड़े हो जाइए, हर क्षेत्र के अंदर आगे जाइएगा, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार के क्षेत्र के अंदर अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं सूरत के अंदर था, अहमदाबाद के अंदर था, बेंगलोर के अंदर था, हजारों की तादाद में राजपूत समाज के युवा अपना बिजनेस खोल के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाइएगा, अपने समाज को सर्वोपरि रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सब यहां पर आए हो, इतनी बंदी जयंती करवाई हो, लेकिन यहाँ पर एक संकल्प लेके जाएं कि जब भी हम सबको आवश्यकता पड़े मजबूती के साथ में इसी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार दोनों हाथ उठा के एक संकल्प करिएगा, और यहाँ से जाते हुए ये संकल्प करते जाएंगे कि जब भी आवश्यकता पड़ी एक बार उठा दीजिए दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, और मेरे साथ में एक बार दोहरान करेंगे कि हम सब आज इस तेलंगाना की धरती से, पीछे पीछे बोलिए आप, उठा दीजिए दोनों हाथ, हम सब इस तेलंगाना की धरती से ये संकल्प करते हैं कि जब कभी भी इस समाज को आवश्यकता पड़ेगी, हम सब एक जाजम पर मजबूती के साथ में खड़े होंगे, ऐसा हम सब संकल्प करके जाएंगे, तो ही कल्याण सिंह जी कालवी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी, तथा उनके कल्याण लोकेंद्र सिंह कालवी के सुपुत्र है उनका भी मार्गदर्शन हम सब करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि हमें खुद को उठना होगा, दूसरों पर अगर निर्भर रहे तो हम वो प्रगति नहीं कर पाएंगे। कवि ने लिखा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। लीजिए, मैं आग्रह करूंगा अब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से कि वो आए और हम सबको उद्बोधित करें। आप सब एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं आगे से पीछे तक, राजेंद्र सिंह जी राठौड़। आज के इस शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय समताराम जी महाराज, सुदूर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सुल्तान सिंह जी, हमारे समाज के प्रमुख भामाशाह, समाज सेवी सम्मान्य मेघराज सिंह जी, भंवर सिंह जी, और अभी अभी जिस नौजवान का जोशीला भाषण आपने सुना, हमारा उभरता हुआ नेतृत्व मोती सिंह जी,
आदरणीय हनुमान सिंह जी, श्याम प्रताप सिंह जी, कालवी परिवार के सुयोग्य वंशज प्रताप सिंह जी, जसवंत सिंह जी, दिलीप सिंह जी, और इस पूरे कार्यक्रम में आयोजक की भूमिका निभाने वाले आदरणीय अजीत सिंह जी, पिछले 4 घंटों से ज्यादा समय में यहां बड़े अनुशासित रूप से सभी वक्ताओं का भाषण सुनने वाले कालवी साहब को जानने मानने और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प रखने वाले सभी सहजातीय बंधुओं, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्तिस्वरा माता और बहनों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजन समिति गांव क्षत्रिय सेवा समिति को। आपने संगे शक्ति कलियुगे के भाव से एक समाज की जाजम पर समाज के उस महान व्यक्तित्व को, उस महान नायक को, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज सेवा, समाज एकता और राजनीतिक प्रतिबद्धता, इन सब को लेकर इस हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग मुकाम पाया, ऐसे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए मंच दिया। मैं इस अवसर पर जनाना सरदारों को विशेष तौर पर बधाई देना चाहूंगा। बदलते युग में, बदलते परिवेश में, कम से कम इस प्रकार के समारोह में आप जब घरों से निकल कर आती हैं, निश्चित तौर पर लगता है कि इस लोकतांत्रिक युग में अब हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी अब चौखट की दहलीज को पार करके सारी परिस्थितियों को देखने, समझने और उसी समय अनुरूप अब आचरण करने का काम कर रही है। मैं कामना करता हूं आप सब की ओर से, आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी आज हमारे बीच में होते, अगली बार जब हम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी की जयंती पर एकत्रित हों, वो स्वस्थ होकर इसी मंच से हमारे बीच में रहे, इस प्रकार की मैं कामना करता हूं। आज एक महान व्यक्तित्व को मैं नमन करने आया हूं, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में मेरे जैसे कई लोगों को गढ़ने का काम किया, तैयार करने का काम किया, और मुझे इस मंच से कहते हुए कोई संकोच नहीं, अगर ठाकुर कल्याण सिंह जी कालवी ने मेरे जैसे व्यक्ति का, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, छात्र संघ की राजनीति करता था, अगर उन्होंने उस वक्त हाथ नहीं पकड़ा होता, अगर उस वक्त उन्होंने अपने साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मुझे प्रेरित नहीं किया होता, तो शायद आज मैं गुमनामी के अंधेरे में होता। मुझे इस समय याद है, मैं 79-80 में राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उस समय छात्र राजनीति के अंदर आपसी गुटों में तनाव रहता था, कई बार लड़ाई झगड़े भी होते थे। मैं देखता था अचानक कल्याण सिंह जी कालवी उस तनाव के समय में उनकी मोटर मेरे घर के सामने आकर रुकती थी और कहते थे, राजू क्या कर रहा है? मैं इनका हुक्म में बैठा हूं, लैल अभी चल के आते हैं, अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर वो अपने दौरों के अंदर, मुझे याद आ रहा कई बार खादी की दुकान से कहते थे, चौड़ा पजामा तेरे नाप का मिलेगा नहीं, मैं जैसा मिला लेकर आ। दो दो तीन तीन दिन उनका ये प्रयास रहता था कि ये व्यक्ति इस विश्वविद्यालय के परिसर से अलग रहेगा तो शायद मुकदमे से बचेगा। कैसे भूला जा सकता है? और मुझे तो वो समय भी याद आता है, व्यक्ति के जीवन में
उतार और चढ़ाव, व्यक्ति आगे बढ़ता है, समय कई बार उसको पीछे भी करता है। मेरे संकट के समय में, मैं जब जीवन के सबसे संकट काल से गुजर रहा था, मैं कृष्ण जन्मभूमि में था, जेल में था, पर लोकेंद्र सिंह जी कालवी जयपुर की सड़क पर थे और सड़क पर चल के उस समय लोगों को जागृत कर रहे थे कि एक निर्दोष हमारे नेता के साथ जो हो रहा है उसका हम प्रतिकार करेंगे। इसीलिए इस कालवी परिवार का जिस प्रकार का योगदान हमारे जैसे लोगों के लिए रहा उसको भूला नहीं जा सकता। कल्याण सिंह जी कालवी एक छोटे से गांव में, उनके जीवन वर्त के बारे में मुझसे पहले कई वक्ताओं ने कई बात कह दी, मैं कोई लंबा वक्तव्य भी नहीं दूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि समय की काल और परिस्थिति को, सामाजिक सरोकारता को और सामाजिक मंच और राजनीतिक मंच को जिस प्रकार एक रूप में एक रूपता के साथ कालवी साहब ने अपने जीवन काल के अंदर दोनों मंचों पर आदर स्थापित कर किया, आज राजस्थान में कोई बिरला भी व्यक्ति होगा। मुझे याद आ रहा वो समय जिस प्रकार तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत, कल्याण सिंह जी कालवी उस समय बनेड़ा से चुनाव लड़कर, और मुझे वो समय भी याद आ रहा है जब जनता पार्टी जन्म ले रही थी, जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, कालवी साहब स्वतंत्र पार्टी के प्रदेश के महामंत्री थे, और उससे पहले आपातकाल के अंदर आदरणीय गायत्री देवी उस संकट के अंदर मायूस थी, और अगर जनता पार्टी, जिस जनता पार्टी ने इस हिंदुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन किया, पहली बार आजादी के बाद लगातार शासन करने वाली कांग्रेस को शासन मुक्त होना पड़ा, उसके जन्म में अगर राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी का था। और ये जो जिस जयंती पर हम खड़े हैं, मैं समझता हूं कि मुझसे पहले वक्ताओं ने वर्तमान की बात बहुत की, वर्तमान में हम एक जाजम पर मजबूती के साथ बैठे इसके बारे में भी बहुत की, पर हम अतीत से सबक नहीं लेंगे, हम अपनी उस इतिहास के जिसकी हमें संतान है उस इतिहास से सबक लेकर और उस इतिहास से गौरवान्वित होने का काम नहीं करेंगे तो हम अपने इतिहास से अलग हो जाएंगे। इन जयंतियों को मनाने का कार्यक्रम अगर राजस्थान में किसी ने किया, चाहे वो अमर सिंह जी राठौड़ की जयंती हो, चंपा जी की जयंती हो, चाहे जोहर संस्थान का वो जोहर की उस मौके पर समागम हो, बड़ा क्षत्रियों का, इन सब के जनक कोई थे तो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी थे। मैं कई बार कहा करता था, कहता था हुक्म है, ये जो रावला सम्मेलन आप कर रहे हो उसमें ना कोई बात होती है, ना कोई भाषण होता है, और सिर्फ आपस में बाजोटों पर खाना खा के हम चले जाते हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा करते थे कि इन सम्मेलनों में जब हम सर गिना देते हैं, सर जोड़ के बैठ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो भावना भी आती है कि जब कभी भी किसी एक सर पर संकट आएगा, एक सर पर कोई वार करेगा तो बाकी सारे सर भी उस समय खड़े हो जाएंगे, इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा, इसलिए रावला सम्मेलन। उनका एक ही बात, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कुण पूछे, और जोगा बनने के लिए हम सबको भी आज के दिन उनकी ये बात याद आती है, और मैं आज एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने आज बाकी सारी हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित किया, और मैं उम्मीद करता हूं जिन प्रतिभाओं को हमने आज सम्मानित किया है उनके लिए स्काई इज द लिमिट, वो आगे बढ़ेंगी, हमारा गौरव बनेगी। पर इसके साथ पहली बार मैंने देखा जिन्होंने 5 बीघा से ज्यादा
कृषि भूमि खरीदी है उनको सम्मानित करने का काम किया। यह बेजोड़ काम है। मैं आयोजक समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हम धीरे धीरे अपने संस्कृति, अपने जमीन, अपने गांव, अपने पुरखों से कट रहे हैं। आज जब कभी भी हम जाते हैं, गांव में जाते हैं, सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी चीज की देखने को मिलती है तो हमारे पुरखों का वो हवेली, वो गढ़, वो कोठड़ी, जिस कोठड़ी पर अगर आज देखा जाए तो उस कोठड़ी से निकले हुए कई लोग बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, परंतु वो इतिहास जमींदोराज हो रहा है हमारा, हम उसको भूल रहे हैं। हम अपनी जमीन को बेचने में एक क्षण भी नहीं लगाते। बड़ा दुख होता है जब टैक्सियों के पीछे ठिकाने का नाम लिखा मिलता है, टैक्सी के पीछे गांव का नाम लिखा मिलता है, और जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं मैंने गांव की पैतृक जमीन बेची और आज महानगर में आकर मैंने अपने व्यापार में इस ट्रांसपोर्ट के व्यापार को प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास हमारा पुराना इतिहास, हमारी जड़ें नहीं रहेगी तो महानगरों में आकर हम अपनी पहचान खो देंगे। और अगर कालवी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उन्होंने एक बात वो बार बार कहा करते थे, वो कहते थे समाज में, क्षत्रिय समाज में, राजपूत समाज में अगर ईर्ष्या और ढा उसका भाव समाप्त हो जाए, हम अपने ही आदमी में सबसे पहले कमियां खोजना प्रारंभ कर देते हैं। हमारा कोई आदमी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, हम उस बढ़ते हुए कदम के साथ हम कुछ कहना चालू करते हैं और उसमें उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं। कालवी साहब ने जोगा न जग पूछे की बात कही, वहां ईर्ष्या और ढा आपस में आलोचना नहीं करके हम एक लाइन से बड़ी लाइन खींचे। आज हमारे व्यापार में अगर हमारे लोग बढ़ते हैं, मेघराज सिंह जी बढ़ते हैं, भंवर सिंह जी बढ़ते हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि इन लोगों के कारण से, मेघराज सिंह जी के कारण से एक दो नहीं हजारों परिवार कैसे न कैसे पलते हैं। अगर यही व्यापार इनके पास नहीं होकर दूसरे के पास होता तो क्या हम थोड़ा बहुत भी उन्हें कुछ कह पाते? हमें अपने सोच को बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आज जो बात वक्ताओं ने कही, राजनीति की बात कही, निश्चित तौर पर अब राजा रानी के पेट से नहीं मत की पेटी से निकलता है, और मत की पेटी से निकलने के लिए हमें शामिल बाजा बजाने की जरूरत है। हम अकेले क्या कर पाएंगे? मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार चुनकर आ गया, वहां हमारे समाज के वोट 16,000-17,000 हैं और मुझे जीतने के लिए 1,00,000 वोट चाहिए। तो मुझे जब तक सारे समाज के लोग मुझे सरदार की भूमिका में नहीं मानेंगे, नेतृत्व करने वाले की भूमिका में नहीं मानेंगे, अपने साथ जुड़ने वाले व्यक्ति की भूमिका में नहीं मानेंगे, तो मैं समझता हूं उस चुनाव की वेतरणी को मैं पार नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र किसी एक समाज के भरोसे नहीं, यहां तो हम सब लोग मिलकर जो लोग हम में विश्वास करते हैं उनके साथ चलेंगे तब बात होगी। मैं अभी सरदार सर उपचुनाव से आया हूं, मेरे पास मंच पर बैठे बैठे जो एक टेलीफोन आया वो ये आया कि आप अमुक अमुक गांव में ये कहो कि हमारे जनाना सरदार और हमारे क्षत्रिय लोग वोटों का प्रतिशत कम करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ने की बात करनी है तो हमें समय अनुकूल अपने आप को उस व्यवस्थाओं में भी ढालने की आवश्यकता है। हम 100% मतदान करें, मन से मतदान करें, और जिस प्रकार कहा गया है कि रोलिंग स्टोन प्लेसेस नो वेयर, हम आज एक जगह पर हैं, कल दूसरी जगह पर जाएंगे, किसी की भावना कुछ हो सकती है। जब तक प्रतिबद्धता नहीं रहेगी, जब तक हमारे विचारों के साथ जुड़ाव नहीं रहेगा, जब तक जिस दल, जिस पार्टी और जिस समूह के साथ हम खड़े हैं उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, मैं समझता हूं कि हमें वो पहचान नहीं मिलेंगी। मुझे मेघराज सिंह जी बैठे हैं, इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, ये कहा करते हैं कि धड़ा और धर्म इसको नहीं भूलना चाहिए, जो धड़ा है, जो समूह है, वो साथ लेके चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं आज समय आ गया हम अपने आप को युगानुकूल रूप से ढालें,
कालवी साहब ने जो संदेश दिया समाज में सर गिनाने का, कालवी साहब ने जो संदेश दिया ईर्ष्या को भूलने का, कालवी साहब ने जो संदेश दिया जोगा ने जग पूछा वो जोगा बनने का, उसको हम आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कालवी साहब के नए कुलदीपक प्रताप कालवी, आपको मैंने पहली बार बोलते सुना, आप आगे बढ़ो। आपके पिताश्री ने, आपके दादाश्री ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, पर वो उन्होंने अपनी मेहनत से दिया, अपना मुकाम पाया। अब आप भी इसी ओर आगे बढ़ें, हम सब लोग साथ रहेंगे। आप सब लोगों को और विशेष तौर पर हमारी बच्चियों को, मैं देख रहा था आज जिनको पुरस्कृत किया गया उसमें भूमि खरीदने में 3 महिलाएं 2 पुरुष और शिक्षा के क्षेत्र में 12वीं में 12 हमारी बच्चियां और 5 हमारे नौजवान, ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में हमारी ये छत्राणियां, हमारे जनाना सरदार ये आगे बढ़कर हमारा हमारे समाज को गौरव प्रदान करेंगे। हम सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, आज का इस सम्मेलन में सबसे बड़ी जो संदेश जाएगा, कालवी साहब को जानने मानने वाले, उनके मार्ग पर चलने वाले लोग कितने अनुशासनबद्ध हैं। मैं कई कार्यक्रम में जाता हूं, मैं हमेशा मंच पर भी कहता हूं कार्यक्रम में पहला वक्ता बोले और उसके 1 घंटे में कार्यक्रम समाप्त होना चाहिए, परंतु आपकी अनूठे अनुशासन के लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा। लगातार 4 घंटे से आप विराजे हैं, निश्चित तौर पर उस महान व्यक्तित्व को आप श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने इस नागौर जिले के अंदर समरसता की राजनीति की, जिन्होंने नागौर जिले में जो विषैली जाति का जहर था उस विषैली जाति के जहर की बेल को जड़ से उखाड़ने का काम किया। आओ हम सब मिलकर उन्हीं कालवी साहब की सपनों के अनुसार उसी तरह का समाज बनाएं। हम प्रतिबद्धता के साथ अपने अपने प्रतिभाओं को आगे करने में उनका हौसला बढ़ाएं, सब मिलकर उस मार्ग पर चलें। इस सारे कार्यक्रम के आप साक्षी बने, इतनी बड़ी संख्या में आए आपका आभार व्यक्त करते हुए। मंच पर एक से एक बेहतरीन विचार यहाँ आए, एक से एक बेहतरीन यहाँ वक्ताओं ने अपनी बात की, उनको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राठौड़ साहब ने पूरी तरह से समर्पण के भाव से जिस तरह से किया, लीजिए अब केवल थोड़ा सा कार्यक्रम शेष है। जैसा कि राठौड़ साहब कह रहे थे कि आपने अनुशासन का परिचय दिया है, तो उसी परिचय के साथ बैठे रहेंगे। मैं आग्रह करूंगा कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीतकर अपना मुकाम हासिल किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नाम लेते ही तुरंत मंच पर पधारेंगे। श्री शिव प्रताप सिंह जी, गोवर्धन सिंह जी ईड़वा, आपने ग्राम पंचायत ईड़वा से सरपंच का चुनाव जीता, एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं। श्री महेंद्र सिंह जी, भंवर सिंह जी नूंद, आप सरपंच है ग्राम पंचायत गुंदीसर से। श्री मनोहर सिंह जी, भंवर सिंह जी थावड़ा, तहसील रिया बड़ी, आप जिला परिषद सदस्य हैं। श्री रविंदर सिंह, गोपाल सिंह जी बनवाड़ा, तहसील रिया बड़ी, आप सरपंच है ग्राम पंचायत निम्बोड़ा से। श्री रघुवीर सिंह जी, गिरधारी सिंह जी गोल, तहसील रिया बड़ी, आप सरपंच है ग्राम पंचायत गोल से। श्रीमती अंजू शेखावत, डेगाना जंक्शन, आप वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 20 से। श्रीमती ओम कंवर, श्री नंद सिंह, डेगाना जंक्शन, आप वार्ड पार्षद है नंबर 5 से। श्री जगदीश सिंह जी, श्री प्रहलाद सिंह जी, आप खातोलाई से हैं और मेड़ता में एडवोकेट हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं कि अपने समाज के लिए फ्री में पैरवी करते हैं। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति में मोगास में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। श्री मदन सिंह जी, सांजू तहसील से आप हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति में आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। श्रीमती वंदना, श्री संपत सिंह खारिया कलां, आप भी ग्राम सेवा सहकारी समिति में पुनास से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। श्री नरपत सिंह गुडा जगमालोता, तहसील रिया, ग्राम सेवा सहकारी समिति में आप भी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। श्रीमती कंचन कंवर शेखावत, श्री मदन सिंह राठौड़ बछवारी, तहसील डेगाना, ग्राम सेवा सहकारी समिति से आप अकेली 20 से अध्यक्ष पद पर आप निर्विरोध चयनित हुए, एक बार जोरदार तालियां। श्री दिलीप सिंह जी, भंवर सिंह जी बिखरणिया कला, आप पंचायत समिति सदस्य हैं। श्री गोपाल सिंह जी सथाना कला, आप पंचायत समिति सदस्य हैं। श्रीमती कैलाश कंवर बूटाटी से, आप भी पंचायत समिति सदस्य हैं डेगाना से। आप सब वो लोग थे जिन्होंने राजनीति में समाज का नाम किया, और इस बीच जैसा कि राठौड़ साहब ने बताया था कि हम अपनी जमीन से जुड़े, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने जमीन खरीदी है, उनके मैं नाम ले रहा हूं, उनसे भी आग्रह रहेगा कि मंच पर पधारेंगे। श्रीमती मंजू कंवर,
श्री रेवंत सिंह राठौर सुधवार तहसील रियाबड़ी नागौर, आपने 16 बीघा जमीन खरीदी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। श्रीमती मनोहर कंवर, श्री भीम सिंह अकेली बी, आपने 2.44 हेक्टर भूमि कृषि के प्रयोजन से खरीदी है। श्रीमती सरोज कंवर, श्री जगदीश सिंह राठौर खातोलाई तहसील डेगाना, आपने 4.76 हेक्टर भूमि कृषि के प्रयोजन से खरीदी है। श्री महादेव सिंह, श्री सूरजभान सिंह ग्राम ईडवा तहसील डेगाना, आपने 8 बीघा जमीन कृषि के प्रयोजन से खरीदी है। श्री भगत सिंह, श्री गुलाब सिंह ईडवा तहसील डेगाना, 1.46 हेक्टर भूमि आपने भी कृषि के प्रयोजन से खरीदी है। मेरा सभी से आग्रह है, जो भी पंडाल में विराजे वापस बता रहे, अभी काफी कार्यक्रम बाकी है, कृपया आधा घंटे का आप और इंतजार करें। संतराम जी बाप जी का आशीर्वाद वचन होगा और कालवी रतन से जो प्रतिभाएं सम्मानित की जाएगी उनके लिए 10 मिनट का टाइम है। तो जो भी पधारे हुए उनसे मेरा निवेदन है क्रमबद्ध कि कृपया थोड़ा 15 मिनट इंतजार करें। बस केवल 10-15 मिनट आप रुकेंगे तो कार्यक्रम को हम ठीक से कर पाएंगे। समाज सेवा में कुछ विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर मुकुट शेखावत, जगदीश सिंह, जगदम्बे सिंह, आप चिकित्सा सेवा में विशेष योगदान आपने कोरोना में दिया। एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं। श्री ओमेंद्र सिंह शेखावत, श्री गोपाल सिंह शेखावत ईडवा तहसील डेगाना, आपने विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति सम्मान से आप नवाजे गए। श्री जयेंद्र सिंह, श्री भंवर सिंह डेगाना जंक्शन, समाज सेवा में आप अग्रणी रहे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। श्री दौलत सिंह शेखावत डेगाना जंक्शन से, आप भी समाज सेवा में अग्रणी है, क्षत्रिय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आप हैं, आप भी मंच पर बता रहे हैं। श्री हनुमान सिंह पाटनिया, समाज सेवा में अग्रणी, क्षत्रिय युवा मोर्चा के सचिव आप हैं। श्री कुलदीप सिंह गोल, समाज सेवा में आप भी अग्रणी रहे। श्री श्रवण सिंह राठौड़, मदन सिंह राठौड़ रोहिणा हाल डेगाना, आपने समाज सेवाओं में अपना अग्रणी भूमिका निभाई और राष्ट्रीय स्तर पर आप राजस्थान सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। डेगाना में आप ई मित्र चलाते हैं। श्री अशोक सिंह शिरसु, आप भी समाज सेवी हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मेरा आग्रह रहेगा जिनका भी नाम लिया जा रहा है मंच पर पधारे, अतिथियों से आग्रह रहेगा कि जो भी हमारे समाज सेवी पधार रहे हैं उन सब का सम्मान करें। इस बीच हमारी जो युवा और उत्साहित टीम है वो आज के इन सब के आइकन रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि रविंद्र सिंह भाटी का मंच पर जाकर आप माल्यार्पण के साथ अपना माफी चाहेंगे, मोती सिंह जी भाटी को स्वागत और अभिनंदन। जो युवा टीम है उनसे आग्रह रहेगा, मोती सिंह जी जोधा का हार्दिक अभिनंदन, माला पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत आप सब करना चाह रहे हैं। मंच पर बाईं तरफ जो जगह बनी हुई है, सारी युवा टीम से आग्रह रहेगा मोती सिंह जोधा का अभिनंदन और स्वागत करवाएं। इस बीच कुछ और शेष छूटे हुए हैं जो मंच पर है, मेरा आग्रह रहेगा कि जिससे पहले कि हम समताराम जी का भाषण और उनका आशीर्वचन सुने, मैं आग्रह करूंगा इस आयोजक टीम से, श्री अजीत सिंह जी और जसवंत सिंह जी से आग्रह रहेगा मेरा कि कुछ लोग मंच पर हैं जिनका भी आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना है। उनमें श्री करण सिंह जी राठौड़ एडवोकेट जयपुर से हैं, अजीत सिंह जी राठौड़ और जसवंत सिंह जी से आग्रह रहेगा, अजीत सा और जसवंत सा से आग्रह रहेगा कि मंच पर जो लोग हैं उनका स्वागत और अभिनंदन आप सब करवा देवें। ये लोग दूर दराज से आए हैं, भारी बल संख्या के साथ आए हैं। श्री करण सिंह जी राठौड़ एडवोकेट जयपुर, डीडवाना से श्री श्याम प्रताप जी रुआ, कुचामन से श्री मनोहर सिंह जी रूपपुरा, नावा से ओमेंद्र सिंह जी मीठड़ी, मकराना से कर्नल श्री केसरी सिंह जी, जायल से राजू सिंह जी रोहिणा, साहिर सिंह जी बिणजारी ब्यावर, रणवीर सिंह जी खोजा आप कालरत्न है, और नारायण सिंह जी मिंडकिया, इनका भी अभिनंदन और स्वागत आप मंच पर करवाएं। ऐसी पत्रकार महोदय हमारे बीच जो सच को सच कहते हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर पधारे। श्री जयपाल सिंह बनवाड़, बनवाड़ा दैनिक भास्कर संवाददाता आप है, आपसे आग्रह रहेगा कि मंच पर आए तुरंत।
श्री सत्यनारायण जी शर्मा डेगाना जंक्शन आप दैनिक नवज्योति संवाददाता है, श्री हरिराम गुर्जर डेगाना जंक्शन राजस्थान पत्रिका संवाददाता है, आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप मंच पर बता रहे, श्री अशोक सिंह गुर्जर डेगाना जंक्शन, श्री शौकत खान डेगाना जंक्शन, श्री फिरोज खान जुगल जी दाय, सुखदेव जी और अनुज पाटी, आपसे आग्रह रहेगा पत्रकार महोदयों से कि आप मंच पर पधारें। दयाल सिंह जी खातियास नहीं, मैं आग्रह करूंगा अजीत सिंह जी और उनकी टीम से कि उनका भी अभिनंदन और स्वागत करवाएं। और लीजिए, अब मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने के लिए श्री महाराज श्री समताराम जी से आग्रह रहेगा कि वो मंच पर पधारें और अपनी बात को हम सबको अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करें। मैं चाहता हूं जितने लोग बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम की गरिमा में एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं महाराज श्री समताराम जी। सभी से आग्रह रहेगा कि अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नो आशुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वप्रथम माँ भगवती के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा मन से आग्रह होगा कि सभी आप शांति से बैठ जाएं, सबको बैठा दो एक बार, सब लोगों को एक बार बैठ जाओ। ये फोटो खिंचाने वाले पत्रकार भैया फोटोग्राफ नीचे चलो, नीचे जाओ, चलो नीचे जाओ, सब लोग बैठो नीचे बैठो। सर्वप्रथम माँ भगवती के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित जिनका आप अभी उद्बोधन सुन रहे थे मुझसे पूर्व, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ उप प्रतिपक्ष नेता विधानसभा क्षेत्र, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मंच पर उपस्थित सुल्तान सिंह जी शेखावत, आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा, समाज के उद्योगपति मेघराज सिंह जी रॉयल, आदरणीय दिलीप सिंह जी बछवारी, हमारे प्रधान जसवंत सिंह जी थाटा, राजपूत सभा मारवाड़ के अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा, लोकेंद्र सिंह जी कालवी के सपुत्र आदरणीय प्रताप सिंह जी कालवी, युवा नेता मोती सिंह जी जोधा, क्षत्रिय सेवा समिति डेगाना के अध्यक्ष अजीत सिंह जी चांदारून, समुपस्थित मातृशक्ति देवतुल्य सभा में विराजमान युवा साथियों, प्रिय सज्जनों, आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिस महापुरुष की हम यहां पर जयंती मना रहे हैं, ऐसे आदरणीय आदर्श व्यक्तित्व के धनी, राजनीतिक सद्भाव और समरसता का प्रतीक माने जाने वाले आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी, यद्यपि वो हमारे बीच में नहीं है बंधुओं, परंतु किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही है कि आपकी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें। मेरी बात को ध्यान से सुने सभी लोग मंच पर बैठे, जो आपकी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव से चलता है, डुबो देता है कोई नाम खानदान तक का और किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। ऐसे आदरणीय कालवी साहब जिनको आज हम बड़ी श्रद्धा से श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए हैं। बंधुओं, कोई दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कबीर का वो सिद्धांत, कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा कोई काम किया होगा कल्याण सिंह जी कालवी ने 36 कौम के लिए, वो जीने वाला आदर्श व्यक्तित्व का धनी आज हमारे मध्य में तो नहीं है, पर आप लोगों का जनसैलाब इस बात को चरितार्थ करता है कि कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में खूबी जरूर रही होगी और उसी के कारण से वो चले गए, पर कालवी नाम को आज भारत नहीं विदेश की धरती पर उसे अंकित कर दिया। बंधुओं, आज वर्तमान का समय है विदर इंडिया भारत की सौर, या यू कहें कि भारत करवट ले रहा है और इस करवट लेते भारत में हम सभी उसके जिम्मेदार नागरिक हैं। हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन में संघर्ष और समर्पण को जरा सा स्वीकार करें। बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक सफलता नहीं मिले संघर्ष करिएगा, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही आपका अंतिम पड़ाव है। आप लोगों को राज छीनना पड़ता था बंधुओं,
अभी भी मैं आप लोगों से कहूंगा, आपका संघर्ष के दो कदम यदि आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में, मैंने सुना है कि रसोई में यदि तवे पर रोटी पड़ी रहे तो बंधुओं जल जाती है, उसे जरा सा पलटा मारना पड़ता है। अब पलटे मारने का वक्त आ गया है बंधुओं, युवा साथियों अब पलटा मारिएगा, शायद आपके पलटे लेने से इस समाज नहीं अपितु राष्ट्र का निर्माण होगा, और राष्ट्र का जो निर्माण होगा वही हमारे लिए एकता, वही हमारी अखंडता का प्रतीक होगा बंधुओं। इसलिए वर्तमान समय में हम सभी को चाहिए, जैसे राजेंद्र सिंह राठौड़ कह रहे थे कि रानी की, पूर्व में रानी की कोख से राजा पैदा होता था, पर आज मतों की पेटी से राजा पैदा होता है। मैं आप लोगों से विशेष ये कहना चाहूंगा मातृशक्ति से कि आज वर्तमान समय में हमें इतिहास लिखना है तलवारों से नहीं, कलम के धारदार हथियार से इतिहास लिखना होगा। दहेज रूपी नशे रूपी भेड़ियों को खत्म करना होगा, और जो बचा हुआ जो धन है वो शिक्षा में लगाना होगा। जब किसी कौम की हम बात करते हैं, किसी समाज की बात करते हैं, तो वहां पर युवाओं का सबसे पहले नाम लिया जाता है। किसी समाज की पहचान युवा से होती है। अभी सुन रहे थे मुझसे पूर्व वक्ता मोती सिंह जोधा युवा के रूप में आपको अपने सुंदर विचारधारा बता रहे थे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में उस महान क्रांति विचारधारा को सजो करके एक सपना देखते हैं, तो हम सभी को चाहिए कि हम सब एक होकर के, तलवारों से इतिहास लिखा गया ये वो वंदन के योग्य है, वो प्रणाम के योग्य है, परंतु अब हमें लोकतंत्र में जरा सा जागने की महती आवश्यकता है। और लोकतंत्र में जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, मैं समझ सकता हूं कि हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति घर से निकल करके जिस दिन वोट देना प्रारंभ कर देगी, राजेंद्र सिंह राठौड़ आप चिंता नहीं करें, आने वाले चुनाव के साथ हम 100% आपको विश्वास दिलाते कि मतदान पूरा करवाएंगे, क्योंकि हमारी बहनें, हमारी बेटी, हमारे युवा साथी जब निकलेंगे तो हम बराबर में आने को मजबूर है बंधुओं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि आपको कोई पहचाने या नहीं पहचाने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, नास्तिक वह नहीं जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक वो व्यक्ति है जिसके जीवन में स्वयं के प्रति आस्था नहीं है। जो स्वयं आस्थावान होगा, जिसके भीतर आस्था होगी, जिसके भीतर सोई भी क्षमता को उजागर करने की क्षमता यदि होगी, तो हम सभी को चाहिए कि हमारे भीतर छुपा हुआ कौटिल्य, चाणक्य, पतंजलि, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, इन सबको भीतर से पैदा करना होगा, और आने वाले समय में एक सुंदर इतिहास हम सभी को लिखना होगा बंधुओं। ये इतिहास आने वाले सदियों तक गवाह होगा, और आने वाले सदियां हमें उस आदर्श राजपूत समाज नहीं अभी तो 36 कौम के लिए हम लोग सम्मानित होकर के, क्योंकि हम सभी को चाहिए नेतृत्व करना, आप लोग जानते हैं। पर वर्तमान समय में मैं युवा लोगों से कहना चाहूंगा कि जगह जगह नशों की बोतलों को हाथ में लेकर के फोटो खिंचा करके जय राजपूताना लिखते हो, ये दुर्भाग्य है बंधुओं। जितने भी सोशल मीडिया पर जितने भी जो भाई लोग लिखते हैं, ये बहुत गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। यदि आपको सेवा का कार्य करना है तो फिर फोटो खिंचाइएगा, किसी गरीब की सेवा करके फिर फोटो खिंचाइएगा, किसी गरीब की, किसी गाय की सेवा करिएगा, किसी बहन बेटी की रक्षा करिएगा, किसी गरीब की मदद करिएगा, तब आप जय राजपूताना लिखते तो अच्छा लगता है। परंतु ये शादी पार्टियों में जाकर के बोतल होटल टोटल ये तीनों बर्बाद कर रही है। नागौर वाले कान खोल के सुनो मेरी बात, यहाँ नागौर में बोतल बहुत ज्यादा है, बोतल सुन रहे हो ना, ये बोतल हमारे हाथ में थी तो बंधुओं बहुत बुरा हुआ, आज वर्तमान स्थिति बिगड़ गई है, और आज बोतल किसी पाले में चली गई। मैं तो कहता हूं कांच की बोतल हो या प्लास्टिक की बोतल, दोनों को बाहर निकाल करके फेंकना चाहिए बंधुओं। ये बाहर बोतलें निकलेगी तभी हमारा स्वर्णिम युग आएगा, क्योंकि बोतल के अंदर नशा, और नशा पूरे समाज मानव जाति को बर्बाद करता है। क्षत्रिय का धर्म ये नहीं कि एक जात की बात करे, हम सभी को 36 कौम मानवता का परिचय करना होगा, सभी 36 कौम के लोगों की सेवा करनी होगी। और आने वाले समय में जैसे भंवर सिंह जी पलाड़ा कह रहे थे कि कुछ करना चाहिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा बंधुओं, जहां हमारा मान और सम्मान, जहां हमारा स्वाभिमान बना रहे, वो हमें कार्य करना चाहिए, और उसके लिए हमें कड़वे शब्द दो कदम उठाने पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए बंधुओं। इसलिए आप सभी ने मुझे सुना है, और आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसको प्रणाम करता हूं, और आज कल्याण सिंह जी कालवी जो हमारे बीच में नहीं है, पर उन्हीं के सुपुत्र लोकेंद्र सिंह जी कालवी, जिन्होंने समाज के लिए, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे जयपुर राजघराने की हो, चाहे करनी सेनाओं की हो, चाहे हमारी समाज की पवित्र आत्माएं, चाहे महारानी पद्मिनी हो, उस संदर्भ की बात हो, उसको उठाने के लिए उन्होंने 6 फुट का वो लंबा स्थान, जिसने अपने जीवन में समाज को सर्वोपरि मानते हुए आज वो हमारे बीच में
शरीर से मौजूद नहीं बंधुओं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका शरीर स्वस्थ हो और आने वाली कालवी जयंती पर हमारे बीच मध्य उपस्थित हो। हम सभी के बीच में आदरणीय प्रताप सिंह जी, जो कि बहुत सुंदर बात कर रहे थे, ये तीसरी पीढ़ी की जवाबदारी प्रताप सिंह जी आपको संभालनी है, मजबूत होना होगा, टोपी को उतार करके साफा पहनना होगा और एक नई रीति के साथ में, क्योंकि नागौर की पहचान, नागौर का सबसे प्रसिद्ध यदि कोई चीज बंधुओं यदि है, सब क्षेत्र में नागौर प्रसिद्ध है, नागौर का मजबूत आदमी होता है विचारों से, वाणी से, संस्कृति से, शरीर से, सब प्रकार से। तो इसलिए हम सभी की जवाबदारी है युवा साथियों की कि प्रताप सिंह जी का हम कंधे से कंधे मिलाकर के साथ देंगे। प्रिंट मीडिया से मेरा विशेष आह्वान होगा कि जितनी बड़ी भीड़ है, इस भीड़ को भीड़ी बताना, आप लोगों से मेरी विशेष रिक्वेस्ट, खाली कुर्सियां मत बता देना। ये पत्रकारों का भैया कहते क्या है, करते क्या है, आप सभी हमारे लिए वंदनीय हैं। इसलिए ये जो आने वाले समय के लिए हम सब लोग जो तैयारी करी है, मैं आशा करता हूं कि समाज को एक नई दिशा मिलेगी, आपका संगठन, आपकी कार्यशैली, आपकी नई ऊर्जा एक नई चेतना का संचार करेगी। आप सभी ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर एक बार जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय ने हमको सदैव शब्दों में कहा। एक बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छा शुभ समाचार ये कि रिया में 4 बीघा जमीन राजपूत समाज, राजपूत हॉस्टल के लिए खरीदी है। एक बार जोरदार तालियां रिया के सरदारों के लिए। इस बीच रघुवीर सिंह सनोप, श्री मनोहर सिंह खातोलाई, जिनका अभी सम्मान हुआ था, आपने ऑल इंडिया में 9th रैंक के साथ लेफ्टिनेंट के पद पर आपने अपनी जगह हासिल करी थी। अब कुछ लोग हैं जो कालवी रत्न है, मैं बाहर से पधारे हुए अतिथि जो है उनके खाने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बिना खाना लिए कोई नहीं जाएंगे। हरि सिंह पैलेस डेगाना गांव में रखा गया है उनका खाना। प्रेम सिंह जी डेगाना गांव द्वारा भोज रखा गया है, वहां पर जाएं। कालवी रत्न जो है उनसे आग्रह रहेगा कि आप भी इस मंच पर पधारें, मैं नाम पुकार रहा हूं, आपको भी अजीत सिंह जी और उनकी टीम से आग्रह रहेगा कि उनको दुपट्टा पहनाएं। श्री नारायण नाम जी चौधरी ठेकेदार, श्री कयूम खान जी मकराना, श्री रामलाल जी राठी पूर्व सरपंच, श्री राजेंद्र जी ब्राह्मण श्री राम बस डेगाना, श्री जसवंत सिंह जी किरोदा, श्री सुरेश मिश्रा ब्राह्मण सभा जयपुर, श्री सत्यनारायण जी सैनी सेवानिवृत्त अधिकारी IAS, श्री पन्नाराम जी देवासी, श्री गोपाल जी गील सांझू, श्री पन्ने सिंह जी राजपुरोहित, श्री सुमेर सिंह जी भाटी, श्री राजेंद्र सिंह जी झगड़वा, श्री रणवीर सिंह जी खोजास, श्री राधेश्याम जी करवा मेडिकल डेगाना, श्री शंकरलाल जी मेदवाल गोरेडी करना, श्री इब्राहिम खान जी पुत्र श्री अस्त अली खान जी डेगाना, श्री महबूब जी साई पुंदतलोता, श्री सोभागमल जी जैन मैनेजर थावड़ा भेरूंदा, श्री छोटूराम जी टेलर डेगाना, श्री जगदीश नारायण जी जोगी मेड़ता सिटी, श्री हेमराम जी दिवाकर मोड़ी, श्री गोपाल जी टाक पेट्रोल पंप, श्री मुकेश जी लखारा समाज अध्यक्ष, श्री विजय जी कालिया अध्यक्ष व्यापार मंडल, श्री खियाराम जी राय का पालियास, श्री पूर्णाराम जी गुर्जर चुई, श्री चैन जी सिसोदिया डेगाना, श्री पन्नाराम जी भोपा देवासी सांझू, श्री गौरी शंकर जी सोना अध्यक्ष स्वर्णकार सभा डेगाना, श्री देव किशन जी राजपुरोहित, श्री कृष्णाराम जी कुरड़िया, श्री पन्नाराम जी मंगलाराम जी गोदारा, श्री प्रेमराम जी पालियास पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कालवी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्नल नरपत सिंह प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो कर्नल साहब पधारे हुए हैं, उनके दादोसा ने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया। उनके पुत्र कर्नल नरपत सिंह जी यहाँ पधारे हुए हैं, मंच पे आकर के उनका दादोसा का सम्मान ग्रहण करें और धांधोली के जो आजाद के प्रथम 5 व्यक्तियों में से थे उनका इनाम करण सिंह जी राठौड़ लाडोली मंच पर आकर के प्राप्त करें। एक फोन खो गया है, सैमसंग का फोन है, लक्ष्मण सिंह जी रेवत का, अगर किसी को मिला हो तो यहाँ स्टेज पर जमा करा दे। लक्ष्मण सिंह जी रेवत का एक सैमसंग का फोन खो गया है, सभी भाइयों से सूचना है अगर किसी को मिला हो तो यहाँ मंच पर दे दो। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में जिसने दिन और रात मेहनत करके पिछले 1 महीने से लगातार जिस ऊर्जा के साथ काम किया है,
मैं आग्रह करूंगा उनके आह्वान पर इतने लोग पधारे हैं, मेरा आग्रह रहेगा अजीत सिंह जी से कि सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। आप एक बार जोरदार तालियां इस शख्सियत के लिए बजाइए जिसने इतने बड़े जन सैलाब को यहाँ पर इकट्ठा किया, आदरणीय अजीत सिंह जी। हेलो, माननीय कल्याण सिंह जी कालवी की जयंती पे उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता करने सादुलपुर चुनाव के बीच में से यहाँ हमारे बीच में पधारे उपनेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, आदरणीय समताराम जी महाराज के श्री चरणों में नमन, सम्मानित मत। इतना ही कहूंगा मैं कि आज जो मेरे एक आह्वान पे या हमारे सत्रिया सेवा समिति के कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो आज एकजुटता दिखा के आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, ये डेगाना की जनता आपका सदैव आभार रखेगी। नागौर के कोने कोने से, हर तहसील हर पंचायत से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि, समाज बंधुओं, समाज के अध्यक्ष, सभी को आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं निवेदन करूंगा जो भी बाहर से पधारे उनके भोजन की व्यवस्था हरी पैलेस डेगाना गांव रोड पे, हरी पैलेस यहाँ से 3 किलोमीटर आगे लेफ्ट साइड में बाहर निकलते ही जो भी पधारे बाहर, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भोजन करके पधारे। हेलो, एक आज ही कालवी जयंती पर राजपुर सरदार सभी समाज ने समाज रत्न जो आप मान और सम्मान ही समाज ने दियो, ये समाज आपकी बड़ी आभारी रहेगी। हेलो, सभी बाहर से जो पधारे हुए हैं, हरि सिंह पैलेस में खाना है, व्यवस्था है, आप सभी वहाँ पधार के भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद।
हेलो, आप सभी से निवेदन है, हरि सिंह जी पैलेस में खाना की व्यवस्था है, सभी आप लोग वहाँ हरि सिंह पैलेस पहुंचे, मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी लोग, हरि सिंह पैलेस आपका खाने की व्यवस्था की गई है, हरि सिंह पैलेस खाने की व्यवस्था है,